हेलो एंड वेलकम बैक ऑन ब्राइट आविष्कार। तो सबसे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आज हम अपने इस ब्राइट आविष्कार यूट्यूब चैनल पे यहाँ से कंपाइलेशन वीडियोस का एक प्लेलिस्ट यानी एक सीरीज शुरू करेंगे, जिसके अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो फिर जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड हो या फिर किसी और टॉपिक के रिलेटेड हो, जैसे रिवर्स के ऊपर आ गया जो एक नेशनल लेवल का टॉपिक बन जाता है, यानी ज्योग्राफी का टॉपिक बन जाता है, या इन्वायरमेंट की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो इस प्रकार के आप सभी को मैराथन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला मैराथन जो आपको यहाँ पे आज मिलेगा, वो आपको जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बारे में हर वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी जो आपके और हमारे कंपेटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और हम उन पोर्शंस को भी कवर करेंगे जिन पोर्शंस के अंदर से JKSSB ने क्वेश्चंस बनाकर डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं। यहां पे हम पॉलिटिकल से लेके इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, या फिर अगर आप टूरिज्म की बात करें, डिफरेंट अगर बात करें यहां पे ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, लेक्स की बात करें, रिवर्स की बात करें, और क्या अभी करंट चेंजिंग हुई है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उन सभी की यहां पे बात करेंगे। आप सभी को एक दूसरी बात भी बता दूं, शायद आपको वॉइस के अंदर थोड़ा सा मीन्स यहाँ पे नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे इतने तो हम रिच है नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को ले पाएँ और उसके बाद आप सभी के लिए लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर पाएँ, तो थोड़ा सा आप भी टॉलरेट करें, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर ऑन माई सेल फोन, तो थोड़ा सा वॉइस इशू हो सकता है आपको, तो आई होप कि आप इस बात को टॉलरेट करेंगे। और डेफिनेटली ये एक रिवीजन के तौर पे आपके लिए मैराथन लाया गया है, इसको आप मैराथन का नाम दें, इसको आप महा मैराथन का नाम दें, या फिर इसको आप किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर हम सब कुछ इन्फॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड करंट के हिसाब से भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसके रिलेटेड करंट के रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। कोशिश करूंगा कि काफ़ी जल्द ही आपको वो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवा दूं, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, आप यहाँ पे टूरिज्म की बात करें, लेक्स एंड रिवर्स की बात करें, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें यानी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की बात करें, या फिर आप रिवर्स की बात करें, इन सभी टॉपिक्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली वे से हम स्टडी करने वाले हैं। इस मैराथन से आपको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप अगर VLW जो विलेज लेवल वर्कर्स, जिसको आप पंचायत सेक्रेटरी के बारे में आपने सुना होगा और उसी का आपको एग्जाम भी आने वाला है, उसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक मेंशन करा गया है जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बारे में आपको पूछा गया, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के अंदर आपको वेदर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्लाइमेट कैसा है, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, रिवर्स के बारे में बात करेंगे, लेक्स के बारे में बात करेंगे, फ्लोरा एंड फौना कैसा है यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर, उन सभी को हम बहुत ही ब्रीफली तरीके से डिस्कस करेंगे और वहाँ से हर एक क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैंने करी भी है, स्लाइड्स के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं जो JKSSB ने प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है ताकि हम सबको एक आइडिया मिल पाए कि अगर JKSSB क्वेश्चंस बना रहा है जम्मू कश्मीर के इस टॉपिक से, अगर जियोग्राफी से कोई टॉपिक बन रहा है तो क्यों इस टॉपिक से बन रहा है, क्या उस प्लेस की या उस चीज़ की इंपॉर्टेंस है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, तभी वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो हम वहाँ से क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी भी काफी अच्छे तरीके से बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये सभी लेक्चर्स मैंने यहां पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर अपनी इसी यूट्यूब चैनल पे कवर करें, तो वहां से भी आप एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने जो स्क्रैप्ड अभी JKPSA का पेपर हुआ उसको अगर आपने दिया था तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि 8 से 10 क्वेश्चन खाली रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ही पूछे गए थे। तो आई अर्ज यू ऑल कि आप इस लेक्चर को एज ए रिवीजन के तौर पर लें, अच्छे डेप्थ में यहाँ पे हर एक चीज़ को बताया गया, बार बार इस लेक्चर को अगर आप सुनेंगे पूरे जम्मू एंड कश्मीर की इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लेंगे सिंगल सोर्स पे, और इसकी जो कंपाइलेशन PDF होगी वो मैं आपको लेक्चर के इन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होता डाउनलोड का तो जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो, वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज मैराथन, जो आपको काफ़ी लंबा मैराथन आपको देखने को मिलेगा। एक सिंपल एडवाइस आपको दे दूँ, आप इसको मीन्स थोड़ा थोड़ा सेपरेट करके, यानी थोड़ा थोड़ा जैसे 1-1 आवर का शेड्यूल बना के भी इसको आप देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम की डेफिशिएंसी है आप 2x2 की स्पीड से भी इसको देख सकते हैं अगर आपकी अच्छी कमांड है, ताकि आपको जम्मू कश्मीर की एक बार रिवीजन हो जाए। क्विक रिवीजन के लिए ये मैराथन बनाया गया है, थोड़ा सा लंबा मैराथन है, 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, आपको अपने पेशेंस को बरकरार रखना है और काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से सीखोगे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के बारे में हम यहाँ से सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी अगर आप बात करें 31st ऑफ अक्टूबर 2019 की बात करें, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी उससे पहले उसको यूटी के अंदर चेंज करा गया, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर का मैप आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख एक अलग यूटी बन गया, जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बन गया, और इस तरीके से यहाँ पे 2 UT बन गई, और इसी के साथ हमारी अगर पूरी यूनियन टेरिटरीज की बात करें इंडिया के अंदर, तो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज होगी।
हम यहाँ पे सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें, जो सबसे मींस इंपॉर्टेंट हमारे लिए जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से है। बात करें इसको पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, और ये लेक्चर्स आपने पीछे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जब मैंने हिस्ट्री शुरू करी थी उसके अंदर भी कुछ आपको इसी प्रकार की स्लाइड देखने को मिली थी। कुछ यहाँ पे नई एडिटिंग हुई है, आप ऐसा ना सोचें कि कुछ एडिट नहीं करा गया, न्यू इन्फॉर्मेशन को गैदर करा गया है, उसको आपके लिए यहाँ पे लाया गया है। डेफिनेट इट्स गोना हेल्प यू। उसके बाद अगर बात करें, इसको क्राउन ऑफ द इंडियन यूनियन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप बात करें इंडियन मैप की बात करें तो अगर नॉर्दर्न मोस्ट अगर स्टेट या यूटी को आता है तो वो यहाँ पे लद्दाख के साथ आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है, इसीलिए इसको क्राउन ऑफ द इंडियन यूनियन भी कहा जाता है। बात करें ओनली यूनियन टेरिटरी जिसकी, अभी यहाँ पे आपको टू कैपिटल्स आपको देखने को मिलेगी, विंटर कैपिटल आपको जम्मू देखने को मिलेगी और समर कैपिटल यहाँ पे आपको श्रीनगर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें लद्दाख की बात करें, लेह और लद्दाख की बात करें, यानी करगिल और लेह जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ पे, इसको भी एक अलग से यूटी बनाया गया है। बात करें इसको लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन मेरा ये यानी यहाँ पे मेरी ये ड्यूटी बनती है कि एक बार मैं आपको क्विक रिविजन देते हुए चलूँ। बात करें जम्मू कश्मीर जो है वो फेमस किसके लिए, जम्मू स्पेशली फेमस है टेम्पल्स के लिए, और अगर बात करें अगर आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर अपने लेक्स गार्डन्स और अपने पैनोरमिक ब्यूटी के लिए, खूबसूरती के लिए काफ़ी मशहूर है। अगर बात करें 2011 की सेंसिस के हिसाब से बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का जो लिटरेसी रेट था 67.16% था अकॉर्डिंग टू 2011 जो पॉपुलेशन सेंसिस हुआ था उस टाइम, उसके मुताबिक 67.16% यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर क्या था, लिटरेसी रेट था। अभी ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, उसको आप रिसेंट डेटा के हिसाब से भी मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की हेल्प करूँगा। बात करें कुछ इंडस्ट्रीज की बात करें जिससे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी चलती है, जैसे आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें, हैंडलूम्स की बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, या फिर कोई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो हमारे जम्मू कश्मीर में वो भी पाई जाती है। जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, सेरिकल्चर की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, तो आप सभी को पता है ये भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और अभी कुछ यहाँ पे मेडिकल सिटीज को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे हमारे जम्मू के अंदर मीन्स ये क्या करा गया है, ये ऑर्डर करा गया कि इनको लॉन्च किया जाए, टू सिटीज इन जम्मू। ये आपको अगर आप करंट अफेयर्स के साथ काफी अटैच हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन पहले ही ऑलरेडी मिल चुकी होगी। अब यहां पे कुछ हम ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को जानते हैं जो अभी करंट अफेयर के अंदर है। बात करें यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात की बात करें, अगर आप बात करें यूनियन टेरिटरी हमारी जम्मू एंड कश्मीर है, बात करें इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन अगर आप स्टेट की बात करें तो 26 अक्टूबर 1947 को ये क्या बनी थी, ये हमारी स्टेट बनी थी जो इंडिया का एक पार्ट बनी थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत, जो महाराजा हरि सिंह और जो माउंटबेटन थे उस टाइम उन्होंने ये एक्सेशन करा था, उस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया गया था और इंडिया का ये पार्ट बना था। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजिंग करी गई, वो डेट 5 अगस्त 2019 जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन बिल को पास करा गया, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूटी का दर्जा मिला। बात करें कैपिटल की तो आपको कैपिटल मैंने बता दी, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर में आपको यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, देखो यहाँ पे आफ्टर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेचर टाइप है वो बाई कैमरल से अभी यूनिक कैमरल के अंदर चेंज हो गया। इट मींस वी हैव यूनिक कैमरल लेजिस्लेशन इन अवर जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अगर इसकी टर्म की लिमिट की बात करें तो 5 इयर्स इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड रहता है। रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करें जिसने क्या करा था, जम्मू कश्मीर को दो यूटी के अंदर डिवाइड करा था। बात करें यूटी विद लेजिस्लेचर की बात करें वो जम्मू है और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है, तो ये सिर्फ आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें प्रेसिडेड बाय जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इससे पहले जो असेंबली थी वो कौन सी थी, उसका नाम क्या था, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसके बाद अगर आप एट प्रेजेंट अभी लेफ्टिनेंट हमारे गवर्नर कौन से हैं, वो मनोज सिन्हा है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि हमारे जो सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वो कौन थे, आप जरूर कमेंट में मेंशन करें। उसके बाद अब लास्ट इलेक्शन की बात करें तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी सीट कितनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा गया जेकेएसएसबी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। राज्यसभा की अगर बात करें यहाँ पे 4 सीटें हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, और लोकसभा की आपको यहाँ पे 5 सीट्स आपको जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर देखने को मिलेंगी। हाई कोर्ट की बात करें तो अभी इसका नाम यहाँ पे चेंज करके हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रखा गया है, पहले हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर होता था लेकिन अब इनको 2022 के अंदर ही जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के नाम से इसको मींस इसका नया नाम रखा गया है। अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो आप सभी को पता है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 में पास हुआ था जिसके मुताबिक हमारे जम्मू एंड कश्मीर की अभी 5 यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं। पहले तो आपके पास यहाँ पे उर्दू देखने को मिलता था, डोगरी देखने को मिलती थी, कश्मीरी देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसके साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश भी आपकी जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर करी जा रही है, करी जाती हैं। उसके अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें,
तो अगर इसके अंदर बात करें जो 2020 और 21 का जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज करा जाता डेटा, उसके अंदर यहां पे जम्मू कश्मीर फ्रंट रनर थे। इसके बारे में आपको पूरे अच्छे तरीके से किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि फ्रंट रनर किस तरीके से किस मींस वैल्यूज के अंदर आता है 65-99 के बीच में। बात करें जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन थी वो 66 नंबर पे थी और इसी के साथ लद्दाख भी इसके साथ ही स्टैंड करता था 66 मींस यहां पे रैंक पे। अगर बात करें डिलिमिटेशन एक्ट की बात करें, काफी चर्चा में है और अभी कंप्लीट शायद हो रहा है डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर के द्वारा यहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से डिमार्केशन पर्पस के लिए किया गया था। अब इसका क्वेश्चन अगर बनेगा तो बनेगा कि इसका हेड कौन है, डिलिमिटेशन जो कमीशन चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर उसका हेड जो कौन है वो रिटायर्ड जो जस्टिस ऑफ इंडिया मीन्स यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, रंजना प्रकाश देसाई और उसके साथ जो दूसरे मेंबर्स हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा शर्मा एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा, इनके द्वारा यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर को हेड किया जा रहा है। अगर बात करें यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, यहाँ पे अभी आपको नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा जो UCCN के नाम से जाना जाता है, इट मीन्स यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो श्रीनगर को अभी यहाँ पे नॉमिनेट करा गया है, इसको यहाँ पे डिक्लेयर करा गया है। उसके बाद यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें, इसका काम क्या था, किसको दोबारा से असेंबली सीट्स को रिड्रा करना था, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज को दोबारा से इसको रिड्रा करना था और असेंबली सीट्स को इसको दोबारा से अरेंज करना था, जिसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू रीजन में यहाँ पे पहले 37 थी उसके अंदर 6 सीटों की और एडिशन हुई और अभी यहाँ पे आपको 43 असेंबली सीट्स आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी और कश्मीर रीजन के अंदर एक यहाँ पे असेंबली सीट की इंप्रूवमेंट हुई है, एक बड़ी है, पहले 46 थी अभी यहाँ पे 47 कर दी गई है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ रिजर्व सीट्स जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए एस के लिए 7 यहाँ पे रिजर्व सीट रखी गई हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पे 9 रिजर्व सीट रखी गई हैं और कश्मीर पंडित के लिए 2 रिजर्व सीट रखी गई है। तो ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बात करें डिलिमिटेशन कमीशन, जब मैंने अभी बताया आपको जो जस्टिस रिटायर रंजना प्रकाश देसाई थे उनके द्वारा यहाँ पे इसको हेड करा गया है, उसके साथ दूसरे चीफ इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर थे जैसे सुशील चंद्र शर्मा और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के मीन्स यहाँ पे के शर्मा, इनके द्वारा इसको प्रेजिडाइड करा गया है। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के कुछ सिंबल्स की बात करें तो स्टेट एनिमल यहाँ पे अभी हमारा हंगुल है जिसको आप कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। उसके बाद स्टेट बर्ड अभी चेंज हो गया हमारा और वो कौन सा है, खाला जी फीजेंट यहाँ पे हमारा अभी जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री की बात करें चिनार यहाँ पे हमारा स्टेट ट्री है। फ्लावर की बात करें द लोटस हमारा यूटी फ्लावर या स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू कश्मीर माना जाता है। उसके बाद यूटी फ्लैग की बात करें तो पहले हमारे पास एक डिफरेंट फ्लैग होता था लेकिन अब यहाँ पे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विद ट्राइकलर इज ओवर यूटी फ्लैग ऑफ जम्मू कश्मीर, हमारी यूनियन टेरिटरी का जो फ्लैग है वो ये है। अब टोटल एरिया की बात करें तो पहले काफ़ी इसका एरिया था लेकिन अभी इसका एरिया भी काफ़ी चेंज हुआ है। अगर इसके एरिया की बात करें तो अभी यहाँ पे पूरे जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो 222,236 स्क्वायर किलोमीटर था लेकिन अगर आप जम्मू की बात करें तो 42,241 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे आपको इसका टोटल एरिया आप देखने को मिलेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर यूटी के नेबरिंग स्टेट या यूटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और यहाँ पे इसके नॉर्दर्न साइड में आपको लद्दाख यूटी आपको देखने को मिलेगा, ये इसकी नेबरिंग स्टेट्स है। उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर के साथ नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो अफगानिस्तान लगता है लेकिन अब इसको कंसिडर नहीं करा जाता क्योंकि वो POK के अंदर आता है, इसीलिए नेबरिंग कंट्री यहाँ पे आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगी। कई सारा बुक्स में यहाँ पे अफगानिस्तान भी मेंशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद खाली मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं लद्दाख की बात करता तो डेफिनेटली यहाँ पे चाइना भी आता। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे अगर बात करें चिनाब की बात करें, झेलम की बात करें, तवी की बात करें, रवि की बात करें, उसके बाद काफ़ी दूसरे भी रिवर्स हैं, उन सभी की हम यहाँ बात करेंगे जब हम जम्मू कश्मीर के जियोग्राफिकल रीजन की बात करेंगे। उसके साथ साथ रिवर्स की बात करें तो ये सभी चीज़ें मैं बहुत ही आपको एलोबरेटिव वे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद नेशनल पार्क, यहाँ पे 4 नेशनल पार्क हैं। अगर आप यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट जिसको आप सलीम नेशनल पार्क में विजिट, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डच्चीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजी रंगा नेशनल पार्क या काजीनाग नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे हेमिस जो नेशनल पार्क थी जो लद्दाख के अंदर आती है उसको आप जम्मू कश्मीर जब से डिवाइड हुआ है यूटीज़ के अंदर उसके बाद जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर सिर्फ 4 ही नेशनल पार्क बची हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितनी है तो 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आपको देखने को मिलेगी और कंजर्वेशन रिजर्व्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो 30 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करें हाईएस्ट एलिवेशन की बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर तो आपको नून पीक आपको देखने को मिलेगा जिसकी हाइट आपको लगभग मीम सी लेवल से 7135 मीटर आपको देखने को मिलेगी। अब लोवेस्ट एलिवेशन की बात करें तो चिनाब रिवर है जिसकी लोवेस्ट एलिवेशन यहाँ पे लगभग आपको 247 मीटर आपको देखने को मिलेगा सी लेवल से। टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 20,230 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आपको यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट एरिया जम्मू कश्मीर यूटी का आपको देखने को मिलेगा। किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है तो वो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको ये याद रखना है सबसे ज़्यादा अगर डोडा में है तो ये भी क्वेश्चन हमें जानना जरूरी है कि सबसे कम फॉरेस्ट आपको श्रीनगर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ यूटी नन पीक आपको देखने को मिलेगा।
एनुअल रेनफॉल जो जम्मू कश्मीर के अंदर होती है वो 103 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी, जो सालाना बारिश यहाँ पे पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको याद रखना है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो रियासी डिस्ट्रिक्ट है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और अगर आप क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें जो कूपन्स के द्वारा दी गई थी, इस बार की बात करें अगर आपने UPSC 2022 और JKS 2022 एग्ज़ाम दिया है तो JKS के अंदर काफ़ी ओपनली मेंशन था आंध्र प्रदेश वाली साइड से कि यहाँ पे कूपन क्लासिफिकेशन का कौन सा ये मीन्स जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यहाँ पे मीन्स शूट करती है। जिसी तरीके से लद्दाख डिवीजन के अंदर DWD जो यहाँ पे DWD अगर आपने कूपन्स क्लासिफिकेशन जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा DWD एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राई विंटर एंड शॉर्ट कूल समर के लिए ये मेंशन किया जाता है। उसके बाद हिली पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन के अंदर अगर आप बात करें तो वहाँ पे आपको कूपन्स क्लासिफिकेशन का जो सिंबल है DFB, इसको मैं आपको जियोग्राफी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से समझा भी चुका हूँ, आगे आने वाली लेक्चर्स के अंदर भी अगर टाइम काफ़ी अच्छा मिला तो हम डेप्थ में ना जाते हैं उनको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। DFB का मतलब है ह्यूमिड कंटिनेंटल विद सिवियर एंड मॉइस्ट विंटर एंड शॉर्ट समर, यानी यहाँ पे आपको कंटिनेंटल की बात करें जमीन थोड़ा सा आपको ह्यूमिड टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है और मॉइस्ट विंटर आपको देखने को मिलता है और शॉर्ट समर्स आपको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे जल्दी आपको बर्फ आ जाती है, इसीलिए शॉर्ट समर्स यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद बात करें अगर जम्मू के प्लान रीजन की बात करें तो यहाँ पे CA कूपन्स क्लासिफिकेशन का CA रहता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे काफ़ी कम यहाँ पे मॉइस्ट विंटर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ज़्यादा आपको लंबे लंबे गर्मियाँ आपको देखने को मिलती है, लॉन्ग हॉट समर्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ काफ़ी कम यहाँ पे मॉडरेट टाइप की रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, कभी कभी हैवी रेन्स भी आपको देखने को मिलती है। जैसे अगर बात करें मंथ ऑफ जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको बारिश भी देखने को अच्छी मिलती है। बात करें यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात करें, सलाल डैम की बात करें और ये चिनाब रिवर के ऊपर अगर जितने भी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट हैं उनकी बात करें तो सलाल डैम, बघलियार डैम, दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सावलाकोट डैम यहाँ पे अभी इसकी कंस्ट्रक्शन यानी रियासी और रामा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री पे है। उसके बाद पकुल डुल पावर प्रोजेक्ट अगर बात करें किश्तवाड़ के अंदर, ये किस रिवर पे सिचुएट करता है ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जो रेटले और पकुल डुल पावर प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन रिवर कौन है, मरुसुधर रिवर है जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर है। चिनाब के ऊपर पकुल डुल पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा रहा, आपको याद रखना है कि चिनाब की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम मरुसुधर रिवर है उसके ऊपर ये पकुल डुल पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो 1000 मेगावाट का है। उसके बाद रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो 850 मेगावाट की है। बात करें ये यहाँ पे रन ऑफ जो वाटर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये कहाँ पे, चिनाब रिवर के ऊपर है। बात करें ये ध्रुवशाला जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहाँ पे ये बनाया जा रहा है। बात करें नेशनल हाईवे की बात करें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तो आपको यहाँ पे NH44 जो कश्मीर टू कन्याकुमारी है, उसके बाद NH244 और नेशनल हाईवे 1D आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद रामसर साइट्स ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो वलूर लेक, होकरा वेटलैंड्स, सरनासर एंड मानसर और दूसरी भी अभी यहाँ पे आपको रामसर साइट्स ऑफ जम्मू कश्मीर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जो अभी एट प्रेजेंटली जो आपका अमृत महोत्सव था इन 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जिसके तहत यहाँ पे 75 यहाँ पे रामसर साइट्स पूरे इंडिया की बनाई गई, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी 3 और ऐड करी गई हैं, वो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर रिवर्स की बात करें तो झेलम चिनाब रिवर ये हमने बात करी। अब यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन कौन सी है तो आपको ये याद रखना है कि डल लेक हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो इको सेंसिटिव जोन है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स की बात करें, ये मैंने पहले भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, अगर आप बात करें प्लेलिस्ट में जाएं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के ऊपर एक वीडियो है उसके अंदर सभी मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ाई है। कनी शॉल यहाँ पे जो कश्मीर का है, कश्मीरी पश्मीना इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। कश्मीर पेपर मैची यहाँ पे इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। कश्मीर वॉलनट और वुड कार्विंग ये भी इसको भी जो वॉलनट की जो अखरोट की लकड़ी पे बनाई जाती है जो कार्विंग करी जाती है यानी तराशी की जाती है उसके ऊपर बात। उसके बाद खटम बंद ये भी ऐसा एक जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिल चुका है। उसके बाद अगर आप डेमोग्राफी की बात करें जम्मू कश्मीर UT की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 तो सेक्स रेशो की बात करें 889 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है वो जम्मू है और अगर डेंसली पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो गांधराबल है, आपको यहाँ पे 1151 पर्सन पर किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल लिटरेसी रेट 67.16% आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जम्मू आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर 83.98% आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा और इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो आपको रामबन देखने को मिलेगा और 56.90% आपको इलिटरेसी आपको यहाँ पे
यानी लिटरेसी आपको रामबन डिस्ट्रिक्ट की देखने को मिलेगी, जो लोवेस्ट लिटरेसी रेट आप जम्मू कश्मीर यूटी के किसी डिस्ट्रिक्ट की है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशो कुलगाम एंड शोपियां। उसके बाद आप सभी को पता अभी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स गोल जो डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स जो डेवलपमेंट गोल्स थे वो लॉन्च करे गए थे, जिसके अंदर जम्मू ने टॉप करा था, उसके बाद डोडा ने उसको फॉलो करा था। इसके ऊपर भी हम डिस्ट्रिक्ट मीन्स वाइज जो डिस्ट्रिक्ट को रैंक मिले उनके ऊपर अच्छे तरीके से बात करेंगे जिस टाइम हम करंट अफेयर कवर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद यहाँ पे अगर निकनेम्स की बात करें जो जम्मू कश्मीर सिटीज़ के अंदर आती हैं, जैसे श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसके बाद जम्मू को सिटी ऑफ टेंपल्स के नाम से जाना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड माना जाता है, स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया कश्मीर को माना जाता है, जम्मू हिल्स यहाँ पे शिवालिक रेंज के अंदर आती है, मीडो ऑफ गोल्ड गुलमर्ग को कहा जाता है, वेनाइस ऑफ ईस्ट यहाँ पे श्रीनगर को कहा जाता है, राइस बोवल ऑफ कश्मीर कुलगाम को कहा जाता है, विलेज ऑफ शिफर्ड्स पहलगाम को कहा जाता है, और लैंड ऑफ स्प्रिंग्स बडगाम को कहा जाता है, और छोटा कश्मीर आपको पता है भद्रवाह को कहा जाता है। तो ये सभी आपको ये याद रखनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। ये मैंने पहले भी कवर कर लिया, एक बार फिर से आप इसको सुन लें ताकि आपको इसके ऊपर भी आपकी अच्छी रिवीजन हो जाए। अब यहाँ से हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, जो आप सभी को पता है 2019 के अंदर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करती थी उसका स्टेटस चेंज करके उसको बाइफरकेट करके उसको दो यूनियन टेरिटरीज के अंदर मीन्स को बाइफरकेट करा गया था, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद दूसरी जो यूनियन टेरिटरी बनी थी वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी थी। तो अब यहाँ पे इसी मैराथन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में देखेंगे और उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चंस इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पूछे गए हैं या फिर वो बार बार क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। तो आप सभी को काफ़ी अच्छे फोकस से इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 के अंदर हुआ था और इसका अमेंडमेंट जो हुआ था ये आपको बताना है कब हुआ था। मैं आपको ये बता दूँ तो 2021 में हुआ था। यहाँ पे जो अमेंडमेंट बिल था 2021 के अंदर आया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लाया गया था। अगर बात करें जो अमेंडमेंट बिल 2021 के अंदर आया था वो इंट्रोड्यूस कब करवाया गया था राज्यसभा के अंदर, तो वो फेब 4 2021 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपको पता कि आपको वहां से पास भी करवाना पड़ता है, इसीलिए राज्यसभा ने यहां पे जो अमेंडमेंट बिल 2021 था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे उसको 8 फेब को पास किया और उसके बाद लोकसभा ने इसको 13 फरवरी को इसको पास किया। तो अगर आपने ये डेट्स को अच्छे तरीके से सुन लिया तो एक बार नोट कर लें, जब आपका पीडीएफ आपको कंपाइलेशन नीचे मिलेगी उसके अंदर ये सब दिया होगा। हम यहाँ पे बात करते कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। आप सभी को पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था ये एक ऐसा एक्ट था पार्लियामेंट का जिसके अंदर यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यानी यूटी का स्टेटस दिया गया था, जो एक एग्जिस्टिंग स्टेट थी जो जम्मू कश्मीर के अंदर ही यानी लद्दाख की बात करें वो भी यहाँ पे आते थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉज को रिपील किया, कुछ लॉज यहाँ पे ऐड हुए और कुछ को कंटिन्यू करा गया। जहाँ तक अभी तक बात आती है अगर बात करें इन्होंने कितने लॉज को कितने कानून को नकारा तो वो 153 जो स्टेट के लॉज थे जम्मू कश्मीर के उन्होंने को रिपील करा, उसके बाद 166 जो लॉज थे उनको कंटिन्यू करा और कुछ लॉज को उन्होंने क्या करा दिया था यहां पे ऐड भी किया था। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। बात करें ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किस लिए बनाया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूटी के अंदर कन्वर्ट करा गया है, बाइफरकेट करा गया है। एक यूटी आपके पास आपको पता है लद्दाख, जिसके अंदर दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट दो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, लेह एंड लद्दाख है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो पिछली बार जेके पीएसए का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आपको 20 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे और आई होप आपको सभी ये पता है। बात करें ये जो जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल था ये किसके द्वारा किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये यहाँ पे हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो वो थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और उसके यहाँ पे कौन थे हेड थे मिनिस्टर कौन थे, अमित शाह जी अभी भी एग्जिस्टिंग भी हैं और अभी भी थे। और इन्होंने राज्यसभा के अंदर इसको क्या करा था इंट्रोड्यूस करवाया था। और आप सभी को पता कि ये डेट कब थी, 5 अगस्त 2019 को पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो अमित शाह जिसके प्रेसिडेंट करते हैं जिसको हेड करते हैं उन्होंने इस बिल को राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और उसी के बाद उसी दिन इसको वहां से पास भी करवाया गया। बात करें अगर लोकसभा की बात करें तो 6 अगस्त 2019 को ये लोकसभा में भी पास हो गया। उसके बाद आपको एक प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा किस तरीके से इस बिल को पास किया जाता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है, लोकसभा राज्यसभा का क्या रोल रहता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको पहले जान लेते हैं उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। बात करें 5 अगस्त को इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा के अंदर, 5 अगस्त को राज्यसभा ने इसको पास किया, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो गया। उसके बाद अगर बात करें कि प्रेसिडेंट का जो एसेंट होता है अप्रूवल उसको 9 अगस्त को मिला 2019 के अंदर 9 अगस्त को उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला। और फाइनली जो जब ये एक्ट फोर्स में आया वो डेट क्या थी, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका बर्थडे था उन्हीं के बर्थडे के अवसर पे इसको क्या लाया गया मिस फोर्स में लाया गया और 31 अक्टूबर 2019 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसीलिए जाने जाते हैं आप सभी एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। देखो अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस तरीके की बातें रखेंगे ना तो आपका जो माइंड है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा और डेफिनेटली आपका माइंड एक एक्टिव रहेगा। तो ये आप बता दें अब किस प्रेसिडेंट ने, आपको ये बात याद रखना कि जिस टाइम पे प्रेसिडेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को
यहाँ पे एसेंट दिया था, अप्रूवल दिया था, उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको ये याद रखना है रामनाथ कोविंद जी थे। और अभी आपके प्रेसिडेंट अभी चेंज हो गए हैं, और अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट है, और कितने 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो बन चुकी हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ गया था जेके पीएसए के अंदर, अगर बात करें ये सी सीरीज का आई होप ये क्वेश्चन होगा, इसमें ये पूछा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट जो 2019 के अंदर लाया गया था उसको प्रेसिडेंट से कब एसेंट मिला था, और अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रेसिडेंट से उसको कब मिला गया था, कब एसेंट मिला था उसको, अगर जो प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था वो 9th अगस्त 2019 को दिया था, तो इसके अंदर आपका ये जो आंसर है वो आपको ये वाला टिक करना है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, मैंने आपको कहा कि देखो किस तरीके से इंट्रोड्यूस 5 अगस्त को करवाया गया, राज्यसभा ने 5 अगस्त को इसको पास कर दिया, लोकसभा ने इसको 6 अगस्त को पास किया, प्रेसिडेंट ने इसके असेंट 9 अगस्त को दिया, और फाइनली एग्जिस्टेंस में ये कब आया था, 31 को आया था। उसके बाद बात करें यहाँ पे इसके अंदर शेड्यूल्स हैं, इसके अंदर यहाँ पे आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे, कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, तो इन सभी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अप्रॉक्सिमेटली अगर आपको पता है 14 पार्ट्स हैं इसके अंदर, 5 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर, और 103 सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा एक व्यू डालेंगे। तो जो पहला पार्ट है इसके अंदर आपको प्रिलिमिनरी सेक्शन के बारे में बात करेगी, जिसके अंदर डेफिनेशंस को समझाया गया है, कुछ टाइटल को यहाँ पे डिफाइन करा गया, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या है इस एक्ट के तहत। इसके तहत मतलब यह कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे दिया गया, इसका मतलब ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली को रेफर कर रहा है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको पता अगर आपने आर्टिकल 239 पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये साफ साफ दिया गया है कि कोई यहां पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इसके ऊपर हम काफी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी के अंदर जाएंगे, उसके अंदर से आर्टिकल्स को खंगालेंगे इसका क्या मतलब। चलो पॉलिटी के अंदर घुसते हैं, पहले बात करते हैं यहां पे आर्टिकल 239 की बात करें तो ये कहता है कि जो आर्टिकल 239 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इसके मुताबिक ये कहा गया है कि जैसे पुडुचेरी की बात करें, जैसे दिल्ली की बात करें, ये सभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा यहाँ पे क्या करी जाती है, लीड करी जाती है, इनके अंदर गवर्न किया जाता है, लेकिन किसी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है और किसी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो इसके मुताबिक 239 के मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ 239 ए है, इसमें क्या कहा है कि लोकल लेजिस्लेचर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे क्या करा जाता है, में क्रिएट किया जाता है, इसके लिए यूनियन टेरिटरी के लिए। उसके बाद 239 डबल ए की बात करें तो यहाँ पे ये स्पेशल प्रोविजन जो देता है वो किसके लिए, हमारी जो कैपिटल सिटी है इंडियन कैपिटल सिटी दिल्ली, उसके रिस्पेक्ट में ये दिया जाता है। उसके बाद 239 ए बी की बात करें तो अगर कहीं किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है वो फेल हो गई, उसके लिए ये अप्लाई किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 239 बी की बात करें, इसके अंदर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ पे है मनोज सिन्हा, इसी तरीके से इनको कुछ पावर दी जाती है ताकि वो ऑर्डिनेंसेज को क्या करें, प्रोमलगेट कर पाएं, चेंज कर पाएं, उसको अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट कर पाएं। तो इसके लिए यहाँ पे जब लेजिस्लेचर्स ना हो उस यूटी के अंदर, लेजिस्लेचर ना हो, जैसे दिल्ली के अंदर लेजिस्लेचर होता है, सपोज करो उस टाइम वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उस टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर्टिकल 239 बी उसको ये पावर्स देती है। तो ये सभी आपको ये याद रखना है, अगर आपको अभी नोट्स नहीं बना रहे स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इस मैराथन के अंदर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी हमने बात करी जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था, इसके अंदर यहाँ पे 14 पार्ट्स, 103 आपको सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। इन शेड्यूल्स के अंदर हम काफी अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। इसी से एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से जेके पीएसए एग्जाम के अंदर पूछा गया था, एज ऑफ 2021 मैंने कहा अमेंडमेंट हुआ है द जम्मू कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कितने सेक्शन है, आपको पूछा गया जाएगा कि जो रीऑर्गनाइजेशन एक्ट था वो यानी यहाँ पे जो सेक्शंस बंटे हैं, स्केड्यूल्स बंटे हैं, पार्ट्स बंटे हैं, तो किस एक्ट के तहत, ये आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट जो 2019 था उसके हिसाब से बदले हैं। तो 103 सेक्शन है, 5 शेड्यूल्स है, और आपको पता है कि हमारे पास 14 पार्ट्स भी हैं। अब यहाँ पे पार्ट्स वन की हमने बात करी थी, जिसके अंदर हम प्रिलिमिनरी सेक्शन की बात कर रहे थे, शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशंस के बारे में हमने समझा था, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली किस लिए रेफर होती है, किस लिए यूज किया गया था, उसको हमने समझा। अब यहाँ पे पार्ट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी हम यहाँ पे बात करेंगे, पार्ट सेकंड के अंदर यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर की बात करें, शॉर्ट टाइटल को यहाँ पे सेक्शन वन के तहत दिया गया था, डेफिनेशंस को सेक्शन टू के, और सेक्शन थ्री यहाँ पे क्या कहता है, सेक्शन थ्री ये कहता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, इसमें भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, तो इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दें सेक्शन थ्री को, अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो सेक्शन थ्री को आप थोड़ा सा अच्छे से देखें। इसमें यह कहा गया था जिस दिन से ये अपॉइंट करा जाएगा, फॉर्मेशन यूनियन टेरिटरी को डिक्लेयर करा जाएगा, यानी ये यूनियन टेरिटरी क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, उस दिन से ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाएगी। और इसके अंदर यहाँ पे आपको करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और ये जेके पीएसए एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि कंसिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे रामबन, डोडा, इस तरीके के ऑप्शन दिए गए, तो एक ऑप्शन था करगिल एंड लेह, तो आपको याद रखना करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे क्या करा जाता है, इंक्लूड करा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन फोर जो सेक्शन थ्री यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के बारे में, और अगर बात करें अगर सेक्शन फोर की बात करें तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसके अंदर आपके पास लेजिस्लेचर प्रेजेंट है विद लेजिस्लेचर। उसके बाद फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर टू कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहली बार जब यहां पे जम्मू कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट बना था उस एक्ट के अंदर यह बताया गया था साफ साफ कि जो गवर्नर होंगे
जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के उस टाइम पे उसी वही वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके होंगे, लद्दाख के होंगे। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर डिक्लेयर करे जाएंगे। और आपको ये बताना है हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कौन थे, तो आपको ये बताना है। उसके बाद अगर बात करें जो अमेंडमेंट था फर्स्ट शेड्यूल का, वो यहाँ पे किया गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन 6 के तहत, या यहाँ पे जो स्टेट्स थी और यूनियन टेरिटरी के अंदर इसमें कुछ एंट्रीज थी, जैसे एंट्री 15 को डिलीट करा गया था और यहाँ पे 16 और 29 को दोबारा से रिनंबर करा गया था, तो ये आपको याद रखना। और उसके बाद अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो एंट्री 7 थी उसको यहाँ पे इंक्लूड करा गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी जो है जो सेक्शन 4 के अंदर यहाँ पे क्या करी गई है, डिक्लेयर करी गई है एज पर एज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के। उसी तरीके से लद्दाख को यहाँ पे सेक्शन 3 के साथ एक डिक्लेयर करा गया था, इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो यहाँ पे रिजल्ट आउटकम्स निकली उनके हिसाब से इसको डिक्लेयर करा गया था, तो ये आपको याद रखना। और अगर सेक्शन 7 की बात करें आप, इसके अंदर यहाँ पे कुछ पावर्स दी गई हैं जो सेविंग पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 3, 4 और 5 और 6 ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। इसी पे से क्वेश्चन पूछा गया था अ लिस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो ये आपको बताना है कि किस शेड्यूल के तहत इसको चेंज किया गया था, इसको आपको बताना है किस शेड्यूल के तहत इसको चेंज किया गया था। तो आप सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल या फिफ्थ शेड्यूल, तो ये आपको याद रखना कि ये फिफ्थ शेड्यूल के हिसाब से इसको चेंज किया गया था। लिस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ये आपको एक बार याद रखना है क्योंकि ये मैंने आगे भी इंक्लूड करा है काफी अच्छे तरीके से, वहां पे भी मैंने आपके लिए क्वेश्चंस को दोबारा से यहां पे रिप्रेजेंट करवाया ताकि आप इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओ। और आप डेफिनेटली देखो यहाँ पे ये फिफ्थ शेड्यूल की बात करें, यहाँ पे सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, तो ये इस फिफ्थ शेड्यूल के तहत इसको क्या कराया गया था, मिस कन्वर्ट करवाया गया था। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे पार्ट सेकंड की बात करी, क्वेश्चंस की बात करी, अब पार्ट थर्ड यहाँ पे कहता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर जो सेक्शन 3 के तहत आपने बात करी थी। उसके बाद यहाँ पे पार्ट थर्ड के अंदर रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर की बात करें, जिसके अंदर आपको काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें, यहाँ से ये सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 57 तक चलता है। इसके अंदर कुछ सेक्शन हैं जिसके ऊपर आपको काफी इंपॉर्टेंट फोकस रखना है। बात करें फोर्थ शेड्यूल की जो अमेंडमेंट हुई थी वो सेक्शन 8 के तहत हुई थी, ये किसके तहत हुई थी, सेक्शन 8 के तहत हुई थी। उसके बाद बात करें सेक्शन 9 यहाँ पे क्या एलोकेट करता है, तो सिटिंग मेंबर्स के बारे में एलोकेट करता है, यानी एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, इसके मुताबिक 4 सिटिंग मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर शैल बी डीम टू हैव बीन इलेक्टेड टू द फिल द, यानी यहाँ पे जितनी भी सीट्स मींस वैकेंट है उनको फिल करा जाए एज पर एज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल के तहत यहाँ पे क्या करा गया, इसको स्पेसिफाइड करा गया है। उसके बाद यहाँ पे द हाउस ऑफ पीपल, यानी जिसको बात करते हैं लोकसभा की बात करें उसके बारे में इन्होंने बताया, ये सेक्शन 10 के तहत बताते हैं इन रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ पीपल। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके अंदर ये कहा गया था कि यहाँ पे 5 जो सीट्स हैं वो जम्मू कश्मीर को दी जाएगी और एक सीट यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को दी जाएगी, और ये किसके मीन्स हिसाब से ये बाइफरकेट या ये दिया गया था एज पर एज द जो फर्स्ट शेड्यूल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो आप सभी को पता है 1951 है उसके एंट्री नंबर 43 के तहत इसको दिया गया था। उसके बाद डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑर्डर भी यहाँ पे डिक्लेयर करा गया था एज पर एज 1976 जो ऑर्डर था उसके तहत, और ये सेक्शन 11 इसके बारे में डील करता है। उसके बाद सेक्शन 12 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार इसको नजर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे क्या होता है कि जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239 यहाँ से एप्लीकेबल हो जाता है। आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि जो 239A है वो किस सेक्शन के तहत एप्लीकेबल होता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो आपको याद रखना है ये सेक्शन 13 के तहत ये एप्लीकेबल होता है, यानी इसके अंदर क्या कहा गया विच आर एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी आर्टिकल 239, जैसी सरकार जैसी गवर्नमेंट जैसा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पुडुचेरी के अंदर चलाया जाता है एज पर एज आर्टिकल 239A, उसी तरीके का सेम यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी चलाया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 14 की बात करें तो ये सेक्शन 14 यहाँ पे डील करता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और उसकी कंपोजिशन के बारे में ये डील करता है। इसके अंदर यहाँ पे फिर से आर्टिकल 239 के बारे में बात करी है, इसके अंदर ये बताया गया कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको यहाँ से मीन्स रिमूव, चीफ मिनिस्टर तो होंगे लेकिन उसके लिए दोबारा इलेक्शन करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये डेजिग्नेट करता है, और इस पर एक क्वेश्चन आ भी गया था। और यहाँ पे ये भी बताया गया था कि यहाँ पे क्या होगा लेजिस्लेटिव असेंबली होगी लेकिन किसके लिए होगी, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के लिए होगी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी एज पर एज द यूनियन टेरिटरी जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होगा उसके बाद डिलिमिटेशन के हिसाब से वो कितनी होगी, तो 107 होगी जो इलेक्शन से फिल करवाई जाएंगी। इसके अंदर यहाँ पे पहले आपके पास 83 थी, उसके बाद 7 यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ाई गई थी, फिर 7 को बढ़ाया गया था 6 जम्मू के अंदर और एक श्रीनगर इन कश्मीर डिवीजन के अंदर, इसके हिसाब से 90 हो जाती थी, और अब यहाँ पे 114 होगी डिलिमिटेशन के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो 24 सीट्स थी उसको रिजर्व रखा गया है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इतना ही याद रखने को, यहाँ पे इसने कहा है कि 24 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल रिमेन वैकेंट एंड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर
रेकनिंग द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये यहाँ पे कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए भी, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रखी गई हैं एज पर एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के जो रूल्स हैं, जो ऑर्डर है उसके तहत। और ये जेकेपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एज पर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर शैल बी, आप बताएं 1997, 115 और 107। तो अभी हमने देखा ये 107 थे जो डायरेक्ट इलेक्शन से अब क्या करे जाएंगे, चूज करवाए जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 15 काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वो सेक्शन 15 के तहत आपको ये याद रखना है। यहाँ पे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो यूनियन टेरिटरी का, जम्मू कश्मीर का, वो दो वुमेन्स को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ताकि वो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे अच्छी मिल पाए। अगर वो चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या कोई वुमेन्स की इनके ओपिनियन के मुताबिक करना है, तो वो दो वुमेन्स को अपने हिस्से नॉमिनेट कर सकते हैं और ये सेक्शन 15 के अंदर दिया गया। सेक्शन 16 यहाँ पे क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए के क्वालिफिकेशन के बारे में ये डील करता है। इसके अंदर भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे उसकी 25 ईयर्स ऑफ एज से छोटा नहीं होना चाहिए, उससे अबव ही होने चाहिए। तो कुछ क्वालिफिकेशन है जिनके बारे में आपको पहले से पता है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। एज पर एज द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मैंने कहा पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, तो आप बताएं कौन सा आंसर है, तो आप ही बताएं। अभी मैंने आपको ये बताया। उसके बाद सेक्शन 18 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ सेशंस के बारे में बात की जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली की। इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की बात करी जाती है, तो इसके अंदर ये आपको याद रखना है कि यानी टाइम टू टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पे समन कौन करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, और अप्रॉक्सिमेटली 6 मंथ्स के अंदर एक सिटिंग तो होनी ही चाहिए। लास्ट मीन्स बिटवीन सिक्स मंथ एक सिटिंग होनी चाहिए, वन सेशन होना ही चाहिए जो इसके द्वारा समन किया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा समन किया जाएगा। अगर टाइम टाइम की बात करें, वो प्रोरोग्यू कर सकते हैं हाउस का, जैसे डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, ये सभी पावर यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दी गई है। उसके बाद सेक्शन 21 भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ स्पेशल एड्रेस संबोधित करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली को, ये एज पर एज सेक्शन 21। तो ये आपको बात याद रखनी कि सेक्शन 21 है, लेकिन ये जो पार्ट है वो पार्ट कौन सा, पार्ट थर्ड की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर ये बताया गया है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जो पहला सेशन की कमेंसमेंट शुरुआत होती है हर एक जनरल इलेक्शन असेंबली के बाद, उस टाइम पे यहाँ पे जो स्पेशल एड्रेस जिस तरीके से प्रेसिडेंट का होता है लोकसभा के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिया जाएगा। तो ये आपको बस इतना सा याद रखना है। उसके बाद सेक्शन 24 एक है, सेक्शन 24 यहाँ पे ओथ और एफर्मेशन ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं। उसके बाद सेक्शन 31 यहाँ पे सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं। ये आपको थोड़ा सा, अगर आपके पास नोट्स हैं तो इनको थोड़ा सा देख लें, इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है। उसके बाद सेक्शन 47 की बात करें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सेक्शन 47 की बात करें, ये कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज आर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लैंग्वेज आर लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली दियर ऑफ। और अभी आपको पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे पहले 3 थी, अभी 5 हैं, तो आपको बताना है कौन कौन सी हमारी जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये मैंने आपको पहले के जो हमने शुरू में जो मैराथन शुरू करा था उसी में आपको मैंने बता दिया। उसके बाद सेक्शन 52 को थोड़ा सा देख लेते हैं, पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेज, जब लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर उस टाइम पे, सॉरी स्टेट नहीं यूटी के अंदर प्रेजेंट नहीं हो, एट द टाइम कुछ ऑर्डिनेंसेस को, कुछ लॉज को यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा इशू करे जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ऑर्डिनेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा यूटी के अंदर इशू करवाए जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ इसी के अंदर, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर स्टेट के बारे में बात करते हैं। ये सेक्शन 53 के तहत दिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। इसमें यह बताया गया कि यहाँ पे 10% से ज्यादा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो नहीं होने चाहिए, और इस 10% के अंदर प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड किया जाता है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट को, सॉरी नहीं, चीफ मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया जाता है, ताकि वो एड एंड एडवाइस किसको दे पाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे पाए, उसके जो फंक्शनरीज हैं जो फंक्शन में उसकी हेल्प कर पाए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 54 की बात करें, सेक्शन 54 के तहत कुछ प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं किसको, कुछ मिनिस्टर्स को, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो चीफ मिनिस्टर है वो शैल बी अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाए, और दूसरे जो मिनिस्टर हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एडवाइस किसकी होगी, एडवाइस होगी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की। उसके बाद बात करें, एक मिनिस्टर ऑफिस के अंदर तब तक रह सकता है जब तक प्लेजर है किसका, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, इट मींस द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये कुछ अदर प्रोविजंस हैं, इसी तरीके से आपको ये सभी याद रखने, और अगर आपके पास है तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। उसके बाद कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, सेक्शन 55 की बात करें, 56 यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अप टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि चीफ मिनिस्टर को जो इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर तक प्रोवाइड करनी है, वो सेक्शन 56 यहाँ पे डील करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो ये यहाँ पे 57 सेक्शन के अंदर आता है, जिसके अंदर ये बताया गया अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। उसके बाद पार्ट 4 की बात करें तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की बात करी गई है, और इसके आपको पता है कि लद्दाख को किस तरीके से यूनियन टेरिटरी के सेक्शन के हिसाब से इसको स्टेटस मिला, तो सेक्शन 3 के हिसाब से अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो सेक्शन 58 के तहत है, इसके अंदर यह बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम अंडर आर्टिकल 239 के हिसाब से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे लद्दाख को एप्लीकेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो पार्ट 5 यहाँ पे डिलिमिटेशन के बारे में बात करता है, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशन है।
डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टेंसीज की बात करी है, यहाँ पे पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात करी है, डिलिमिटेशन ऑर्डर अप टू डेट, और अभी तक आपको तीन बार आपको डिलिमिटेशन एक्ट देखने को मिला होगा। उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोविजन है ताकि पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टेंसी को दोबारा से रीस्टैब्लिश या रीएडजस्ट करा जाए एज पर एज 2011 सेंसिस। और अभी जो कॉन्स्टेंसीज के अंदर जो डिलिमिटेशन एक्ट हुआ है वो भी किसके द्वारा किया गया, एज पर एज 2011 सेंसिस के हिसाब से ही किया गया है। उसके बाद कुछ बात करें यहाँ पे पार्ट सिक्स की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करें, यहाँ पे किसकी बात करी उन्होंने, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करी है। इसके अंदर ये कहा गया कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑर्डर और एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर एज पर एज पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से इनको क्या करा जाएगा, उनको यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स, जो उनको सीट दी जाएंगी वो उस हिसाब से ही यहाँ पे इनको दी जाएंगी। और ये सेक्शन 65 और 66 यहाँ पे क्या करते हैं, डील करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिसलिनियस पार्ट यहाँ पे सेवन्थ की बात करें तो मिसलिनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन की बात करते हैं, ये 67 से लेकर 73 तक चलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपके पास सेक्शन 68 है जिसके अंदर पब्लिक अकाउंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड मनी क्रेडिट टू इट। उसके बाद कंटीजेंसी फंड कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बात करता है। उसके बाद एडिट रिपोर्ट्स के बाद बात करता है। तो ये कुछ आपको देखो एक सेक्शन 67 68 69 70 के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाई कोर्ट यहाँ पे पार्ट 8 के अंदर कंटेन किया जाता है एज पर जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट, जिसके अंदर सेक्शन 75 से लेकर 78 तक इसकी डीलिंग करी जाती है हाई कोर्ट। और अभी आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक यहाँ पे नाम चेंज करा गया, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इसका नाम रखा गया। तो ये आपको पता है कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का एक कॉमन हाई कोर्ट है एज पर सेक्शन 75। 76 में क्या कहा जाता है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू बार काउंसिल एंड एडवोकेट्स। उसके बाद 77 जो सेक्शन है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में बात करता है, और 78 यहाँ पे सेविंग के बारे में बात करता है। पार्ट 9 की बात करें, एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एज पर 79 सेक्शन के तहत इसको बताया गया है। उसके बाद पार्ट 10 की बात करें, 80 से लेकर 83 सेक्शन तक कंटेन करते हैं। अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज की बात करी जाती है, ये याद रखना कि ये 80 सेक्शन के तहत यूज़ किया जाता है अगर बात करें जम्मू कश्मीर की। और इसी तरीके से अगर एक्सपेंडिचर की बात करें यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की, वो 81 के तहत की जाती है। इसके रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड हैं वो यहाँ पे 82 के तहत की जाती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू किस बेस पे होता है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा दें, मार्क कर दें, जो 83 सेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू के बारे में बात करी एज पर सेक्शन 83 के, और पार्ट 10 के अंदर इसके बारे में बताया गया। पार्ट 11 की बात करें तो अपॉर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एक किस तरीके से जो चीज़ें हैं और जो मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या किस तरीके से इसको दिया जाए, किस तरीके से इसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ की मीन्स बाइफर्केशन करी जाए, इसको डिवाइड करा जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, वो आर्टिकल 84 के तहत दिया गया है। उसके बाद पार्ट यहाँ पे 12 की बात करें, प्रोविजंस एज टू सर्टन कॉर्पोरेशंस एंड अदर मैटर्स के बारे में इन्होंने बात करी 85 से 87 के बाद। देखो इसको पढ़ना ही, और क्या कर सकते, इसको हमें थोड़ा सा जानना है कि कौन सा एक्ट कहाँ पे किस तरीके से डील करता है, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है वो बात करनी है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 13 की बात करें तो ये प्रोविजंस एज टू सर्विसेज की बात करता है, 88 से लेकर 93 के बारे में बात करता है, जैसे IAS की ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं, दूसरी सर्विसेज की बात करता है जो 88-89 है, और यहाँ पे सर्विसेज के रिलेटेड जो है वो अदर प्रोविजंस जो है 90 के अंदर दिए गए हैं, सेक्शन 90 के अंदर इस तरीके से यहाँ पे बात करते हैं। और 92 के अंदर क्या दिया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में बात करी है, और 93 के अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी, तो इसको थोड़ा सा फोकस दे लेना क्योंकि ये यहाँ पे सर्विसेज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में 93 सेक्शन, तो थोड़ा सा स्टार मार्क कर दे, देख लेना एक बार। लास्ट यहाँ पे पार्ट की बात करें, पार्ट 14 की बात करें, लीगल एंड मिसलिनियस प्रोविजंस की बात करें, 94 से लेके ये 103 तक है। इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 15 का, 15 ऑफ एक्ट 37 ऑफ 1956 के तहत इसको अमेंडमेंट करा गया है। उसके बाद कितना टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो भी यहाँ पे बताया गया, पावर टू अडॉप्ट लॉस सेक्शन 96 के तहत, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट लॉस ये यहाँ पे 97 के तहत, पावर टू नेम अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट के फंक्शन जैसे स्टेटूटरी फंक्शंस करने के लिए किस तरीके से इनको नेम दिया जाए, किस पावर को, किस अथॉरिटी को क्या नेम दिया जाए, क्या पावर दी जाए, वो यहाँ पे सेक्शन 98 डील करता है। लीगल प्रोसीडिंग, ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये यहाँ पे 100 जो सेक्शन वो डील करता है। लास्ट वाला क्या है, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्केड्यूल की बात करेंगे, उसके बाद मैं बहुत जल्दी आपके लिए कोई रिविजन बेस भी लाऊंगा। जैसे फर्स्ट स्केड्यूल यहाँ पे जो इसके अंदर 5 स्केड्यूल्स थे, पहला स्केड्यूल यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो मेंबर्स हैं उसके बारे में डील करता है, जिसके अंदर काउंसिल ऑफ स्टेट है जो सेक्शन 9 के अंदर दिया गया है। उसके बाद सेकंड स्केड्यूल की बात करें, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके बारे में बात करता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में ये बात करता है, तो ये आपको ये याद रखना है। थर्ड स्केड्यूल की बात करें, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करता है। और फोर्थ जो स्केड्यूल्स है उसके बारे में बात करें तो ये ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है, जो सेक्शन 16, 24 और 54 के अंदर दिया गया है। उसके बाद फिफ्थ स्केड्यूल की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और आपको ये काफ़ी अच्छे से याद भी रखना है, ये फिफ्थ जो स्केड्यूल है वो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। इसमें सेंट्रल लॉज जो है वो एप्लीकेबल करे जाते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए। उसके बाद जो स्टेट लॉज हैं, आपको पता 3 लिस्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, उसके अंदर जो लॉज है जैसे स्टेट लॉज की बात करें वो भी एप्लीकेबल करे जाएंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर को
और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को विद अमेंडमेंट्स और अमेंडमेंट्स कब से हुआ था 2021 में जो हुआ था। उसके बाद स्टेट लॉज इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट्स विच आर रिपील्ड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो स्टेट लॉज थे वो नकारे गए हैं, रिपील करे गए, वो भी शेड्यूल फिफ्थ के तहत ही करे गए। उसके बाद स्टेट एक्ट्स इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट दैट शैल रिमेन इन फोर्स, और कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कभी भी फोर्स में रहेंगे, उनका पूरा भरपूर यूज किया जाएगा, वो भी फिफ्थ शेड्यूल के तहत ही इसको चेंज किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था, मैंने पहले भी बात करी थी, जम्मू कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन चेंजेस इन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे शेड्यूल अमेंड किया गया था, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल, अब आपको यहाँ पे ये पूरा बताना है। देखो मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कि किस प्रोसीजर के तहत किस तरीके से स्टेट को यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट करा जाता है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट के अंदर कन्वर्ट करा जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, बिल को पास करा जाता है लेजिस्लेचर के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा के अंदर किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें स्टेट लेजिस्लेचर के, यहाँ पे व्यूज लिए जाते हैं, और अगर आपने पोल्टी पढ़ी उसके अंदर ये साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट सिर्फ व्यूज के लिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बिल भेजते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके तरीके से उस स्टेट वो को पास करे, बस जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी वो पूरी करते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेते हैं वो यहाँ पे प्रेसिडेंट ही इस पे लेते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट यहाँ पे उसको रेफर करते हैं पार्लियामेंट में, उसको पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी के तहत दोनों हाउस में उसको उस बिल को क्या करना होता है, पास करना होता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ बिल जो पार्लियामेंट में होता है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था जिसके अंदर, अगर बात करें रिऑर्गनाइजेशन एक्ट की बात करें, उसके अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ, इसके तहत आर्टिकल 370 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया था उसको रिपील करा गया, रिवोक करा गया। हालांकि इसको मैन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक से हटाया नहीं गया, लेकिन इसको रिवोक करा गया है, जो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर को दिया गया था। उसके बाद ये यहाँ पे जो आर्टिकल, जो ये एक्ट है, ये किसको सुपरसीड करता है, जो 1954 के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ था जिसके अंदर यहाँ पे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वो जिसको दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो वो यहाँ पे इसको क्या करता है, सुपरसीड कर देता है, यानी इसकी वैल्यू को यहाँ पे खत्म कर देता है। और आर्टिकल 35A भी था जिसके अंदर यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप थी किसको, जो भी लोग जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे, इसीलिए जम्मू कश्मीर में पहले यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट बनाई जाती थी। अब 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या था, इसके अंदर आर्टिकल 3 के हिसाब से जो यूनियन थी, इसके अंदर कोई भी यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग यूनियन के अंदर बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकती, ये जम्मू कश्मीर की थी, यानी यहाँ पे ये इसी इंट्रोडक्शन ऑफ रिऑर्गनाइजेशन बिल के तहत डिलिमिटेशन एक्ट भी यहाँ पे पास हुआ, और जितनी भी दूसरी चेंजिंग की गई कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, सीट्स के अंदर, वो इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुपरसीड करने के बाद की गई, जिसको आप दिल्ली एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डिसीजन लिया गया था किसके तहत, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू ने 1952 ईस्वी में, जुलाई 1952 में, ये दिल्ली एग्रीमेंट को मीन्स इसके ऊपर डिस्कशन करी थी और इसको पास करा था। और इसके तहत कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर दिए गए थे, गाइडलाइंस दी गई थी, जो यहाँ पे मैंने आपको बता दी, और आपके लिए ये काफ़ी पहले जरूरी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इनको एक बार, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखो आर्टिकल 352 के तहत जितनी भी इमरजेंसीज होती थी उस हिसाब से यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर से प्रेसिडेंट होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, नेशनल इमरजेंसी होगी, वो एप्लीकेबल थी किसके अंदर, हमारी यूटीएफ जम्मू कश्मीर पहले भी एप्लीकेबल थी जब स्टेट थी। तो अब यहाँ पे किस तरीके से कुछ पार्लियामेंट्स की पावर्स होती हैं ताकि वो स्टेट्स को रिऑर्गनाइज करवा पाएं, जैसे वो एज पर आर्टिकल 3 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 3 है, वो इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि वो क्या करे, कुछ सर्टन चेंजेस या एरिया को अल्टर करे, चेंज करे। तो यहाँ पे है कि फॉर्म ए न्यू स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट आर बाय यूनाइटिंग टू आर मोर स्टेट्स आर पार्ट ऑफ स्टेट्स, ये यहाँ पे इस तरीके से बताया गया, किसी स्टेट का इंक्रीज एरिया कर सकते हैं, किसी स्टेट का एरिया को डिक्रीज कर सकते हैं, किसी स्टेट की बाउंड्रीज को वो चेंज कर सकते हैं, और किसी स्टेट की बाउंड्रीज किसी यूटी की बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, और या किसी स्टेट के नेम को चेंज कर सकते हैं, या किसी भी यूटी के नेम को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को भी चेंज करा, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी को बनवाया गया। तो ये पोल्टी के अंदर भी दिया गया है, ये सब हमने पढ़ लिया, एक बार फिर से अगर आपको देखना हो तो ये पोल्टी के अंदर भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे इन्होंने जो एग्जिस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उसको रिपील करा, उसको यूनियन टेरिटरी के अंदर बाइफरकेट करा, जिसके अंदर बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट्स, लेह लद्दाख के जो लेह लद्दाख जो लेह एंड करगिल डिस्ट्रिक्ट को एक अलग से यूनियन टेरिटरी, जिसको लद्दाख यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है, इन दोनों का हाईकोर्ट कॉमन है। तो ये आपको सही से याद रखना है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन से इनकी बात कर ली, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। यूटीएफ जम्मू कश्मीर क्रिएटेड किस सेक्शन के तहत बनाया गया, सेक्शन 4 के तहत बनाया गया है, जिसमें यह बताया गया है लेह एंड करगिल के अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये किसके तहत ये बनी है, आर्टिकल 239A के तहत ये बनी है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 239A है वो अब एप्लीकेबल होगा, जो सेक्शन 13 के अंदर बताया गया है। और सेक्शन 13 क्या बताता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर अब जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्टर करेगा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ये सेक्शन 14 के 2 के तहत दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लद्दाख के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। सीट यहाँ पे बढ़ाई जाएंगी एज पर एज डिलिमिटेशन एक्ट 107 से 114,
अब 19 सीट्स को फिल करा जाएगा, 24 सीट्स रिजर्व रहेंगी पीओके के लिए। उसके बाद रिजर्वेशन होगी यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाएगी जो सेक्शन 14 के अंदर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे 2 वुमेन को नॉमिनेट करेगा फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी मैंने आपको पहले बताया। और 24 जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एज पर एज जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, ही शैल बी डेजिग्नेटेड एज़, उसको किस तरीके से जाना जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तरीके से जाना जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी जम्मू कश्मीर के अंदर सेक्शन 17 के मुताबिक सिर्फ उसका जो टेन्योर होगा, टाइम पीरियड होगा, वो 5 ईयर का ही होगा। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के लिए लॉज बना पाएंगी, लेकिन सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़कर, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर और जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है उनको छोड़कर यहाँ पे, यानी उसके बारे उसके अलावा जितने भी लॉज हैं उनके बारे में वो बना पाएगी, लॉज बना पाएगी। और कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो नोट यहाँ पे एक है, यूनियन गवर्नमेंट विल लेजिस्लेट, और यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे लेजिस्लेट करेगी। बात करें कैबिनेट मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो यहाँ पे सिर्फ यही काम करेंगे कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सलाह दें, एड एंड एडवाइस टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, खाली उस मैटर में जो मैटर्स सिर्फ स्टेट लॉ के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद अभी हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करी थी, जिसके अंदर ये बताया गया था ओनली एंड ओनली 10% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके साथ साथ सीएमपी इंक्लूड उसी के अंदर किया जाता है। उसके बाद लोकसभा की सीट की बात करें एज पर सेक्शन 10, वो सिर्फ 5 सीट हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और उसके बाद अब यूटीएफ लद्दाख की बात करें, ये सेक्शन 3 के हिसाब से क्रिएट करी गई है, इसके अंदर आपको लेह करगिल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, अब ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा क्या करा जाएगा, गवर्न करा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट करा जाएगा एज पर सेक्शन 58। और इसके अंदर एक बात याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, इट मीन डायरेक्ट रूल होगा यहाँ पे सेंटर का सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे होगा, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। और लद्दाख के अंदर एक सीट होगी लोकसभा के लिए एज पर सेक्शन 10। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट ए लेजिस्लेचर इज, कौन सी है? वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, एज पर एज द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो यहाँ पे ये पूछा गया, करगिल लेह डिस्ट्रिक्ट, डोडा एंड कठुआ, रामबन एंड रियासी, लेह एंड पूछ, तो आपको पता है करगिल लेह डिस्ट्रिक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे लद्दाख के अंदर कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, मीन देयर विल बी नो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर जम्मू कश्मीर, यानी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, इसका मतलब कोई एमएलसी अब नहीं बनेगा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर जो अप्राइज करा जाएगा, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा एलजी को और दूसरे कैबिनेट के डिसीजंस को। फिफ्थ स्केड्यूल सेस, अब पांचवा स्केड्यूल हमने पढ़ा, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो सेंट्रल लॉज थे 106 जो सेंट्रल लॉज थे आप जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई होंगे, जिसके अंदर आधार एक्ट आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास ये दूसरी बात करें कि अगर जो आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था वो यहाँ पे आपके एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, फिफ्थ जो है वो पूरा का पूरा ये करता है, जो आधार एक्ट 2016 में आया गया तो वो एप्लीकेबल होगा, पैनल कोड 1860 वाला वो एप्लीकेबल होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का वो एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब यहाँ पे 106 जो सेंट्रल लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे जम्मू कश्मीर पे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 153 जो स्टेट लॉज थे उनको खत्म कर दिया, अबॉलिश रिपील करा गया, और 116 स्टेट लॉज जो थे पहले एग्जिस्टिंग उनको इसी के तहत कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद 2005 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट किया गया था, इसके अंदर ये कहा गया था इन्होंने वुमेन को इक्वल राइट दिया था, जितना एक मैन को था सेम उतना ही राइट यहाँ पे वुमेन को भी दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये सेक्शन 139 ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर दिया गया, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एनीमोर, ये आपको याद रखना। राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 मैंने अभी कहा कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर एप्लीकेबल होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ये भी यहाँ पे होगा, विल बी अंडर डायरेक्ट, किसके अंदर होगा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको कंट्रोल करेंगे। हाई कोर्ट जो है वो यूटी बोथ यूटी के लिए एक ही होगा। रणवीर पैनल कोड को अब रिप्लेस करा जाएगा इंडियन पिनल कोड के अंदर जो 1860 में बनाया गया था। जम्मू कश्मीर क्रिमिनल प्रोसीजर को यहाँ पे सेंट्रल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कन्वर्ट करा जाएगा। तो ये सभी यहाँ पे हमने बात करी, एक बार फिर से बता देता हूँ, वट आर द 5 स्केड्यूल ऑफ जम्मू कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट, तो ये आपके पास 5 स्केड्यूल्स हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन हैं, आप सभी को इसका आंसर देना है। एक बार आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ लें, हु इंट्रोड्यूस जम्मू कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 राज्यसभा, व्हेन डिड आर्टिकल 37 इंप्लीमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको बताना, ये मैंने अभी सभी को आपको बताया। व्हेन डिड आर्टिकल 35 इनकॉर्पोरेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन डिड द एक्ट 2019 रिसीव्स द प्रेसिडेंट एसेंट, ये पूछा भी गया था। व्हाट शैल बी द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली अकॉर्डिंग टू द जम्मू कश्मीर इंडियन पिनल कोड को किस में कन्वर्ट करा गया है। What is the term of new Jammu and Kashmir Legislative Assembly? ये भी आपको बताना है। The legislative state list of Jammu and Kashmir can make laws for any matter except कौन कौन से हैं वो भी आपको बताना है। Which of the following article under which President's rule can be imposed in any state? आपको ये भी इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा है वो आर्टिकल, कौन सा रिपील करा जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अंडर विच प्रेजिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज इन एनी स्टेट एंड आफ्टर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2000 इट केम इनटू फोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और कौन सा आर्टिकल है वो, ये भी आपको बताना है। यूनियन टेरिटरी कितनी बनाई गई है, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स है वो कितनी है, ये भी आपको बताना है। यहाँ से आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, एक बार अच्छे से इसको फोकस से पढ़ लें। आर्टिकल कौन सा है जो फॉर्मुलेट करता है पुडुचेरी को, मीन्स गवर्न करता है, उसको फॉर्मुलेट करा है, वो अब एप्लीकेबल होगा जम्मू कश्मीर यूटी के ऊपर, वो भी आपको बताना है। उसके बाद हाईकोर्ट जो है जम्मू कश्मीर और यहाँ पे लद्दाख का
वो किस नाम से जाना जाएगा तो ये भी आपको बताना है। सीएम को कौन अपॉइंट करेगा ये भी आपको बताना, और ये भी मैंने आपको बताया कौन सा सेक्शन यहाँ पे रिओर्गनाइजेशन एक्ट को 2019 को डील करता है जिसके अंदर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये अभी मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया, और डी ऑप्शन को देख ली एक बार। अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 370 था वो ऐड करा गया था ये भी आपको बताना है। लोकसभा सीट कितनी है जम्मू कश्मीर के लिए ये भी आपको बताना है। राज्यसभा सीट कितनी लद्दाख के लिए ये भी आपको बताना है। और यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए कितनी सीट्स को रिजर्व करा गया ये भी आपको बताना है। उसके बाद अंडर आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट्स ये भी आपको बताना है। तो ये सभी आपको अच्छे तरीके से बताने हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे हेरिटेज की बात करते हैं। चलो अब हेरिटेज की बात करें, अगर आप यहाँ पे ब्रेक लेना चाहें थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हैं, पॉज करें वीडियो को, आप यहाँ से हम हेरिटेज की बात शुरू करते हैं। कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। इवन दो ये लेक्चर्स मैंने आप सभी के लिए अलग से जो प्लेलिस्ट है जम्मू एंड कश्मीर की उसके अंदर मैंने कवर करके रखी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे अगर हम इस मैराथन सीरीज़ को देख रहे हैं डेफिनेटली हम यहाँ पे एक बार इनके ग्लिम्पसेस को देखेंगे, एक बार इनके ऊपर अपनी लाइमलाइट डालेंगे और ताकि हमें एक बार फिर से ये सभी रिकॉल हो पाए। ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल मैराथन है। अगर अभी तक आपने अच्छे से सुना है तो डेफिनेटली आपको लग ही गया होगा कि कितना बेनिफिशियल ये मैराथन आप सभी के लिए साबित हो रहा है। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबी मे भी हो सकती है और हो भी रही है, तो ताकि आप उसको जल्दी कवर कर पाए आपके पास YouTube पे ऑप्शन है, आप स्पीड को और डिक्रीज कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की भी बात करेंगे, रिलीजियस प्लेसेस की भी बात करेंगे, फेस्टिवल्स की बात करेंगे, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करेंगे, लैंग्वेजेस की बात करेंगे, डांसेस की बात करेंगे, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में बात करेंगे। हालांकि स्लाइड्स में आपको सभी दूंगा लेकिन फिर भी उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हीं की बात करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे फेस्टिवल की बात करते हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये एक बहुत ही रिच है हेरिटेज के अंदर, कल्चर के अंदर, फेयर फेस्टिवल्स के अंदर बात करें काफ़ी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की बात करें, रिलीजियस प्लेसेस की बात करें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप JKSSB के लिए पढ़ रहे हैं या प्रिपरेशन करें डेफिनेटली ये वाला जो पोर्शन है जैसे VLW एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जिस भी सिलेबस के अंदर मेंशन किया जाता है उस सिलेबस के रेफरेंस के हिसाब से ये वाले सभी टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें यहाँ पे बैकबोन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है फेयर एंड फेस्टिवल को, चाहे वो फिर जम्मू की बात करें या तमिलनाडु की बात करें, कहीं से भी आप बात कर लें या किसी भी दिशा से आप बात करें, डायरेक्शन से बात करें, हर एक कंट्री हर एक रीजन का एक अपना अपना फेस्टिवल होता है जो उसको एक डिफरेंट यूनिक बनाता है दूसरों से। बात करें कश्मीर के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैनोरामिक व्यूज़ के साथ साथ काफ़ी मोनूमेंट्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलते हैं, डांसेस आपको देखने को मिलते हैं, इन सभी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। बात करें अगर आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पुरानी किताब है जिसको नीलमत पुराना, जिसको हिस्ट्री के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि हिस्टोरिकल अगर रेफरेंस देखें उसके मुताबिक नीलमत पुराना वॉज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, तो ये आपको यहाँ ये भी एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है जो एनिशियंट फेयर एंड फेस्टिवल थे जम्मू रीजन के या कश्मीर रीजन के उनके बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ जम्मू की बात करें सबसे पहले, उसके बाद कश्मीर की बात करेंगे। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू को काफ़ी में लैंड ऑफ फेस्टिविटीज और सेलिब्रेशंस के नाम से इसको जाना जाता है, इन काफ़ी फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करे जाते हैं। अगर बात करें आप हिंदुज़म की बात करें तो हिंदुज़म के अंदर माना यह जाता है कि हर एक दिन एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा सकता है, इतने फेस्टिवल्स हिंदुज़म यानी हिंदू रिलीजन के अंदर दिए गए हैं। तो अगर बात करें सिटी ऑफ टेम्पल्स होने के नाते जो जम्मू है आप सभी को पता सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जानी जाती है और आपके VLW एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे रिलीजियस जो इवेंट्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं यहाँ पे आपको जम्मू के अंदर देखने को मिलेंगे। बात करें जम्मू में मोस्टली जो पॉपुलेशन है
यानी 60, अगर 40 की बात करें तो 60% या 70% आपको यहाँ पे हिंदू दिखेंगे, और दूसरे जो कास्ट हैं, दूसरे जो रिलीजन हैं, वो आपको 40% इंक्लूड होते हुए यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। यहाँ पे जम्मू रीजन के अंदर आपको इस्लाम के साथ साथ सिखिज़म भी आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। बात करें यहाँ के मेजर फेस्टिवल्स की बात करें तो ये आपको याद रखना है, मेजर फेस्टिवल्स की अगर बात करें जो जम्मू के रीजन के लोग मनाते हैं, उसमें आपका बहु मेला, अगर बहु फोर्ट की बात करें, ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको कंसिडर किया जाता है। बैसाखी की बात करें, जो जम्मू के सिख होते हैं या हिंदू होते हैं, वो इस बैसाखी के पर्व को, बैसाखी के फेस्टिवल को मनाते हैं। अगर आप लोहड़ी की बात करें तो लोहड़ी को भी हम काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। उसके बाद बात करें आप नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि को भी आप काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और सभी अच्छे धूमधाम से मनाते हैं, और ख़ासकर ये किसके हिंदुज़म पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ईद की बात करें, ईद अजहा हो, ईद उल फितर हो, ये सभी यहाँ पे हम मनाते हैं। जीरी मेला यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बाबा जीतो के रेफरेंस में मनाया जाता है। उसके बाद पुरमंडल मेला, जो देविका रिवर, जो यहाँ पे आपको देविका रिवर का ही एक ये फेस्टिवल है, जहाँ पे भगवान शिव और पार्वती के विवाह की बात की जाती है कि उनका विवाह इस जगह पे हुआ था, और ये डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर आता है। उसके बाद तिहाड़ की बात करें तो ये जनरली ये चिनाब वैली का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो भद्रवाह रीजन बात करें किश्तवाड़ रीजन के अंदर ये मनाया जाता है। इसको फेस्टिवल ऑफ सरपेंट्स भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें दिवाली की, बात करें दिवाली के फेस्टिवल को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से मनाया जाता है धूमधाम से। उसके बाद मानसर फूड्स एंड क्राफ्ट्स मेला की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी के ऊपर हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे फेस्टिवल जो लोहड़ी है उसकी बात करें। अगर बात करें तो इसको आप डॉन ऑफ मेरिमेंट एंड जॉयस अक्रॉस द सिटी, यानी एक काफ़ी खुशियों वाला और काफ़ी हर्ष उल्लास वाला दिन, ये पूरी सिटी के अंदर इसको मैं उस तरीके से इसको विटनेस किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। इस दिन यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ग्लिटर्स, चमकीली पूरी सिटी आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पहनते हैं, खाते हैं, टूर पे जाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से मज़े करते हैं। ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये सेंटेंस, यानी जो ये लाइन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें फेस्टिवल जो लोहड़ी का फेस्टिवल है, ये ऑन सेट ऑफ स्प्रिंग को मार करता है, यानी स्प्रिंग के सीजन का ये क्या होता है, ऑन सेट होता, आगमन होता, यानी ये मार्क हो जाता। यानी इसका मतलब यहाँ पे अगर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है जम्मू रीजन से फिर पहाड़ी रीजन की ओर चलता है, तो ये डेफिनेटली उन विंड्स के साथ यहाँ पे एक मॉनसून का, यानी स्प्रिंग का ऑनसेट हो जाता है, पत्ते लगना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसको मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और ये दूसरे पार्ट्स में भी कंट्री के ये मनाया जाता है। यहाँ पर इस फेस्टिवल के अवसर पर, इस फेस्टिवल के मीन्स पे एक स्पेशल डांस को परफॉर्म किया जाता है, उसको छज्जा डांस के नाम से कहा जाता है। ये यहाँ पे काफ़ी जो इम्पोर्टेंट, जैसे इट मेक्स ए रिमार्केबल पिक्चर टू सी बॉयज़ अलॉन्ग विद देयर छज्जाज, ये छज्जाज होते हैं जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डेकोरेटेड एक अटारी होती है, पोशाक होती है, जो वो बॉयज़ लगाते हैं और पूरे एक फ्लावर्स की तरह एक घूमते हैं, डांस करते हैं पूरे शहर में, मीन्स ये चलते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें हम, अगर बात करें यहाँ पर बैसाखी की बात करें तो बैसाखी आप सभी को पता है, अगर जम्मू रीजन की बात करें तो स्पेसिफिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है, मेजर ये सिख फेस्टिवल है जम्मू रीजन का, और यहाँ पे सेलिब्रेशन को भी, इसके सेलिब्रेशन को भी काफ़ी जोश हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब बात करें ये कब मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, आपको याद रखना है, आपको 13th of April हर साल ये मनाया जाता है। देखो यहाँ पर बात करें 1669 के अंदर यहाँ पे जो गुरु, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने यहाँ पे खालसा सेक्ट की स्थापना करी थी, और उस दिन से यहाँ पे इसी दिन यहाँ पे बर्थडे भी है गुरु गोविंद सिंह जी का, तो उस रेफरेंस में भी इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से मनाया जाता है, और ये जम्मू रीजन के अंदर जितनी भी सिख कम्युनिटी है और उनको अच्छे तरीके से मनाते, और काफ़ी हिंदू भी इसको अच्छे तरीके से मनाते, और ये पंजाब का काफ़ी मशहूर फेस्टिवल भी माना जाता है। और ये यहाँ पे जब हार्वेस्टिंग के सीज़न के मीन्स ये माना जाता है, यानी सेलिब्रेट एज ए ऑनसेट ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी यहाँ पे फसलों को कटाई की जाती है, तो हार्वेस्टिंग सीज़न जो नॉर्दर्न इंडिया का पोर्शन है उसमें ये एज ए हार्वेस्टिंग सीज़न भी माना जाता है। उसके बाद बात करें अगर बैसाखी के नेम की बात करें तो ये विक्रम कैलेंडर से आया गया है। ये किसके साथ रिजेम्बलेंस करता है, जो फर्स्ट मंथ ऑफ जो क्या है विक्रम कैलेंडर के हिसाब से ये पहला मंथ, इसीलिए ये न्यू ईयर के तरीके से भी मनाया जाता है।
विसाखी से ये निकला हुआ विसाखी है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है। ये क्या मार्क करता है, सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर मार्क करता है। और इस फेस्टिवल के दिन यहाँ पे एक स्पेशल एक कैप्टिवेट मोहक डांस किया जाता है जिसको भांगड़ा कहते हैं पंजाबी के अंदर। तो पंजाबी के अंदर भांगड़े वाले जो डांस है उस दिन, यानी किस दिन परफॉर्म किया जाता है, बैसाखी के दिन ये स्पेशली परफॉर्म किया जाता है। गुरुद्वारा के अंदर काफ़ी लोग भक्तजन जाते हैं, वो कीर्तन करते हैं और अरदासें करते हैं। और यहाँ पे बात करें लंगर का भी प्रबंध किया जाता है और प्रसाद को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें आप नवरात्रि की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जम्मू रीजन का। स्पेशली अगर बात करें माता वैष्णो देवी के रेफरेंस में, तो ये अगर श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी की बात करें उस दिन काफ़ी ज़्यादा रश रहता है वैष्णो देवी टेम्पल में, वैष्णो देवी केव में। और वहाँ पे आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के जो पूरे मज़े हैं, यानी पूरा जो एक्सपीरियंस है उस जगह पे आपको काफ़ी ये देखने को मिलेगा। और साइड पे दूसरी जगहों पे भी काफ़ी मंदिरों को सजाया जाता है, काफ़ी धूमधाम से इस फेस्टिवल को भी मनाया जाता है। बात करें ये फेस्टिवल किस मंथ में मनाया जाता है, ये नवरात्रि की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर में नवरात्रि फंक्शंस होते हैं और उसी दिन ये फेस्टिवल अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, उसके हिसाब से उसके मीन्स अंडर ये फेस्टिवल्स को क्या करा जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है। और इस दिन यहाँ पर काफ़ी लोग जो डीटीज होते हैं या जो गॉडेस हैं उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी पूजा की जाती है। दिवाली की बात करें, दिवाली काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आप सभी ने यहाँ पे इसका ऐसे भी पढ़ा होगा। बात करें ये अक्टूबर और नवंबर महीने में दिवाली फेस्टिवल मनाया जाता है और ज़्यादातर ये हिंदू फेस्टिवल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसीलिए भी है क्योंकि इस फेस्टिवल को अगर बात करें सिख की बात करें या जैंस की बात करें जम्मू के अंदर या बाहर दूसरी रीजन्स दूसरी स्टेट्स की बात करें यूटीज की बात करें उसके अंदर भी इसको काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसको यहाँ पे दिवाली का मतलब होता है रो ऑफ लाइट्स, इस तरीके से भी आपको यहाँ पर देखना है। ये एज़ पर एज संस्कृत जो है उसके हिसाब से इसको, यानी यहाँ पे किसको क्या कहा जाता है, रो ऑफ लाइट्स कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना हिंदू क्यों फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं, ताकि वो रिटर्न्स ऑफ गॉड रामा और सीता जब अयोध्या वापस आए थे उनकी याद में इस फेस्टिवल को मनाया गया था। और इस फेस्टिवल के अवसर पर रंगोली का जो ट्रेडिशनल एक पर्व है, एक ट्रेडिशनल यहाँ पे कल्चर है, उसका भी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे झिरी मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये झिरी मेला कोरेज को दिखाता है, यानी इट शोज़ करेज, इट शोज़ स्ट्रेंथ, इट शोज़ यू नो कमिटमेंट, ये काफ़ी चीज़ों को शो करता है। अगर बात करें झिरी मेला, आप सभी को पता अगर आप रियासी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यहाँ से आपको ये झिरी मेला की इंपॉर्टेंस आपको पता होगी कि जो बाबा जीतो थे उनकी याद में इस मेले को कंडक्ट करवाया जाता है, इसको मनाया जाता है। और ये हर साल लगभग अक्टूबर और नवंबर के महीने में कंडक्ट करवाया जाता है। और इस टाइम लोग क्या करते हैं, बाबा जीतों को कहाँ के अरदास करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और यहाँ पे उनकी आशीर्वाद लेते हैं। और उनकी जो डॉटर थी जिनका नाम बुआ कोड़ी था, बुआ खोरी या बुआ कोड़ी, जिसको आप बुआ खोड़ी इसका नाम था। बात करें यहाँ पर माना यह जाता है कि जब बाबा जीतो ने सुसाइड करा था क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ऑपरेशन करा गया था ड्यू टू जो टैक्सेस लिए जाते थे, फसलें कम होती थी, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो खेत में जाके तब तक काम करेंगे जब तक वो फसलों को अच्छे तरीके से उगा ना पा दे। लेकिन उनकी जो बात थी वो कोई और नहीं सुनता था, उनसे ज़्यादा जबरन सुनी की जाती थी और लास्ट में वो सभी तंग होके, कोई भी ना तो किंग ना कोई मोनोपोलीज उनके हक में थी, तो उन्होंने जाके खेत में ही सुसाइड कर दिया था। और लोगों ने कहा था कि उन्होंने किसी के आगे घुटने नहीं टेके, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में अपने आप को ख़त्म कर दिया। और उस दिन के बाद उनको हर साल ये मेला कंडक्ट करवाया जाता है। और जो उनकी डॉटर बुआ कोरी थे उन्होंने क्या करा था, जब उनकी चिता जल रही थी उसमें उन्होंने कूद कर अपनी भी में जान दे दी थी, वो भी उनके अपने पापा के साथ अपने पिताजी के साथ वो भी जल गए थे। यहाँ पे एक तालाब है जिसका है बाबा दा तालाब, जहाँ पे लोग क्या करते हैं रिचुअल्स या बात करें कस्टमरी डिप लगाते हैं और इस डिप को काफ़ी पवित्र भी माना जाता है। उसके बाद बात करें इस डिप के लगाने के बाद आपको इसके अंदर क्यूरेटिव पावर से, सपोज करो अगर आपको कोई भी डिजीज़ है बीमारी है, माना ये जाता है कि ये आपकी बीमारी को ठीक कर देता है। उसके बाद झिरी मेला को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, ये फार्मर्स फेयर के नाम से भी जाना जाता है।
और यहाँ पे बाबा जीतो की होली सोल की पूजा की जाती है, उनको माना जाता है। उसके बाद बहु मेला की बात करें, आप सभी ने बहु टेंपल बहु फोर्ट विजिट करा होगा। बहु लोचन के नाम से इस फोर्ट का नाम रखा गया क्योंकि इन्होंने ही इस फोर्ट को बनवाया था। और यहाँ पे माता काली का टेंपल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि बहु फोर्ट के अंदर किसका टेंपल है, किस गॉडेस का टेंपल है, तो काली माता का टेंपल है। ये फेस्टिवल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये साल में दो बार मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन ईयर, एक तो मार्च और अप्रैल के मंथ में, दूसरा सितंबर और अक्टूबर के मंथ में इस फेस्टिवल को, मेले को कंडक्ट करवाया जाता है। बात करें ये लगभग 3000 साल पुराना फोर्ट है और राजा बहुलोचन जी के द्वारा ये बनवाया गया था, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे बहु है। ये किस नदी के किनारे है, तो रिवर तवी, जिसको सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, उसके यहाँ पे बैंक्स के किनारे पे ये सिचुएटेड है। उसके बाद यहाँ पे परमंडल मेला की बात करें, तो इसकी भी बात मैंने आपको पहले करी थी। परमंडल मेला ये देविका रिवर के साथ ही मनाया जाता है। यहाँ पे परमंडल एक गांव का भी नाम है जिसको छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है और ये सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद बात करें जो परमंडल मेला है वो शिवरात्रि के ओकेजन में, यानी फरवरी मंथ और मार्च मंथ के आसपास, यानी इन बिटवीन फेब एंड मार्च ये मनाया जाता है। एंड इट शोज़ वेरी ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन कल्चरल एंड हेरिटेज ऑफ और जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि ये तीन दिन का फेस्टिवल होता है, शिवरात्रि के ओकेजन पे इसको मीन्स हेल्ड करा जाता है। और ये क्या रिमार्क करता है, ये रिमार्क करता है भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी की, मीन्स यहाँ पे इस फेस्टिवल के साथ आपको ये जानने को मिलता है। माना यह जाता है कि इसी गाँव में, इसी जगह पर भगवान शिव एंड पार्वती की शादी हुई थी। उसके बाद इसको पिलग्रिमेज साइट भी है, ये हिंदूज का आप सभी को पता है। और यहाँ पे एक रिवर है और देविका रिवर को काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर और रिलीजियस रिवर माना जाता है क्योंकि ये क्या करता है, आत्मा की शुद्धि करती है। उसके बाद तिहार जो फेस्टिवल है ये ज़्यादातर भद्रवाह और किश्तवाड़, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको मनाया जाता है। ये हिंदू मंथ अगर बात करें, चैत्र मंथ जो होता है उसके अंदर, जैसे मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर आता है, इस टाइम पे इसको कंडक्ट करवाया जाता है। और ये डेडिकेटेड किसको है, सर्पेंट गॉड्स को डेडिकेटेड है, यानी जो सर्प है, जो नाग देवता है, उनकी डेडिकेट ये फेस्टिवल किया जाता है। इस टाइम क्या होता है, वाटर स्प्रिंग्स एंड टैंक्स आर, जो जितने भी वाटर्स के जो झरने हैं, अगर टैंक्स हैं, उन सभी को साफ किया जाता है। नाग सर्पेंट गॉड्स आर वर्शिप्ड, जो भगवान नाग देवता होते हैं उनकी पूजा करी जाती है और उनको चावल फूल और दूध चढ़ाया जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू प्रोविंसेस के अंदर इसको सेलिब्रेट करा जाता है और आपको पता है मानसर और सिरनासर लेक के बारे में आपने सुना होगा, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी हेरिटेज साइट भी आई होप है आप सभी को अगर पता हो अच्छे तरीके से। इसके अंदर आपको खास बात ये याद रखनी है, ये तीन दिन का फेस्टिवल होता है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं अक्रॉस द कंट्री। और ये जहाँ पे है ये एनुअल फेयर है, यानी हर साल ये FAIR है, हर साल ये कंडक्ट करवाया जाता है। और किस मंथ में, अप्रैल के महीने में बैसाखी के दिन ये फेस्टिवल कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद ये किस डिपार्टमेंट के तहत ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो J&K का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, UT ऑफ जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसके मीन्स ये इस फंक्शन को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उसके बाद ईद उल फितर और ईद उल अजहा की बात करें, तो ये जम्मू रीजन की फेस्टिवल की बात करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे कश्मीर रीजन के अंदर जितने भी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं उनकी बात करेंगे। ईद उल फितर की बात करें तो ये सिम्बलाइज करता है जो रमज़ान का महीना होता है उसको एंड करता है, ये लास्ट जो दिन होता है जहाँ पे ये ईद उल फितर को मनाया जाता है। इस दिन यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो भाई और बहन होते हैं, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, वो दिन में 6 बार नमाज को ऑफर करते हैं। उसके बाद बात करें, अगर मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से बात करें, उनके लिए ये दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि वो आम दिनों में 5 टाइम नमाज को परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस दिन यहाँ पे अगर नमाज की बात करें तो ये 6 बार नमाज को मीन्स ऑफर करते हैं, पढ़ते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होता है। और इस दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट नए नए ड्रेसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिशेस बनाई जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीन्स क्या कह गया था, मीन्स क्यूजाइंस की बात करें, मिठाइयों की बात करें, एक दूसरे को दी जाती है। उसके बाद ईद उल अज़हा की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक सेक्रीफाइस फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप कुर्बानी के नाम से भी जानते हैं। बात करें यहाँ पे गोट्स और जो शिप्स होते हैं, भेड़ बकरी की बलि दी जाती है, इनको मीन्स उस तरीके से सेक्रीफाइस किया जाता है। उसके बाद ये जुलाई के महीने में कंडक्ट करवाया जाता है। माना यह जाता है जो प्रॉफिट इब्राहिम जी थे, उन्होंने अपने बेटे को गॉड को सेक्रीफाइस करा था, तो उसी याद में ये फेस्टिवल, ये ईद उल अज़हा का फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जम्मू रीजन के अंदर मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कश्मीर डिवीजन के अंदर जितने भी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं।
फेस्टिवल्स इन कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर की खूबसूरती जितनी आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसी तरीके से कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड पूरी कंट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के हेरिटेज और कल्चर के अंदर भी उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो वन बाय वन हम सभी उन फेस्टिवल्स को देखेंगे जो जनरली कश्मीर डिवीज़न के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर सेलिब्रेट करे जाते हैं, जो आपस में एक अच्छी बॉन्ड को बनाते हैं, अच्छी अच्छी यानी यहाँ पे आपको फ्रेंडशिप यानी कम्युनिटी बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें कश्मीर के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसी के लिए ईद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, खासकर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, उसके अंदर इसको काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करा जाता है। अगर बात करें, हमने अभी तक दो ईद की बात करी थी, एक ईद उल अज़हा की बात करी थी, एक ईद उल फितर की बात करी थी। ये ना केवल जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी या लद्दाख यूनियन टेरिटरी बल्कि पूरे इंडिया के जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो इन फेस्टिवल्स को, ईद के फेस्टिवल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते हैं। इसीलिए ये पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो इसको काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन काफ़ी ऑफरिंग्स करी जाती हैं, प्रेयर्स करी जाती हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ईद उल फितर जो है वो क्या करता है, जो रमज़ान का महीना होता है उसका एंड को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे जो आपका फास्टिंग वाला जो मंथ होता है, जो रमज़ान वाला जो मंथ होता है वो क्या होता है, इसी के साथ एंड होता है। उसके बाद ईद उल अज़हा की बात करी थी, तो ये कुर्बानी फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इस टाइम जब माना यह जाता है, अगर मैंने आपको पहली वाली स्लाइड्स के अंदर आपने देखा तो वहाँ मैंने कहा था जो प्रॉफिट अब्राहिम थे उन्होंने गॉड को अपने बेटे की बलि दी थी, तो इस याद में इस फेस्टिवल को, इस ईद को काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इस दिन गोट या शिप की सेक्रीफाइस किया जाता है इस टाइम पर, इस फेस्टिवल पर। उस तरीके से आपको पता है कि अमरनाथ केव और जहाँ पे अमरनाथ यात्रा अभी अभी रिसेंटली भी कंप्लीट हुई है, ये काफ़ी एक कल्चरल हेरिटेज यानी रिलीजियस प्लेस है खासकर हिंदू कम्युनिटी के लिए। बात करें ये लगभग 140 किलोमीटर श्रीनगर से आपको दूर देखने को मिलेगा। अच्छा, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि अमरनाथ जो केव है कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, तो ये सभी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दें। देखो मैं यहाँ पर आपको जी दे देता हूँ, गांधरबल, बडगाम दे देता हूँ, अनंतनाग दे देता हूँ, आप मेरे को बताएं कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी यहाँ पे इस तरीके के, ये कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, आपको इतना बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कश्मीर के ये जो अमरनाथ केव है तो वो आती है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत तैयार हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे इसकी बात करें तो एक एनुअल पिलग्रिमेज है, कुछ टाइम कोविड-19 के कारण या कश्मीर के अंदर जो थोड़ी डिस्टर्बेंस थी उसके कारण तो अच्छे तरीके से एनुअली नहीं इसको लीड कर पाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये एनुअल पिलग्रिमेज साइट है, हर साल यहाँ पे यात्रा कंडक्ट करी जाती है, और यहाँ पे आपको शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे बर्फ़ का होता है, और जैसे ही यात्रा ख़त्म होने को आती है तो उस टाइम पे ये जो शिवलिंग है माना ये जाता है कि ये पिघल जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक होली श्राइन है खासकर हिंदू कम्युनिटी के लिए। उसके बाद टुलिप गार्डन की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टुलिप गार्डन कहाँ पे है, हमारे श्रीनगर के अंदर है, और इसी से एक फेस्टिवल भी है जिसको आप टुलिप फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। बात करें ये टुलिप फेस्टिवल हर साल अप्रैल के जो पहले 15 दिन होते हैं उसमें ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और ये कहाँ पे मनाया जाता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल जो टुलिप गार्डन है, जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन जो श्रीनगर में लोकेट है, वहाँ पे इस फेस्टिवल को, टुलिप फेस्टिवल को, ये फूलों का फेस्टिवल है, इसको यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बात करें यहाँ पे ये फेस्टिवल काफ़ी टूरिस्ट के अमंग काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, और उस टाइम पे लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट लोग भी इस फेस्टिवल को काफ़ी इंजॉय करते हैं। शिवरात्रि फेस्टिवल की बात करें, हमने जम्मू डिवीजन के अंदर भी बात करी थी कि शिवरात्रि फेस्टिवल जम्मू के अंदर भी मनाया जाता है, इसी तरीके से कश्मीर के अंदर भी ये मनाया जाता है। शिवरात्रि के मतलब देखें तो नाइट ऑफ शिवा के नाम से भी इसको जाना जाता है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि किस फेस्टिवल को हीरत के नाम से कश्मीर में जाना जाता है, तो आपको ये याद रखना है ये शिवरात्रि का फेस्टिवल है, जो महाशिवरात्रि, जो लोकली कश्मीर के अंदर इसको हीरथ के नाम से जाना जाता है, इसको पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और कश्मीर के अंदर पंडित कम्युनिटी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और इस टाइम पे वो क्या करते हैं, ये वटकनाथ पूजा करते हैं, इन ऑफरिंग करते हैं, ये भगवान शिव का ही एक नाम है वटकनाथ पूजा, यहाँ पे इस अवसर पे इस शिवरात्रि के फेस्टिवल पे कंडक्ट करी जाती हैं। बात करें यहाँ पे कश्मीर के अंदर जो शैविज्म है वो उसको कहाँ पे हर रात्रि के नाम से जानते हैं, हीरथ या हीरथ बाई शिवा जो डिवोटीज है, इस तरीके से कश्मीर के अंदर इस फेस्टिवल को जाना जाता है। ये आप बात करें फेब और मार्च तक के महीने में ही ये शिवरात्रि कंडक्ट करी जाती है, यानी त्रयोदशी और चतुर्दशी जो फाल्गुन महीना होता है अगर देसी हिसाब से बात करें, तो इस तरीके से फेब और मार्च के महीने के बीच में ही ये हमेशा सेलिब्रेट करी जाती है और पूरे कंट्री के अंदर इसको सेलिब्रेट करा जाता है। बैसाखी फेस्टिवल की बात हमने यहाँ पे करी थी कि जम्मू रीजन के अंदर जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, बट जो कश्मीर के अंदर सिख हैं
जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो भी यहाँ पे बैसाखी के फेस्टिवल को कश्मीर डिवीजन के अंदर भी काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब बात करें यहाँ पे अप्रैल और मई के महीने में इसको कंडक्ट करवाया जाता है, और पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बैसाखी से बैसाखी का नाम निकला है जो पंजाब में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि 1669 के अंदर जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने यहाँ पे खालसा सेक्ट जो था उसकी स्थापना करी थी, उनके बर्थडे के ऊपर भी इस बैसाखी के फेस्टिवल को काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और आपको ये बताना है कि गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, तो खासकर ये नॉर्दर्न जो इंडिया का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी माना जाता है। उसके बाद खीर भवानी, ये एक माता का टेम्पल है जो कश्मीर के अंदर है, श्रीनगर के अंदर है। तो यहाँ पे गॉडेस माता रागनिया देवी जी का ये मंदिर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पवित्र जगह है। बात करें लगभग 27 किलोमीटर यहाँ पे श्रीनगर से दूर है, ये टुल्ला मुल्ला विलेज है वहाँ पे ये लोकेट है। बात करें यहाँ पे हिंदू फेस्टिवल है और यहाँ पे हर साल ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा जाता है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये बात आपको याद रखना है कि ये गांधराबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर आपको देखो इतनी स्लाइड्स लिखने की, अगर आप नोट्स बनाएं आप सीधा लिखो खीर भवानी, इस नीचे लिखो गॉडेस माता रागनिया देवी, और यहाँ पे लोकेटेड ऑन टुल्ला मुल्ला विलेज, उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में, गांधराबल डिस्ट्रिक्ट। बस इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। और बात करें यहाँ पे मिल्क एंड खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बात करें यहाँ पे जो झरना है वहाँ पे इसको चढ़ाया जाता है, और ये फेस्टिवल ज्येष्ठ अष्टमी के महीने में जो जून के महीने में इसको सेलिब्रेट करा जाता है। उसके बाद नवरोज़ फेस्टिवल की बात करें तो नवरोज़ फेस्टिवल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सभी को जाननी है। इसके बाद स्नो फेस्टिवल की बात करेंगे। बात करें नवरोज़ फेस्टिवल की बात करें तो यह हर साल बहुत ही जोश के साथ इसको मनाया जाता है पूरी वैली के अंदर। और ये कब मनाया जाता है, 21 मार्च को ये मनाया जाता है। बात करें 21 मार्च को एक और दिन आता है, आप सभी को बताना है कि 21 मार्च को कौन सा दिन आता है। देखो इस तरीके से जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ आप इसी तरीके से जब आप गूगल करेंगे डेफिनेटली आपका एक यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ये नॉलेज भी आपको गेन होगा। बिकॉज हम तब तक किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते, फोकस नहीं करते जब तक हमें बताया नहीं जाता। और अगर आप जैसे ही मैंने अभी आपको बताया 21 मार्च का कौन सा और दूसरा दिन है तय होता है, अगर आपको कोई भी वो दिन देखने वो आपके माइंड में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप कहोगे कि सर ने वहाँ पे हमें बताया तो उस दिन ये फेस्टिवल होता है। और ये आपका एक एग्जाम के अंदर कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप भी रेडी। नवरोज का मतलब होता है नया दिन, एनी डे विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ पर्शियन कैलेंडर का ये पहला दिन होता है, इसीलिए नवरोज फेस्टिवल को मनाया जाता है। खास बात यह है कि ये नवरोज का जो फेस्टिवल है इंडिया के अंदर किसने शुरू करा था, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। ये गयासुद्दीन जो बलबन थे उन्होंने यहाँ पे इंडिया के अंदर इस फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये वाला जो पॉइंट है काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट कर दे, इंडिया के अंदर नवरोज का फेस्टिवल जो था गयासुद्दीन बलबन जी थे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। ये खासकर शिया मुस्लिम जो होते हैं उनके द्वारा ये सेलिब्रेट करा जाता है कश्मीर वैली के अंदर, और काफ़ी अच्छे धूमधाम के साथ इसको क्या करा जाता है, मनाया जाता है। बात करें ये फेस्टिवल 9 डे का फेस्टिवल होता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। अब कश्मीर डिवीजन का एक लास्ट फेस्टिवल, और हम उन फेस्टिवल्स की भी बात करेंगे जो फेस्टिवल्स आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो अभी रिसेंट में हुए हैं उनके लिए मैं आपको इस मैराथन के लास्ट पे जो आपके 5 मिनट्स होंगे उन 5 मिनट्स के अंदर आपको ये कवर करवाऊंगा, या ट्राई करूंगा किसी के बीच में मैं आपके लिए ले आऊँ। अब देखते हैं कि स्लाइड किस तरीके से फिक्स हुई है, लेकिन मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ कि ये स्लाइड्स हमारे लास्ट में इस मैराथन के हैं, तो डेफिनेटली हम इसके लास्ट पे कवर करेंगे। तो आपका ये करंट अफेयर के अंदर जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करे गए हैं खासकर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर उन सभी की बात करेंगे। स्नो फेस्टिवल की बात करें तो ये गुलमर्ग के अंदर 2003 से मनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि ये टूरिज्म को इनकरेज करें, विंटर स्पोर्ट्स को कश्मीर वैली के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टमेंट 2003 के बाद मिल भी गई है। और आप सभी को पता है अभी विंटर ओलंपिक्स भी वहाँ पर हुए थे। अभी बात करें फेस्टिवल की बात करें बनी खेलो इंडिया का जो ओलंपिक्स हुआ था वो वहाँ पे विंटर गेम कंडक्ट करवाई गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है उसके द्वारा ये दिसंबर महीने के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। बात करें यहाँ पे ये फेस्टिवल ऑफिशियली क्या मार करता है, बिगिनिंग ऑफ विंटर स्पोर्ट्स को ये मार करता है जो गुलमर्ग के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जैसे यहाँ पे स्कीइंग करी जाती है, स्नो रगी करी जाती है, स्नो साइकिलिंग करी जाती है, बेसबॉल किया जाता है, आइस स्केटिंग करी जाती है और नाइट स्कीइंग करी जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो गेम्स हैं जो विंटर स्पोर्ट्स के नाम से जानी जाती हैं ये यहाँ पे श्रीनगर के अंदर यानी कश्मीर डिवीजन के अंदर ये मनाई जाती हैं। अब देखो लेह लद्दाख का काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम ग्लिप्सिस देख लेते हैं। लेह लद्दाख के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ये खासकर लेह लद्दाख जो है बुद्धिज़्म डांसेस के लिए जैसे मास्क डांस के लिए मनाया जाता है, बुद्धिस्ट रिचुअल्स के लिए काफ़ी ये फेमस है। इस तरीके से हम लद्दाख के ऊपर उन तिब्बतन बुद्धिज़्म फेस्टिवल्स की बात करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी हम शॉर्ट में बात करेंगे। हेमिस और इसको स्टैचू फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ पे गुरु पद्मा संभवा के मीन्स बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म है, वो इज द फाउंडिंग फादर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। तो आपको ये याद रखना है गुरु पद्म संभावा ये कौन थे जो तिब्बतन बुद्धिज्म के फादर थे। उसके बाद हेमिस मॉनेस्ट्री वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे फेस्टिवल जो लद्दाख के अंदर ये उस हेमिस मॉनेस्ट्री के अंदर इसको सेलिब्रेट करा जाता है। बात करें तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, जून और यहाँ पे जुलाई के महीने में
दो दिन के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये 1997 में स्टार्ट किया गया था। बात करें ये यहाँ पे इंदुस रिवर को यहाँ पे होमेज रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी पूजा करी जाती है और बुद्धिस्ट यहाँ पे प्रेयर करते हैं। और जो लामाज होते हैं सीनियर लामाज, वो काफ़ी डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स को भी कंडक्ट करवाते हैं और फेमस आर्टिस्ट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सिंधु दर्शन की बात करें तो ये यहाँ पे रिवर सिंधु के बैंक पे किनारे पे किया जाता है, एट शिया मनालाई। बात करें सिंधु दर्शन की, इसका हिंदू का मतलब मीन्स हिंदी में इसका मतलब क्या है, विटनेसिंग ऑफ रिवर सिंधु, यानी रिवर सिंधु को देखा यहाँ पे जाता है, जो माइटी रिवर है, जो ऋग्वेदा के अंदर भी मेंशन है। तो ये बात आपको याद रखना है कि सिंधु जो इंदस रिवर है वो ऋग्वेदा के अंदर भी मेंशन करा गया है। और ये तीन दिन के लिए जून के महीने में फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात करें तो आपको पता है कि जैसे ही नेम आपको सजेस्ट करता है कि ये हार्वेस्ट सीजन के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है, स्पेशली ये लद्दाख के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। और इस पे वहाँ पे डांसेस को परफॉर्म करा जाता है, फोल्क म्यूजिक्स, आर्चरी, कंसर्ट और थिएटर्स के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा जाता है इस फेस्टिवल के टाइम। और ये लगभग लेह के अंदर काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है सितंबर के महीने में, लगभग ये 15 डेज़ का फेस्टिवल रहता है। उसके बाद लोसर फेस्टिवल भी आपको यहाँ पे लोसर तिब्बतन वर्ड के अंदर बात करें जिसका मतलब होता है एक नया साल, न्यू ईयर। तो ये यहाँ पे 11th मंथ ऑफ बुद्धिस्ट ईयर के हिसाब से ये आता है। बात करें यहाँ पे पूरे फेस्टिवल पूरे महीने भर ये चलता है। और यहाँ पे ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल जो नामचोर ट्राइब के पीपल हैं वो अपने घरों को रोशन करते हैं, मोनेस्ट्रीज को रोशन करते हैं, माउंटेन्स को काफ़ी सजाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफरिंग्स भी करते हैं। डॉस मॉच फेस्टिवल की बात करें, ये स्केप गोट है, बलि का बकरा जिसको कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट, स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। तो इस तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी के महीने में ये मनाया जाता है। और इस महीने के हिसाब से, इस फेस्टिवल के हिसाब से यहाँ पे तिब्बतन जो न्यू ईयर है उसका पहला दिन होता है। स्केप गोट्स यहाँ पे इनको मानने से क्या होता है कि जो इवल डीड्स या जो इवल है, मिसडीड्स हैं, वो क्या चली जाती है और जो कस्बा होता है, टाउन होता है, वो पूरा क्लीन हो जाता है। और इस तरीके से वो न्यू फेस्टिवल का भी शुभारंभ करते हैं। साका दावा फेस्टिवल, ये भी आपको यहाँ पे बर्थ ऑफ साक्य मुनि जी और ऋषि थे उनको सिंबलाइज करता है, जिनका गौतम बुद्धा का जो दूसरा नाम था, जो साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाते थे गौतम बुद्धा, तो उनको यहाँ पे उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये फेस्टिवल कंडक्ट करवाया जाता है। और यहाँ पे एक मंत्रा चैंट करा जाता है, ओम मणि पद्महम, ये पूरे रिलीजन में, पूरे रीजन के अंदर यहाँ पे इसको चैंट करा जाता है। और यहाँ पे इस फेस्टिवल के स्पेशलिटी ये है कि इस फेस्टिवल के ऊपर किसी भी एनिमल को किल नहीं किया जाता है। और यहाँ पे टर्पोच के ऊपर यहाँ पे फेस्टिवल कंडक्ट करवाया जाता है और न्यू फ्लैग्स को लगाया जाता है। और यहाँ पे जो स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया भी जाता है। ये पूरे लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट करा जाता है और ये एक दिन का फेस्टिवल होता है जो जून के महीने में कंडक्ट करवाया जाता है। तो अब यहाँ पे बात करें कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो हमने यहाँ पे फेयर एंड फेस्टिवल की बात कर दी, उसके बाद अब लैंग्वेज की बात करेंगे, उसके बाद आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करेंगे और फोक डांसेस की बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं, पॉज कर ले, उसके बाद हम मिलेंगे। मैं तो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे ब्रेक के लिए मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस। फेयर्स एंड फेस्टिवल की अगर बात करें तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक अपना फोकस चेंज करते हुए यहाँ पे लैंग्वेज की ओर चलते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि अगर जो लैंग्वेज का अमेंडमेंट हुआ था 2020 के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंक्लूड करा गया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके ऊपर काफ़ी विद इन 2-3 मिनट्स में हम यहाँ पे ग्लिम्पसेस डालते हैं ताकि हमें वो भी पता लग पाए। अगर बात करें पॉपुलेशन की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें या लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अगर आप अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज की बात करें वो आपको देखने को मिलेगी, कश्मीरी ज़्यादातर, उसके बाद उर्दू, डोगरी, सराजी, बल्ती, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। इट मीन्स यू विल गेट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अगर आप बात करें कश्मीर वैली की बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं वो कश्मीरी के साथ साथ उर्दू बोलते हैं, जम्मू प्रोविंसेस के अंदर बात करें तो डोगरी, हिंदी, पहाड़ी और भी कई ज़्यादा लैंग्वेजेस को यहाँ पे जम्मू प्रोविंसेस के अंदर बोला जाता है। लद्दाख के अंदर जहाँ पे लद्दाखी एक मेन लैंग्वेज है लद्दाख के अंदर, उसके साथ साथ दूसरी भी वहाँ पे काफ़ी छोटी बड़ी छोटी छोटी भाषाएं हैं जो अलग अलग रीजन के हिसाब से बोली जाती हैं। इन माना यह जाता है कि अगर बात करें हम पूरे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाषाएं हैं जो एक विलेज को छोड़ के दूसरे विलेज में जब हम इंटर करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप बात करें रिकॉग्नाइज्ड रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें जम्मू कश्मीर की या लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें तो कश्मीर के अंदर कश्मीरी, जम्मू के अंदर डोगरी, लद्दाख के अंदर लद्दाखी, दर्दी, पहाड़ी और पंजाबी यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर बोली जाती है। अच्छा, ये दर्दी जो लैंग्वेज है ये ज़्यादातर गुरेज वैली के अंदर बोली जाती है, पंजाबी यहाँ पे मेन लैंग्वेज है सिक्स की, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सरदार कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनकी ये जो पंजाबी है वो एक मेन लैंग्वेज बन जाती है। पहाड़ी और गोजरी की बात करें तो गुज्जर से बकरवाल की ये मेन लैंग्वेज मानी जाती है। अगर बात करें किश्तवाड़ी, भद्रवाही,
पश्तो एंड पोगली की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, एक रेगुलर पॉपुलर डायलेक्ट्स है। बात करें ये जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर चिनाब वैली के अंदर ये सभी की सभी जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे किश्तवाड़ रीजन के अंदर, भद्रवाही डोडा रीजन के अंदर, भद्रवा के अंदर पश्तो एंड पोगली यहाँ पे रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोली जाती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये पॉइंट है कि जम्मू एंड कश्मीर जो ऑफिशियल लैंग्वेज बिल आया था 2020 के तहत, उससे पहले जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, वो केवल और केवल आपके पास 3 थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये बिल पास हुआ उसके बाद हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 5 कर दी गई है। बात करें इस बिल की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कब करवाया गया था, सितंबर 22 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसने यहाँ पे और ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड करने के लिए यहाँ पे ये बिल लाया गया था। बात करें ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जैसे बात करें जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के हिसाब से उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस बिल ने डिक्लेयर करा कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे डिक्लेयर करा था जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, और यहाँ पे इसको नोटिफाई भी करा। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो उन्होंने भी इसको क्या दे दिया था, एक ट्रांजेक्ट दे दिया था, उन्होंने भी इसके ऊपर क्या कर दिया, अपनी मोहर लगा दी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बिल जो आया है इसको पास कर दिया गया। अब इंग्लिश का यूज़ बात करें तो इस बिल के मुताबिक क्या ये बिल क्लैरिफाई करता है, दिस बिल क्लैरिफाइज दैट इंग्लिश भी कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन द यूनियन टेरिटरी। इंग्लिश पहले से भी यूज़ हो रही थी, इसी तरीके से इस बिल के तहत भी इंग्लिश यहाँ पे कंटिन्यू की जा सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव की पर्पज़ के हिसाब से, लेजिस्लेटिव पर्पज़ के हिसाब से ये यहाँ पे इस एक्ट के तहत इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज भी कंसिडर करी गई है। अच्छा, ये बिल किसने लाया था, तो ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लाया था, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करें ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे अभी आपको पता है कि करंट हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, वो उनके अंदर यहाँ पे क्या है ये एक पावर दी गई है कि वो प्रमोट कर सकते हैं किसी रीजनल लैंग्वेज को, डेवलपमेंट के प्रोग्रेस को और डेवलप कर सकते हैं रीजनल लैंग्वेज के जो यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, या कोई नेसेसरी स्टेप्स भी वो उठा सकते हैं इस पर्पज़ के से। जैसे बात करें अगर नेसेसरी स्टेप्स उठाने हो तो किस परव्यू में ये उठा सकते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड वो उठाना चाहें या लैंग्वेज के रिलेटेड उठाना चाहें, इस तरीके से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी ले सकते हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की कल्चरल अकेडमी की बात करें तो ये इस्टेब्लिश 1958 के अंदर करी गई थी, और किसने करी थी, बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ने यहाँ पे फर्स्ट कल्चर अकेडमी को इस्टेब्लिश करा था जम्मू कश्मीर का। अब ये बख्शी गुलाम मोहम्मद आप सभी ने सुना था कि ये कौन थे, पहले प्रेसिडेंट थे हमारे जम्मू कश्मीर के। बात करें स्पेशल एफर्ट्स इस लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल को लाने का, ये था कि इसके अंदर यहाँ पे प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी लैंग्वेज को यहाँ पे ज़्यादातर मान्यता मिले, ज़्यादा इसको प्रमोट डेवलप लैंग्वेजेस बने, ताकि ये और कल्चर और हेरिटेज और कल्चर को हमारे आगे बढ़ाए। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, डोगरी और अलॉन्ग विद बोडो की बात करें, आप सभी को पता है कि जो हमारी 8 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं, बात करें डोगरी, बोडो, मैथिली, संथली वॉज एडिड टू द स्केड्यूल लैंग्वेज। बात करें 8 स्केड्यूल के अंदर इसको 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में जो लाया गया था उसके तहत यहाँ पे डोगरी को स्केड्यूल लैंग्वेज, यानी 8 स्केड्यूल लैंग्वेज के पार्ट में कंसिडर करा गया। और इसी तरीके से आपको पता है कि इंग्लिश 8 स्केड्यूल का पार्ट नहीं है, और हमारे इंडिया के अंदर जो अगर आप बात करें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एज पर एस 8 स्केड्यूल जो 2003 के अंदर 92nd अमेंडमेंट के दौर में इस तरीके से लाया गया था। आप सभी को पता है अगर सबसे बड़ी ड्रॉबैक अगर आप किसी कंट्री की डेवलपमेंट में देखते हैं तो वो है मल्टीपल लैंग्वेजेस, अगर आपके पास एक सिंगल लैंग्वेज है डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। चलो क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं, इसी के साथ थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाता है। 2004 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो ऐसी लैंग्वेज जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं उनको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। अगर बात करें अभी तक की बात करें तो क्लासिकल लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती हैं। एक तो है तमिल, जो सबसे पहले तमिल लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था 2004 के अंदर, इसको ये क्रेडिट दिया गया था। संस्कृत की बात करें 2005 के अंदर, उसके बाद कन्नाडा की बात करें 2008 के अंदर, तेलुगु की बात करें 2008 के अंदर, उसके बाद मलयालम की बात करें 2013 के अंदर, और ओडिया यहां पे 2014 के अंदर। अगर रिसेंट आपको पूछे कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है तो ओडिया है 2014 के अंदर। काफी बार ये क्वेश्चन इस स्लाइड का पार्टिकुलर पूछा गया है, इसीलिए आपको इसके ऊपर काफी फोकस करना है। हिस्टोरिकल पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं, देखो यहां पे मैं आपको पूरे ब्रीफ से पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं मैराथन है तो कुछ पॉइंट्स बताऊं, आपका ये मैराथन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यूजफुल है, आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। बार बार मैं यहां पे बोल रहा हूं, काफी टाइम हो गया, थोड़ी सी सांस भी अब रुकने लगी है, तो आप भी रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर को लैंग्वेज के पार्ट को थोड़ा सा फिनिश करें, जब अगले न्यू लेक्चर पर जाएंगे, न्यू टॉपिक पर जाएंगे, तब आप थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हैं। बात करें 1889 की ये बात है, जब डोगरा रूलर उस टाइम के प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने उर्दू को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे डिक्लेयर करा था, जो प्रिंसली किंगडम था तब जम्मू कश्मीर। उसके बाद करें उर्दू ने किसको रिप्लेस करा था, तो उर्दू ने पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस करके उसने स्टेटस को ये गेन करा था, हासिल करा था, और लगभग 3 सेंचुरी के बाद उर्दू यहाँ पे रिप्लेस हुई थी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर प्रिंसली किंगडम। बात करें एंड द 131 ईयर ओल्ड स्टेटस ऑफ उर्दू एज द सोल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब बात करें 131 साल ईयर पुराना यहाँ पे उर्दू हमारे स्टेट की क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, उर्दू रिप्लेस्ड पर्शियन। उसके बाद बात करें एक्सक्लूजन ऑफ पंजाबी की बात करें,
एंटी माइनॉरिटी यहाँ पे थी वो ज़्यादा बढ़ गई और डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ताकि और रही कि नई लैंग्वेज को यहाँ पे इंटीग्रेट करा जाए, ट्रिगर करा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीरी लैंग्वेज आप सभी को पता है ये यहाँ पे एक प्राकृत लैंग्वेज की ब्रांच मानी जाती है, यानी प्राकृत यहाँ पे संस्कृत का एक पार्ट है। बात करें कश्मीरी की बात करें तो ये दार्दिक आर्यन ग्रुप लैंग्वेज है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो इंडो ग्रुप आर्यन थे, जो इंडो आर्यन थे, उनका एक यहाँ पे क्या है, एक भाषा है जो ज़्यादातर कश्मीर वैली के अंदर, चनाब वैली के अंदर ज़्यादातर ये बोली जाती है। यहाँ पे शिना लैंग्वेज इसके काफ़ी क्लोज है, तो अगर आपको पूछा जाए कश्मीरी किसके ज़्यादा क्लोज है तो शिना लैंग्वेज के काफ़ी ये यहाँ पे क्लोज है। उसके बाद एट प्रेजेंट की बात करें कश्मीरी जो रिटन है वो देवनागरी स्क्रिप्ट और पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट के अंदर ये लिखी गई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी लोग ज़्यादातर कश्मीरी बोलते हैं, जैसे आप बनिहाल रीजन की बात कर लें, आप डोडा की बात कर लें, रामबन का आधा पार्ट यहाँ पे बात कर लें, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको किश्तवाड़ी के अंदर आपको कश्मीरी ज़्यादा ये देखने को मिलती है। डोगरी लैंग्वेज की बात करें ये लगभग आपको इंडो आर्यन लैंग्वेज ही है, लेकिन अबाउट 5 मिलियन पीपल यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डोगरी लैंग्वेज को आपको बोलते हुए देखने को मिलेंगे। खासकर आपको जम्मू रीजन के अंदर, हिमाचल के अंदर या नॉर्दर्न पंजाब है, वहाँ पे आपको ये भाषा देखने को मिलेगी। डोगरी स्पीकर्स यहाँ पे डोगरास कहा जाता है उनको, और डोगरी स्पीकर रीजन को यहाँ पे डुग्गर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द मेंबर ऑफ वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप है ये, अगर किसका मेंबर है तो ये वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का ये ग्रुप है जो डोगरी लैंग्वेज है। बात करें ओरिजिनल स्क्रिप्ट है डोगरी इन, इसमें लिखी गई है टाकरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई, टाकरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है। ये पहाड़ी है, पाकिस्तान के अंदर इसको पहाड़ी कंसिडर करा जाता है, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी कंसिडर करी जाती है। डोगरी स्टोनल, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। डोगरी लिटरेचर की बात करें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। बात करें डोगरी लैंग्वेज की बात करें तो अमीर खुसरू जी थे, उनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से देखने को मिलता है कि कितनी इंपॉर्टेंस उन्होंने डोगरी को इनरिच करी थी। उसके बाद यहाँ पे तहलदास की बात करें, बाली राम की बात करें, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर करण सिंह की बात करें जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी है, तो उसके अंदर आपको ये इंपॉर्टेंस मिल सकती है। बात करें काफ़ी ज़्यादा डोगरी सॉन्ग्स को यहाँ पर ट्रांसलेट कराया गया है, कई डोगरी सॉन्ग्स के अंदर ट्रांसलेट कराए गए हैं, तो काफ़ी ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लद्दाखी लैंग्वेज की बात करें तो इसको भोती लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना कि इसको किस लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, भोती लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ये एक तिब्बतिक लैंग्वेज है जो ज़्यादातर लेह डिस्ट्रिक्ट और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर बात करें ज़्यादातर इसको लद्दाखी, इसको प्रॉपर लहस्कत आफ्टर द कैपिटल ऑफ लद्दाख इसको जाना जाता है। लहस्कत भी एक प्रकार की क्या, एक लद्दाखी भाषा है। उसके बाद शम्सकत, एक ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ लेह में बोली जाती है। स्टोर्सकत, ये किस प्रकार की ये लैंग्वेजेस है आप सभी को पता, बस आपको ये याद रखना कि ये तिब्बतन स्क्रिप्ट के अंदर ली गई है। बल्ती लैंग्वेज की बात करें, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बोली जाती है, इतना आपको याद रखना है। या नूबरा वैली की बात करें, लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आता है यहाँ पे ये बोली जाती है। भद्रवाही की बात करें तो भद्रवा तहसील, जो डोडा की ये तहसील है, वहाँ पे ज़्यादातर ये बोली जाती है। एक पहाड़ी लैंग्वेज है, लगभग यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस भाषा को आपको बोलते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो वो अगले देखते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करते हैं, खासकर उन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर हम सभी को देखने को मिलते हैं। तो ये एक जम्मू एंड कश्मीर हेरिटेज एंड कल्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी ग्लिम्पसेस में यहाँ पे हम इसकी रिवीजन करने वाले हैं, और खासकर हम यहाँ पे अभी आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करने वाले हैं। अगर बात करें आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, जिस तरीके से कश्मीर की खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से अगर आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे एक रिच हेरिटेज है जम्मू कश्मीर आर्ट एंड कल्चर का। बात करें यहाँ पे अगर कश्मीर की बात करें तो वैली ऑफ कश्मीर को यहाँ पे कल्चर लवर के नाम से भी जाना जाता है, और अभी आपको श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट उसको कल्चर हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करा गया है। तो ये आपको याद बताना है कि कल्चर हेरिटेज साइट इसके बाद पहले कौन सी कल्चर हेरिटेज थी और कितनी हेरिटेज कल्चर साइट है इंडिया के अंदर, ये आपको मेंशन करना है। जयपुर का एक नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे श्रीनगर को, यहाँ पे सिटी ऑफ श्रीनगर को यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज साइट का टैग मिला है, कब मिला है, किसने दिया है, ये आपको बताना है। उसके बाद बात करें कश्मीर को, बात करें कश्मीर की खूबसूरती के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए कश्मीर पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बात करें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूलन टेक्सटाइल्स देखने को मिलती हैं जो फ्लीसी सॉफ्ट ऊन से बनती हैं। बात करें यहाँ पे मैचलेस एक्सेलेंस आपको देखने को मिलते हैं, हैंड वूवन आपको देखने को मिलता है, वीविंग आपको देखने को मिलती है, कारपेट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे वर्क, कई प्रकार के आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्क देखने को मिलते हैं, जैसे पेपर मैच आपको देखने को मिलेगा, वुड वर्क होगा, सिल्वर यहाँ पे वेयर, इस तरीके के कॉपर वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एम्ब्रॉयडरी आपको देखने को मिलेगी। शॉल की बात करें तो वर्ल्ड फेमस शॉल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फेरन की बात करें, जैकेट्स की बात करें, शॉल्स की बात करें, तो इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा आपको कार्विंग के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी आपको यहाँ पे, फ्रूट्स के साथ साथ खूबसूरती के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बात करें हैंडीक्राफ्ट की बात करें, जो कॉटेज इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जो हट के अंदर, झोंपड़ियों के अंदर जो वीविंग की जाती है, एम्ब्रॉयडरी को डिज़ाइन करा जाता है,
तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर रोल को प्ले करती है। बात करें बर्तनों से लेके क्लॉथ्स तक, बात करें फर्नीचर से ज्वेलरी तक बात करें, तो हर कुछ यहाँ पे एक मास्टर स्किल्स को शो करता है और डेडिकेशन को शो करता है, जो कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के जो लोकल्स हैं वो अपने क्राफ्ट के, अपने आर्ट के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शॉल्स की बात करें, तो अगर शॉल की बात करें तो एक यूनिक पोजीशन है पूरे जम्मू एंड कश्मीर के। अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो ये शॉल एक इंपॉर्टेंट पोजीशन, यानी एक यूनिक पोजीशन रखता है आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें। और उसके बाद यहाँ पे पश्मीना शॉल, जो आपको पता है कि वर्ल्ड फेमस शॉल यहाँ पे माना जाता है, ये एक कहाँ से एक्सट्रैक्ट करी जाती है, इसकी ऊन, फ्लीस का मतलब होता है ऊन, ये केल गोट करके एक नाम है बकरी का जिसकी ऊन से ये पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पश्मीना शॉल लिखे हैं, उसके आगे लिखे हैं मीन्स फेस्ट फ्रॉम, तो यहाँ पे किससे बनाया जाता है, सोर्स किससे है, तो सोर्स क्या है, यहाँ पे केल गोट है यहाँ पे। उसके बाद जमावर शॉल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉल है, जो यहाँ पे मनाया जा मीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कश्मीर के, ये काफ़ी रेयर और डिफरेंट है दूसरे शॉल से, जिसको आप जमावर शॉल के नाम से जानते हैं। बात करें यहाँ पे जो फैब्रिक यहाँ पे फ्लीसी वूल जो केल गोट से ली जाती है, वो किसके थ्रू कौन लेता है उसको, जो हैंडलूम आर्टिशंस होते हैं, और जनरली यहाँ पे जो वुमेन फॉल्क होती हैं वो इस ऊन को एक्सट्रैक्ट करती हैं शिप से, और उसके बाद शॉल्स को क्या करा जाता है, मैन्युफैक्चर करा जाता है। बात करें यहाँ पे कानी शॉल की बात करें, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सक्यूजिटिव देखने को मिलेगा। और बात करें यहाँ पे इसके अंदर कुछ थ्रेड्स दिए होते हैं, कुछ स्पेशल वुडन थ्रेड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जिनको कश्मीरी के अंदर कानीस के नाम से जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फैब्रिक ऑफ जो रिंग शॉल होता है, जिसको आप शहतोश कहते हैं, यहाँ पे ये भी काफ़ी स्मूथ फ्लीस से बना हुआ होता है, और इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर इफॉर्टलेसली यहाँ पे आपको रिंग टाइप का एक यहाँ पे वुडन देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे क्या पड़ा है, रिंग शॉल, जिसको शहतोश के नाम से जाना जाता है कश्मीर के अंदर। उसके बाद शॉल इंडस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले किसके द्वारा रिकॉग्नाइज करी गई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, द शॉल इंडस्ट्री वाज रिकॉग्नाइज या रिऑर्गनाइज बाय द मुगल्स। मुगल्स ऐसे पहले थे, मुगल डायनेस्टी ऐसी थी जिन्होंने सबसे पहले क्या करा था, शॉल को कश्मीर के अंदर लॉन्च करा था। अकबर और उसके सक्सेसर ने काफ़ी ज़्यादा शॉल्स को यहाँ पे क्या करा था, वोर करा था, पहना था, तो ये भी आपको याद रखना है। फाइन शॉल जो थे कश्मीर के, वो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहे थे जब ब्रिटिश का टाइम रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद ये क्या रहे, उससे पहले काफ़ी सक्सेसफुल थी, उसके बाद भी अभी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इनका यहाँ पे ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड करे जाते हैं। उसके बाद कारपेट्स की बात करें, यहाँ पे गाबा कारपेट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो गाबा कारपेट है, एक यूनिक टाइप ऑफ क्या है, ये एक फ्लोर कवरिंग होती है। यहाँ पे आपको याद रखना, गाबा का मतलब है यूनिक टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग, यानी फर्श को यहाँ पे क्या करते हैं, कवर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये किससे प्रिपेयर करा जाता है, जो गाबा है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यूनिक टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग प्रिपेयर्ड बाई फ्रॉम ओल्ड वूलन्स, यानी जो पुरानी ऊन होती है, जो वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड डिज़ाइंस को बनाकर यहाँ पे इस गाबा कारपेट को क्या करा जाता है, तैयार करा जाता है। उसके बाद एक नामदा है, फेल्ट रग है, ये कहाँ किससे बनाई जाती है, नामदा करके कारपेट है, जो यहाँ पे जो बीटन वूल होती है, जिस ऊन को हम क्या करते हैं, मार मार के उसको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से उसका क्या बनाते हैं, एक कारपेट बनाते हैं, जिसको नामदा कारपेट के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी करी जाती है, और ये कैसेदा इंडस्ट्री है जो कश्मीर की, उसकी एक फेमस ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे चैन स्टिच रंग आपको देखने को मिलेगा, वो जो सेम और सेम डिटो किसकी तरह से दिखता है, ये जो चैन स्टिच रग है, ये डिटो गाबा किसकी तरीके से दिखता है, यानी ये जो गाबा कारपेट उसकी तरीके से दिखता है। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सजेशन आपको ये देता हूँ, कि अगर आप बात करें नामदा की, तो एक बार आप गूगल पे जाएं, नामदा किस तरीके से दिखता है, तो उस तरीके से आपको ज़्यादा यहाँ का लॉन्ग लास्टिंग रिमेंबरेंस रहती है, तो इसलिए आप एक बार उसको देख लेना जरूर। उसके बाद बात करें जो कारपेट इंडस्ट्री थी, सबसे पहले कश्मीर के अंदर किसने इंट्रोड्यूस करी थी, तो वो थे जो सुल्तान जैन उल अबदीन थे, जिनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। उन्होंने कारपेट इंडस्ट्री को पहली बार कश्मीर वैली के अंदर क्या करा था, इंट्रोड्यूस करवाया था। बात करें अगर पॉइंट ऑफ व्यूविंग के हिसाब से बात करें, कारपेट्स को दो प्रकार से यहाँ पे कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया, यानी बाइफरकेट करा गया या डिवाइड करा गया। एक तो है स्मूथ फेस्ड कारपेट, आई रिपीट, स्मूथ फेस्ड कारपेट, और दूसरा है पाइल कारपेट, PILE, पाइल कारपेट। इस प्रकार से कश्मीर के अंदर अगर व्यूविंग और कारपेट्स के हिसाब से अगर नजरिए से हम देखें, तो दो प्रकार से यहाँ पे कारपेट इंडस्ट्री को कश्मीर के अंदर क्या करा गया है, डिवाइड करा गया है। अगर आप पाइल कारपेट्स की बात करें, जिसको आप कलिंस के नाम से जानते हैं, ये कश्मीर बनाते हैं, और कब से, जब से मुस्लिम रूल यहाँ पे कश्मीर के अंदर शुरू हुआ है। उसके बाद बात करें फ्लोरल और अदर डिजाइन की बात करें, पाइल कारपेट की बात करें, तो इसको नेशनल क्राफ्ट ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप बात करें दूसरे यहाँ पे सेंट्रल एशिया और ईरान की बात करें, जो कारपेट ऑफ कश्मीर है वो क्या दर्शाता है, एक सिंबॉलिक, एक ट्रेडिशनल मीन्स क्या करता है, ट्रेडिशन दिखाता है कश्मीर वैली का, जो डिफरेंट कल्ट्स और कल्चर्स के अंदर भी यहाँ पे ये प्रेजेंट करा गया है। उसके बाद यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की बात करें, तो एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर को आप सभी को पता है कि एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर को कसीदा के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये क्वेश्चन बनता है और अक्सर आपको ये याद रखना है, ये आपके रिवीजन है, जो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रिच कलर होते हैं, यहाँ पे काफ़ी एलोबरेटिव बेसिस इसकी डिटेल्स, इसके एग्जीक्यूशन या इसका जो पैटर्न होता है, जो कसीदा पैटर्न होता है, वहाँ पे बनाया जाता है। अगर बात करें ये नकाश
मोस्टली फ्रॉम मेमोरी से। अगर बात करें जो कसीदा होता है, खासकर ये जो डिज़ाइन बनाई जाती है ये मेमोरी बेस्ड डिज़ाइन होती है, किसी याद में यहाँ पे इन डिज़ाइंस को बनाया जाता है। उसके बाद पीला वर्क आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा, ये एम्ब्रॉयडरी की स्टाइल है जिसके अंदर यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को क्या करा जाता है, थ्रेड बनाए जाते हैं, इंक्लूड करा जाता है, और काफ़ी ही मन लुभाने वाला यहाँ पे इसकी एम्ब्रॉयडरी होती है जो फेरेंट्स और शॉल्स के अंदर क्या करी जाती है, मीन्स इसके अंदर डाली जाती है, इंटीग्रेट करी जाती है, वो इनकी प्राइस को काफ़ी हाई बना देते हैं। उसके बाद टीला क्रेज़ की बात करें, एक न्यू हाइट उसने तब पाई जब अमेरिकन एक एंकर थे जिनका नाम ऑपरे विनफ्रे था, उनको यहाँ पे ब्लैक टीला साड़ी के अंदर देखा गया। बात करें एम्ब्रॉयडरी की, बात करें कश्मीर के अंदर, तो ये हाईली सेंसिटिव है। बात करें अगर करंट डिमांड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी प्रकार के यहाँ पे आपको गुड्स या दूसरे प्रकार के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, घरों को या क्लॉथ्स को डेकोरेशन पर्पज़ के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको रेडी मार्केट एम्ब्रॉयडरी भी आपको देखने को मिलेगी जो शॉल या साड़ीज़ के ऊपर अप्लाई करी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉटन और सिल्क प्रकार के किसी प्रकार के भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, बैग्स के ऊपर, कर्शन्स के ऊपर, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, आप यहाँ पे वुड कार्विंग की बात करें यहाँ पे, तो वुड कार्विंग अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे CARVING, अगर आप बात करें तो अभी आपको पता है कि कश्मीर के अंदर एक डिमांड है कि जो वॉलनट की जो वुड होती है उसको एक GI टैग की डिमांड चल रही है, उसकी जो बनती है, तो आपको बताना है कि उस आर्टिकल का नाम क्या है या उस स्पेशल यहाँ पे चीज़ का नाम क्या है जो वॉलनट की लकड़ी से बनाई जाती है। बात करें वॉलनट या चिनार की, बात करें खासकर कश्मीर के अंदर ये काफ़ी फेमस है। बात करें ये क्या करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वुड कार्विंग के लिए ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो बेस्ट नॉन कॉटेज इंडस्ट्री है कश्मीर की, ये आपको याद रखना है। वुड कार्विंग की बात करें तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करी जाती है। फर्नीचर की बात करें, डिफरेंट छोटे से आर्टिकल की बात करें, अगर आप यहाँ पे छोटे से टॉयज़ की बात करें, ज्वेलरी बॉक्सेस की बात करें, फोटो फ्रेम्स की बात करें, इसी प्रकार के इंटीरियर डेकोरेशन घरों के अंदर आप अलमीरा की बात करें, डोर की बात करें, या यहाँ पे आप किसी भी प्रकार के दूसरे छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करें, खासकर जो लकड़ी का बना हुआ है उसके ऊपर ये ज़्यादातर यहाँ पे वुड कार्विंग की जाती है। वुड कार्विंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कश्मीर के अंदर। बात करें अगर वॉलनट वुड प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे सिगार बॉक्सेस को बनाया जाता है, ट्रेस को बनाया जाता है, टेबल टॉप्स को बनाया जाता है, यहाँ पे कॉलर बॉक्सेस को बनाया जाता है, इसी प्रकार के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइंस को भी बनाया जाता है जो कश्मीर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप खातम बंद की बात करें एक स्पेशलिटी है, स्पेशल कश्मीर वुड वर्क है जिसके अंदर आपको रूम की सीलिंग जिसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगी, इसके थ्रू यहाँ पे रूम्स की सीलिंग करी जाती है। ये किससे बनाया जाता है, जो पाइन की वुड होती है उससे ये छोटी छोटी डिज़ाइन को बनाया जाता है जिसको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस के अंदर बनाया जाता है, यानी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस के अंदर बनाया जाता है। अगर बात करें इसकी बात करें, ये जो हाउस बोट्स के बिल्डर्स हैं, आपको पता है कि अगर आपने कभी हाउस बोटिंग करी होगी कश्मीर के डल लेक के ऊपर तो वहाँ पे आपको ये क्राफ्ट्स अभी देखने को मिलता है, और इसी जो हाउस बोटर्स हैं उन्होंने ही इस क्राफ्ट को अभी तक जिंदा रखा है कश्मीर के अंदर। अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको देखनी है तो कश्मीर के अंदर श्राइन ऑफ ख्वाजा नक्शबंद जो है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, जो जामा मस्जिद के पास में ही है जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये बेस्ट एग्जांपल है इस क्राफ्ट की जो खातम बंद क्राफ्ट है। बात करें कश्मीरी की, बात करें कश्मीरी कारपेंट्री या विकर वर्क की बात करेंगे वो आगे आने वाले, बात करें तो यहाँ पे छोटी छोटी पीसेस वुड के लिए जाते हैं और उसके अंदर काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या करी जाती है, कार्विंग करी जाती है उसके, जैसे अगर स्पेशली आप पाइन की बात करें, वॉलनट की बात करें या देवदार की बात करें, इसकी लकड़ी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसको किलों के साथ अच्छे तरीके से ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में सेट करा जाता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की खूबसूरती को बढ़ाता है और एग्जीक्यूटिव डिज़ाइन को बनाता है। उसके बाद कंडकारी कॉपरवेयर की बात करें तो ये एक एक्सक्लूसिव क्राफ्ट है जो कश्मीर के अंदर है, जो कॉपर से भी बनाया जाता है, इसको सिल्वर एंड कॉपरवेयर की बात करें, ये बात करें तो डिफरेंट टेस्ट ऑफ वायर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किस प्रकार की चाहिए। बात करें अगर आप सिल्वर वेयर की बात करें, इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है, जैसे सिल्वर टी सेट्स की बात करें, फ्लावर वेसेस की बात करें, टॉयलेट सेट्स की बात करें, सेंट चेस्ट की बात करें, ऑर्नामेंटल पिक्चर फ्रेम्स की बात करें, उसके बाद सिगरेट केसेस की बात करें, टम्बलर्स की बात करें, तो इस प्रकार के आपको काफ़ी इसके अंदर आपको डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कॉपर यूटेंसिल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इसके अंदर कैलोग्राफिक मोटिव्स और ज्योमेट्रिकल मोटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। इस यानी कॉपरवेयर की बात करें तो मोस्ट फेमस जो प्रोडक्ट है कंडकारी जो कश्मीर के अंदर, इसको कश्मीरी सोमावर के नाम से जाना जाता है। अब सोमावर यहाँ पे आपको याद रखना कि ये क्या है, एक प्रकार की क्या है कश्मीरी, एक चाय के हिसाब से यानी कैटल के हिसाब से इसको माना जाता है जिसके अंदर आप चाय रखते हैं, जिसको आप रशियन के अंदर कैटल ऑफ रशियन ओरिजिन भी इसको कहा जाता है, जिसके अंदर ये किस लिए यूज़ की जाती है, जो कावा चाय होती है, नून चाय जो होती है, इसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये कॉपर या ब्रास की होती है बनी हुई। बात करें डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है ये कहना कि जो सोमावार है ये पहली बार कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाता है। काफ़ी मीन्स एक्सपर्ट्स का, हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो सोमावार है पहली बार रशिया और ईरान के अंदर ये फाउंड करा गया था। उसके बाद अब पेपर मैच की बात करें तो पेपर मैच ये क्राफ्ट है जो कश्मीर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये कश्मीर के अंदर किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जैन उल अबदीन, जो सुल्तान जैन उल अबदीन थे जिनको अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने यहाँ पे पेपर मैच के क्राफ्ट को पहली बार कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करा था। अब इन प्रोडक्ट्स की बात करें, जो पल्प ऑफ पेपर होता है उससे और उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी से इसको क्या करा जाता है, डिज़ाइन करा जाता है, और इनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगी। अब पेपर मैच की अगर आपको अच्छे से समझ ना आए तो आप एक बार जरूर गूगल करें, गूगल पर देखें
पेपर में इसकी शक्ल देखें, उसकी फिगर देखें, उसकी डायग्राम देखें, उसकी फोटो देखें, तभी जाके आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। इसकी बात करें जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, ये ब्रास और जो मेटल लाइनिंग होती है जो पेपर मैच गुड्स पे, यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं और जो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस इसकी वेटेज प्राइस के अंदर काफ़ी बढ़ा देती है, ये मोर ड्यूरेबल और यूज़फुल रहता है। उसके बाद वीकर वर्क की बात करें जिसके अंदर आपको कांगड़ी और कांगड़ी के अंदर एक वहाँ पे आपको मिट्टी का देखने को मिलता है जिसके अंदर आप क्या रखते हैं सिंडर्स जो अंगारे होते हैं वो रखते हैं। आप बात करें विलो बुशेस की बात करें, मार्शेस की बात करें जो लेक्स और रिवर्स के अंदर कश्मीर के अंदर ज़्यादातर मीन्स देखने को मिलते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो खाली वेस्ट है, उससे काफ़ी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को भी क्या करा जाता है बनाया जाता है। वो डिपेंड करता है किस प्रकार की शॉपिंग के लिए, किस प्रकार की बास्केट या किस प्रकार के ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी वुड यूज़ में आती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप लैंप शेड्स की बात करें, टेबल्स की बात करें, चेयर्स की बात करें, शॉपिंग बास्केट्स की बात करें, या फिर आप बात करें विकर वर्क की बात करें, तो इन सभी के लिए यूज़ में आती है। अगर आप बात करें कांगर की बात करें जिसको कश्मीरी के अंदर कांगड़ी के नाम से जाना जाता है, ये चैफिंग वेसल है जिसके अंदर आपको अंगारे रखते हैं और कश्मीर के अंदर ज़्यादातर सर्दियों के अंदर हर एक घर के अंदर ये यूज़ किया जाता है। एक बॉवल इनकेस्ड होता है, एक बॉवल शेप का, एक वुडन यानी यहाँ पे किसका होता है मीन्स मिट्टी का, सॉइल का, यहाँ पे मीन्स जो बीटेड सॉइल होती है नीट सॉइल का, वहाँ पे मिस नीडेड सॉइल का एक यहाँ पे बनाया जाता है जिस तरीके से घड़ा बनाया उसी तरीके से बॉवल शेप एक विकर होता है जिसके अंदर यहाँ पे क्या करा जाता है अंगारों को रखा जाता है, सिंडर्स को रखा जाता है जो सर्दियों के अंदर यहाँ पे क्या देता है गर्मी देता है। उसके बाद ड्यूरिंग विंटर की बात करें, हॉट एम्बर्स की बात करें या सिंडर्स की बात करें, इस कांगड़ के अंदर रखा जाते हैं। और ये फेरन जो आप सभी को पता है कि पूछा भी एक दो बार किसी एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे उसके अंदर रखा जाता है और उसकी वजह से क्या होता है आपको यहाँ पे क्या मीन्स देखने को मिलेगा, आप भी अच्छी हीट आपको सर्दियों के टाइम देखने को मिलेगी। इसी से कांगड़ के थ्रू से ज़्यादातर आपको कश्मीरियों के अंदर जो कांगड़ी कैंसर है वो आपको देखने को मिलता है। बात मानी ये जाती है कि जो कांगड़ है कश्मीर के अंदर द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई, कश्मीर की एक इंडिजीनियस नहीं है, ये इटली से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, उसके बाद कश्मीर में आई थी। उसके बाद फुलकारी की बात करें तो फुलकारी जो पेंटिंग है या ट्रेडिशन क्राफ्ट है वो जम्मू का है, इतना सा आपको याद रखना है। ये एम्ब्रॉयडरी है, जो ब्राइट फ्लोरल डिज़ाइंस हैं उसको यहाँ पे फुलकारी के नाम से जाना जाता है, जो ज़्यादातर जम्मू रीजन के अंदर ही यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर डोमेस्टिक आर्ट है और ज़्यादातर वुमेन के द्वारा क्या करा जाता है प्रैक्टिस करा जाता है। बात करें अगर दूल्हे की या दुल्हन की, अगर आप ड्रेसेस की बात करें जिसके ऊपर ये यहाँ पर फुलकारी को शो करा जाता है। उसके बाद लखा की बात करें, लखा की बात करें ये टेलर्ड कैप है जो गुजर और चिल्ड्रन उसको ज़्यादातर पहनते हैं, ये क्लोजली फिटेड होती है और उसके बाद एक्सटेंडेड डाउन टू द नेक, ये पिछली साइड के लिए थोड़ा सा नीचे होता है और आप सभी ने इसको देखा होगा, ज़्यादातर जो गुज्जर कम्युनिटी की जो लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर इसको क्या करती है पहनती हैं। उसके बाद बीना, ये यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉ क्राफ्ट है, ये कौन सा क्राफ्ट है, स्ट्रॉ क्राफ्ट है, बजाया जाता है ज़्यादातर जो फ्री टाइम होता है उस टाइम के अंदर ये एक्टिविटी की जाती है और खासकर वुमेन के थ्रू करी जाती है। बात करें यहाँ पे इट यूज़ टू बी राउंड एंड ऑब्लॉन्ग मैट्स, ज़्यादातर ये ऑब्लॉन्ग मैट्स और बड़े बड़े जो राउंड मैट्स उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंटेनर्स एंड ट्रेस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और जो ज़्यादातर यूनिक फिनिशेस है उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्वीट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे ट्वीट की बात करें एक प्योर वूल प्रोडक्ट होता है जो 8 स्टेप्स ऑफ वूल शीरिंग टू टेक 8 स्टेप्स के थ्रू बनाया जाता है। प्रोडक्ट्स ऑफ ट्वीट की बात करें तो लॉन्ग विंटर कोट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैकेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ब्लेजर्स आपको देखने को मिलेंगे, वेस्ट कोट्स आपको देखने को मिलेंगे, सूट्स ट्रोजर कैप्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर शादी के जो सूट्स होते हैं वेडिंग सूट्स वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो ट्वीड एक प्योर वूल प्रोडक्ट है इसे आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की हम यहीं पे बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे मैं स्लाइड्स के ऊपर शो कर रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोक डांसेस ऑफ इंडिया, उसी के साथ साथ हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को भी कवर कर देंगे। तो यहाँ पे फोक डांसेस ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अंदर मैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डांसेस हैं जिसके अंदर आपका कुद डांस, रॉफ डांस, जो फोक डांसेस ऑफ इंडिया के ही एक इंटीग्रल पार्ट है, जो जम्मू एंड कश्मीर के फेमस डांसेस हैं, उन सभी की बात करेंगे। उसके बाद लद्दाख के अंदर मैं सिर्फ उनके नेम्स ही आपको यहाँ पे रिसाइट करके बताऊंगा, आप वहाँ पे चाहें तो शॉर्ट नोट्स इसके बना सकते हैं। अगर बात करें डांस की बात करें तो अगर हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखें तो जो डांस है ये ब्रह्मा जी के द्वारा ये कंसीव्ड करा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर एक ऋषि थे जिनका नाम भारत मुनि था, उन्होंने यहाँ पे नाट्य शास्त्र को लिखा था। अब यहाँ पे नाट्य शास्त्र के अंदर आर्ट्स के बारे में, जो परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट्स उसके बारे में बताया गया, तो ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे फोक डांसेस ऑफ इंडिया की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जितने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डांसेस आपको देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे आप फोकस कर पा रहे हैं तो यहाँ पे जो डायलेक्ट्स हैं हमेशा लगभग 100 किलोमीटर के बाद चेंज होते हैं, और इसी तरीके से हर 100 किलोमीटर के बाद आपको डिफरेंट ड्रेसेस देखने को मिलेंगे, डिफरेंट आपको यहाँ पे ईटिंग स्टाइल्स आपको देखने को मिलेगी, इसी तरीके से हमारे पास आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डांसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ डांसेस ऐसे होते हैं जो हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पे या हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे परफॉर्म करे जाते हैं, इसीलिए आपको ये टाइम ऑफ हार्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा डांसेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे भांगड़ा आपको पंजाब के अंदर ज़्यादातर ये परफॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा। अगर बात करें आप डांस फॉर्म की बात करें, इसके अंदर आपके पास क्लासिकल डांस आ जाता है,
रीजनल जिसको आप फोल्क डांसेस के नाम से देखते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अगर फोल्क डांसेस की बात करें, ये क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल इसको परफॉर्म करते हैं। ये हैप्पीनेस को रिफ्लेक्ट करता है, दुख को रिफ्लेक्ट करता है, या दूसरे जो मूड होता है सोसाइटी का उस प्रकार के सभी उन यहाँ पे क्या करता है उन एक्सप्रेशन को ये शो करता है। इसीलिए अगर बात करें फोल्क डांसेस की बात करें तो अपने अपने स्टेट्स के अंदर आपको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फोल्क डांसेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर बात करें कुछ इस प्रकार की, जैसे ये डांडिया है ज़्यादातर राजस्थान या गुजरात के अंदर ये परफॉर्म करा जाता है। उसके बाद ये आपका भांगड़ा डांस पंजाब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डांसेस आपको जो इंडिया के अंदर, ये चाहू डांस है, CHHAU चाहू डांस, इसको अभी अभी ये माना जाता है कि जो संगीत नाटक अकेडमी है उसके एक मीन्स यहाँ से रेफरेंस है, इसको 9th क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया माना गया है। ये वेस्ट बंगाल का डांस है, तो ये आपको ईस्टर्न डांस है, वेस्ट बंगाल का डांस है चाहू। अगर आपको पूछे लेटेस्ट क्लासिकल डांस तो ये आप याद रख सकते हैं, कई जगहों पर ये मेंशन करा गया है। उसके बाद ये यहाँ पे आपको किस प्रकार के ये घाघरा चोली लगाते हुए ज़्यादातर ये जो डांस है ये डांस आपको गुजरात में परफॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे चलो एक बार जल्दी से हम क्लासिकल डांस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको ये डेफिनेशन समझाना चाहता हूँ कि जो क्लासिकल डांसेस होते हैं वो होते क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल डांसेस? अगर बात करें जिस तरीके से फोक डांसेस होते हैं, क्लासिकल डांसेस के अंदर अपनी अपनी क्या होती है, एक स्पेशलिटी होती है, इसके अंदर कुछ अपने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे क्या कहा गया है क्लासिकल डांस की बात करें। यहाँ पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें, देखो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अगर आप बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है एक मिनिस्ट्री है, उसके मुताबिक अभी तक हमारे पास 9 क्लासिकल डांसेज हैं। अभी तक हमारे पास कितने क्लासिकल डांसेज हैं? 9 हैं। बट अगर बात करें संगीत नाटक अकेडमी के मीन्स हिसाब से बात करें, सो वी हैव 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया, जिसमें सबसे पहले अगर आप भारतनाट्यम की बात करें ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस अक्सर ही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और JKSSB का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से हमेशा जनरेट होता है, बनता है। इसीलिए अगर आपको पूछा जाए भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का डांस है, इट इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें भारतनाट्यम के मतलब की बात करें तो BHA जो भाव का मतलब होता है भावा, विच मीन्स इमोशंस अगर आप बात करें, और उसके बाद रा की मतलब है राग, इसका मतलब होता है म्यूजिकल नोट्स, यू नो बा रा यानी भावा और इमोशंस जिसको मीन्स एक्सप्लेन करता है, और उसके बाद राग का मतलब है म्यूजिकल नोट्स, और ता का मतलब यहाँ पे ताल, जिसका मतलब होता है राइम, रिदम जिसको कहते हैं राइम, और नाट्यम का मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब होता है संस्कृत के अंदर ड्रामा। इस तरीके से भारत नाट्यम डांस को यहाँ पे एक हरिया के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EK, यहाँ पे एक हरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप भी इसको लिख सकते हैं कि भारत नाट्यम डांस को एक हरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें यहाँ पे काफ़ी एक डांसर अलग अलग परफॉर्मेंस भी करता है, बात करें इसको सदीर के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर ये जो देवदासी कम्युनिटी के लोग होते हैं, ये जब गॉड को ऑफरिंग करते हैं या जब भगवान की पूजा करते हैं मंदिरों में, उस टाइम पे इस भारतनाट्यम डांस को परफॉर्म करा जाता है। इसीलिए इसको कभी कभी साउथ इंडिया के अंदर दासी आतम के नाम से भी जाना जाता है, और ये देवदासी कल्चर की क्या करता है, फाउंडेशन भी रखता है। इसलिए मैंने इसके बारे में काफ़ी इसलिए बताया क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, और ये भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का डांस है। मिनिस्ट्री ऑफ अगर बात करें कल्चर के हिसाब से 9 क्लासिकल डांसेज हमारे इंडिया के अंदर है, अगर आप संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से बात करें तो हमारे पास 8 क्लासिकल डांसेज हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरे क्लासिकल डांस की बात करें तो कथक, यहाँ पे जो कथक क्लासिकल डांस है ये नॉर्थ इंडिया का है। बात करें ये मोस्ट चार्मिंग डांस है, बात करें अगर इंडिया की बात करें तो इट इज नोन एज द मोस्ट चार्मिंग डांस ऑफ इंडिया। बात करें अगर कथक की बात करें तो इसका ओरिजिनल जो मतलब है वो संस्कृत से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है कथक का मतलब होता है कथा का मतलब होता है स्टोरी। कथक ये यहाँ पे इसका एक अमालगेशन बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, जिसके अंदर आप आर्ट और म्यूजिक को और डांस को अलग करके ड्रामे की शेप देते हैं, इसीलिए इसको कथक डांस के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स इट इज़ अ स्टोरी टेलिंग डांस। अगर आपको कभी पूछा जाए स्टोरी टेलिंग डांस कौन सा है तो कथक आपको याद रखना है। इसके अंदर आपको जुगलबंदी आपको देखने को मिलती है, तो ये भी आप याद रखें, ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया के अंदर परफॉर्म करा जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे कथकली की बात करें तो यहाँ पे ये भी क्लासिकल डांस है। आपको बताना है कि ये जो नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस था, इसी तरीके से कथकली जो है वो एक साउथ इंडियन डांस है, जो केरला का फेवरेट डांस है, फेवरेट डांस है, और क्लासिकल डांस का इसको टैग भी दिया गया है। अब यहाँ पे कथा का मतलब फिर से स्टोरी, और काली का मतलब होता है परफॉर्मेंस एंड आर्ट। अगर बात करें कथकली इन इट मीन्स ये यहाँ पे किसी स्टोरी टेलिंग डांस की एक परफॉर्मेंस होती है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे पहने जाते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेकअप स्टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको फेस मास्क, डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फेस मास्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे इसको एक नाम याद रखना, इसको अगर एशिया के हिसाब से देखें तो इसको बैलेट ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, BALLET, बैलेट ऑफ ईस्ट।
बैलेट ऑफ ईस्ट के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब बैलेट का मतलब क्या होता है, एक आर्ट फॉर्म होती है जो क्या करती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रिएट करी जाती है, उसको आप बैलेट कहते हैं। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे आप किस तरीके से फेस मास्क की तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुचुपुड़ी की बात करें तो कुचुपुड़ी एक काफ़ी डिफरेंट डांस है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है इमेजेस, इस प्रकार का कुचुपुड़ी डांस आपको देखने को मिलता है। ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है जो कृष्णा रिवर के साथ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक विलेज का नाम है कुचुपुड़ी, जहाँ आंध्र प्रदेश, कहाँ पे ये आंध्र प्रदेश के अंदर ये डांस ज़्यादा परफॉर्म करा जाता है। अगर बात करें इसका जो थीम्स है, आपने हिस्ट्री के अंदर वैष्णविज्म के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर यहाँ पे कृष्णा, भगवान कृष्ण की पूजा करी जाती थी, रुक्मिणी या सत्यभामा की पूजा की जाती थी, इनको यहाँ पे खुश करने के लिए इस डांस को परफॉर्मेंस दी जाती है। बात करें इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, डांसर जो परफॉर्म करते हैं उसको तारंगाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कुचिपुड़ी हैज़ ए स्पेशलिटी, एक स्पेशलिटी है जिसको तारा नगम, TARANGM तारा नगम कहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा जो ब्रास प्लेट्स के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस दी जाती है। बात करें इसके, इस डांस में कभी कभी आपको सिर के ऊपर पॉट्स भी देखने को मिलते हैं, पॉट को उठा के, घड़े को उठा के इस डांस को परफॉर्मेंस भी दी जाती है, जो इसको अपने आप में एक यूनिक डांस को बना देती है। बार माना यह जाता है कि इस डांस के थ्रू जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं जो इस डांस को परफॉर्म करते हैं, वो लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा को रिसाइट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब बात करें सिद्धिंद्रा योगी की बात करें, इस डांस के पॉइनर माने जाते हैं, स्थापक माने जाते हैं। अब बात करें यहाँ पे इसके अंदर आपको नृत्य देखने को मिलता है, नाट्य देखने को मिलता है, नृत्य देखने को मिलता है। ये क्या है, फर्स्ट डांसेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जेस्टर्स, स्पीच और सॉन्ग्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें मोहिनी यतम, बात करें कि मोहिनी यतम ये केरला का डांस है, कहाँ का है ये, केरला का डांस है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे इसको मोहिनी यतम डांस को परफॉर्म करा जाता है, क्लासिकल डांस है जो केरला का है। बात करें यहाँ पे लासिया जो है वो इंस्पायर होते हैं डांस के साथ, सॉफ्ट बात करें, ये लासिया टाइप का डांस है जिसके अंदर आपको काफ़ी जेंटल मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है, काम मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है। बात करें तो ये यहाँ पे किसको करेक्टराइज करता है, ये फेमिनाइन जो डांस है ये है, यूजुअली ये वुमेन के द्वारा ही परफॉर्म करा जाता है। अगर यहाँ पे आपको ये मोहिनी वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है चार्मिंग वुमेन, इसका मतलब है भगवान विष्णु का जो अवतार हुआ था ताकि जो बुराई की जो पावर है, जो बुराई की जो शक्ति है, उसको क्या कर पाएँ, वो ख़त्म कर पाएँ, इसीलिए मोहिनी यतम इसका मतलब होता है डांस ऑफ इनचेंट्रेस। बात याद रखें मोहिनी यतम का मतलब होता है डांस ऑफ इनचेंट्रेस, इसको आप याद रखें अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे ओडिसी डांस आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है, ज़्यादातर आपको जो जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे इस डांस की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें एंशियंट डेज के हिसाब से बात करें तो एंशियंट डेज के हिसाब से भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मीन्स यहाँ पे ये जो भक्ति रास है इसका एक पार्ट है जो ड्यूरिंग जगन्नाथ टेम्पल्स के अंदर, यानी जब यात्रा रहती है उस टाइम पे वर्शिप टू गॉड, एज ए वर्शिप टू गॉड परफॉर्म करा जाता है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं इस टेम्पल के इनसाइड, जहाँ पे ओडिसी डांस भी आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आपको टू सॉर्ट ऑफ ओडिसी डांसेस आपको देखने को मिलते हैं जिसको ट्रेडिशनल ओडिसी डांस भी कहा जाता है। एक तो है महारिस जो इसको देवदासी परफॉर्म करते हैं टेंपल के अंदर, और देवदासी गर्ल्स परफॉर्म करती है, यह बात आपको याद रखना है। और गोतीपुआ ये यहां पे ऐसा डांस है जो ओडिसा के अंदर बॉयज परफॉर्म करते हैं, और ओडिसी डांस का ही ये क्या है पार्ट है। उसके बाद सत्रिया की बात करें तो ये लास्ट डांस है जो हमें यहां पे मींस याद रखना है। अगर आप बात करें सत्रिया डांस की बात करें, यह आसाम का डांस है, यहाँ पे ये किसका डांस है आपको ये याद रखना है कि ये आसाम का डांस है। अब यहाँ पे इस डांस को ट्रेडिशनल डांस भी कहा गया है, ये ड्रामा ऑफ आसाम के नाम से भी जाना जाता है। इसको 2000 के अंदर, ये एज़ पर अगर मीन्स यहाँ पे अगर संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से बात करें तो 2000 के अंदर इसको क्लासिकल डांस का टैग दिया गया है संगीत नाटक एकेडमी के थ्रू। अगर बात करें इसके थीम्स की बात करें, परफॉर्म जो किए जाते हैं वो क्यों किया जाता है, राधा कृष्णा और दूसरे जो मिथ्स इसके रिलेटेड है तभी इस डांस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद चाहू डांस झारखंड वेस्ट बंगाल के अंदर किया जाता है, और इसको अभी डिफरेंट टाइप की बात करें इसको अभी यूनेस्को इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी इसको डाला गया है। तो ये थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्पसेस थे जो क्लासिकल डांसेस के बारे में थे। अब यहाँ पे हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करते हैं, फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो डिफरेंट फोक डांसेस आपको जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे, और आप सभी ने अभी तक काफ़ी अच्छी तरीके से इनकी स्टडी करी। अगर बात करें आपको कुछ ही डांसेस के बारे में बात करना, एक बात करें जैसे रॉफ की बात करें, उसके बाद यहाँ पे आप बात करें रॉफ की बात करें, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे दूसरे हिकत मंदजास कुद डांस, इस तरीके से आपको दामली डांस, सभी इनकी बात करेंगे। तो खासकर आपको इन डांसेस के ऊपर फोकस करना है, रॉफ हिकत मंडजास कुड दांडी नाच और दामली डांसेस, ये आपको जम्मू कश्मीर के अंदर फोक डांसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के आपको डिफरेंट डिफरेंट फोक डांसेस को आपको देखने को मिले, जैसे मैंने अभी भारतनाट्यम की बात करें, कुचुपुड़ी की बात करी, बिहू की बात करी जो आसाम का है, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पे जाता जतिन जो एक बिहार का डांस है, गरबा की बात करें, डांडिया रास की बात करें, ये आपको गुजरात के डांस आपको देखने को मिलेगा, झूमर यहाँ पे हरियाणा का, उसके बाद चरहिए धामन चापेली नाती डांगी ये हिमाचल के, इसी प्रकार से काफ़ी आपको डिफरेंट डांस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फोक डांसेस ऑफ जम्मू प्रोवेंसेस की बात करें तो कुद डांस आपको यहाँ पे फेमस डांस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुद डांस की क्या स्पेशलिटी है इसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं, क्योंकि अगर बात करें कुद डांसेस की बात करें, ये स्टेट जम्मू कश्मीर की यूटी के अंदर परफॉर्म करा जाता है और इसको कुद डांस के नाम से भी जाना जाता है। बात करें ये
क्यों परफॉर्म करा जाता, जो लोकल देवताज होते हैं उनको यहाँ पे शुक्रिया अदा किया जाता, थैंक्स गिविंग रिचुअल है ये जो जम्मू के अंदर परफॉर्म करी जाती है। इट इज़ परफॉर्म मोस्टली इन नाइट्स, अगर आप बात करें ये मोस्टली नाइट्स के अंदर परफॉर्म करी जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको यंग पीपल जो है पार्टिसिपेट करते हैं और इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसके अंदर बात करें जो बीटिंग ऑफ ड्रम्स होती हैं और रैम जो होती है म्यूज़िक की, वो काफ़ी इस वाले डांस को डोमिनेट करती हैं। और उसके बाद डांसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म भी करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे ड्यूरिंग रेनी सीजन इसको जम्मू प्रोविंसेस के अंदर परफॉर्म किया जाता है, तो ये सबसे बड़ी बात है जो आप सभी को याद रखना है कि ड्यूरिंग विच सीजन कुछ डांस इज परफॉर्म इन जम्मू प्रोविंसेस, आपको याद रखना है ये रेनी सीजन के अंदर परफॉर्म करा जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये फार्मर्स और जो विलेजर्स होते हैं जो क्या करते हैं खेतों में काम करते हैं, फार्म्स में काम करते हैं, वो क्या करते हैं लोकल डिटी को क्या करते हैं, जो जिसको हम ग्राम देवता के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, ग्राम देवता के नाम से भी जानते हैं, इस प्रकार का आपको ये कुछ डांस देखने को मिलेगा। तो उसको क्या करते हैं, ये थैंक्स करते हैं, ताकि इसलिए थैंक्स करते हैं ताकि उन्होंने उनकी फसलों को बचाया। जैसे आप रेनी सीजन के अंदर कैटल्स की बात करें, मेज क्रॉप्स की बात करें, चिल्ड्रंस एंड फैमिली की बात करें, या दूसरी नेचुरल कैलामिटीज जो होती है उनसे ये बचाते, इसीलिए इस डांस परफॉर्मेंस को दिया जाता है। और इसमें लगभग आपको 20-30 नंबर्स के जो लोग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो डांस है मोस्टली जम्मू के अंदर परफॉर्म करा जाता है, और आपको ये याद रखना कि ड्यूरिंग रेनी सीजन इसको परफॉर्म किया जाता है, एंड इट इज डन बाय फार्मर्स टू थैंक गॉड, एंड इट जनरली कंटिन्यू टिल काफी लेट आवर्स तक ये रहता है। उसके बाद कुछ दूसरे डांसेस हैं जिनकी हम बात करेंगे, जैसे हिरन डांसेस की बात करें, ये ट्रेडिशनल थिएटर डांस है जो लोहड़ी फेस्टिवल के ऊपर यहाँ पे 10 से 15 मेंबर्स इस डांस को परफॉर्म करते हैं, और ये ज़्यादातर हिली रीजन सब जम्मू में परफॉर्म करा जाता है। उसके बाद गेतरू डांस है, ये ज़्यादातर डोगरी पहाड़ी रीजन के अंदर परफॉर्म करा जाता है। ये ज़्यादातर जो फीस्ट होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, मैरिजेस होते हैं, जो रूरल फॉल्क पार्टीज हैं उसके अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। डांडा रस की बात करें, ये भी एक डांस है जो लोहड़ी फेस्टिवल के ऊपर परफॉर्म करा जाता है, ज़्यादातर ये ग्रुप्स के अंदर परफॉर्म करा जाता है और एक दूसरे के हाथ पकड़ के इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, और या फिर एक दूसरे को स्टिक्स को कैरी करके हिट एक दूसरे के स्टिक्स के साथ स्टिक जुड़ाते, जिस तरीके से मीन्स यहाँ पे गरबा डांस किया जाता है या डांडिया रास किया जाता है, उसी प्रकार का ये भी आपको डांडा रास देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें डोगरी भांगड़ा की बात करें, जिस तरीके से पंजाबी भांगड़ा मचाते हैं उसी तरीके से हमारे जम्मू के डोगराज भी काफ़ी अच्छे तरीके से भांगड़ा परफॉर्मेंस देते हैं। ये डांस ऑफ पंजाब है भांगड़ा जो है, ये ज़्यादातर आपको आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन के आपको देखने को मिलेगा, जो एरियाज कन्फ्लुएंस किसके साथ करते हैं, पंजाब के साथ करते हैं, उसमें वहाँ पे इस रिचुअल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के ऊपर अलग अलग बार ये परफॉर्म किया जाता है, और इसके अंदर यहाँ पे हैंकरचीफ्स को हाथ में रख के भी एक सर्कुलर शेप में डांस किया जाता है, सर्कल में घूम के भी डांस किया जाता है विद द बीट ऑफ ड्रम। उसके बाद शिमनाई एंड जागरना भी जम्मू प्रोविंसेस के अंदर काफ़ी मशहूर है। इसको ज़्यादातर लेडीज़ जो होती हैं, ग्रूम्स लेडीज़ होती हैं, जब क्या होता है इन लॉज के घर से जब ग्रूम्स निकलते हैं, डिपार्चर होता है, उस टाइम पर इसको परफॉर्म किया जाता है, और ये ग्रुप ऑफ फीमेल्स के द्वारा इसको परफॉर्मेंस दी जाती है। लगभग 15-20 मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, और ये ट्रेडिशनल डांस है जो फीलिंग्स को शो करता है, इमोशन को शो करता है वुमेन फॉल का। उसके बाद बेंथी की बात करें, बेंथी डांस ये काफ़ी डांस है, ये चोरस सिंगिंग टाइप का एक डांस है जिसको स्पेशल जो कम्युनिटी है जिसको गुजर और बकरवाल ही परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर आपको 5-7 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद सुरमा की बात करें, ये डोगरी कम सॉन्ग कम डांस है। इसके अंदर आपको यहाँ पर जो न्यूली मैरिड गर्ल होती है, जब वो क्या करती है, उसका हस्बैंड अगर सपोज करो आर्मी के अंदर, जब वो घर से दूर हो तो उस में यहाँ पे इस डांस को परफॉर्मेंस दी जाती है, और ये यहाँ पे काफ़ी रिन्यूनियन जैसे काफ़ी समय के बाद अगर उनसे मुलाकात हुई तो उस टाइम पे इस परफॉर्मेंस को दिया जाता है, एज पर एज सोर्सेज जो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बक गवात्री कर्क मसादे ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर ये चोरस टाइप का ही एक सिंगिंग है जिसके अंदर डांस की परफॉर्मेंस भी दी जाती है अलॉन्ग विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद गवात्री की बात करें, एक सिंगिंग डांस है, कंबाइंड ट्रेडिशनल डांस है, जहाँ पे सिंगर्स हैं वो नरेट करते हैं और जो गवात्री डांसर्स हैं इसको परफॉर्म करते हैं। करक की बात करें, एक टेल बैलेट है, बैलेट का मतलब होता है जो इनसाइड जो मूवमेंट होती है बॉडी की उसको कहते हैं, जिसको आप जॉगीज के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक पॉपुलर फॉल्क टेल है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डांस स्टाइल है जो जम्मू के अंदर परफॉर्म की जाती है। अब यहाँ पे फॉल्क डांसेस ऑफ कश्मीर वैली की बात करें, तो यहाँ पे रॉफ डांसेस आपको देखने को मिलेगा, ये ट्रेडिशनल डांस काफ़ी मशहूर है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। बात करें यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट फेस्टिवल्स के ऊपर इसको परफॉर्म करा जाता है, जैसे ईद की बात करें, रमजान की बात करें, या दूसरे कुछ जो स्पेशल ओकेजन के डेज होते हैं वहाँ पे इसको परफॉर्मेंस दी जाती है। इसमें क्या होता है कि वुमेन आपस में एक दूसरे के सामने फेस टू फेस स्टैंड करती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से एक नोटेबल फीचर्स के साथ इसको क्या करते हैं परफॉर्म देते हैं, इसकी परफॉर्म देते हैं, और साथ साथ में जो डांसर्स होते हैं उनके पाँव काफ़ी इंपॉर्टेंटली मीन्स काफ़ी अच्छे तरीके से वो मैचिंग भी करते रहते हैं। बात करें यहाँ पे अगर मोस्ट नॉन डांस की बात करें इस रीजन के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर, वो क्या है, वो है रॉफ डांस। इसको रूफ भी कहा जाता है काफ़ी गाँव के अंदर, या इसको रो के नाम से भी जाना जाता है सिटीज़ के अंदर। इसीलिए ये जो सीज़न यानी कि सीज़न में ये डांस किया जाता है, स्प्रिंग सीजन के अंदर इस डांस की परफॉर्मेंस दी जाती है। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कश्मीरी पीपल का एक मीन्स काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है। उसके बाद है बच्चा नगमा डांस। यहाँ पे आपको बच्चा नगमा डांस आपको देखने को मिलेगा, ये परफॉर्म
कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे कल्चरल गैदरिंग होती है या कोई स्पेशल फंक्शन होता है वहाँ पे इसको परफॉर्म करा जाता है। पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट ये कश्मीर के अंदर कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो अफगानिस्तान से कश्मीर के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जिस तरीके से वेडिंग्स की बात करी या कोई स्पेशल फंक्शन की बात करी या कल्चरल गैदरिंग जहाँ पे होती है वो वहाँ पे ये परफॉर्मेंस दी जाती है। लेकिन ये बात याद रखना कि ओनली परफॉर्म्ड बाय बॉयज़, इसके अंदर गर्ल्स का पार्टिसिपेशन कम रहता है, रहता ही नहीं है, इसीलिए इसको ज़्यादातर किसके थ्रू परफॉर्म करा जाता है, बॉयज़ के थ्रू परफॉर्म करा जाता है। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स आप जो ड्रेसेस होते हैं वो बॉयज़ क्या करते हैं, वियर करते हैं, और ऐसा लगता है जिस तरीके से कथक डांसर होते हैं उसी प्रकार का इसका जो मीन्स अटारी होती है, जो पोशाकें होती हैं, जो ड्रेसेस होती हैं वो लगती हैं। इसको कई कई जगहों पे इसको बच्चा ग्यायून के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर 6 से 7 मेंबर से डांस के अंदर होते हैं और कोई एक्सटर्नल सिंगर इसके अंदर परफॉर्म नहीं करता है। आपको ये बात याद रखनी कि यहाँ पे एक चौरस टाइप की एक डांस परफॉर्मेंस दी जाती है। उसके बाद जो ड्रेसेस डांसर के द्वारा पहने जाते हैं वो कथक डांसर, ये मैंने आपको पहले बताया, कर रिजेंबल करते हैं और इसीलिए इसको बच्चा या यून के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है यंग हारमोनियस वॉइस। उसके बाद दुम्बेली या दुम्बेल डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस हो जाता है अगर बात करें कश्मीर रीजन के अंदर। ये ज़्यादातर परफॉर्म कहाँ पर किया जाता है, जो वातल कम्युनिटी के मेल्स हैं वहाँ पे, मेल्स ऑफ वातल कम्युनिटी इस डांस को परफॉर्म करते हैं, जो स्पेशल ओकेजन के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। बस इतना सा आपको याद रखना है, और कश्मीर के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर काफ़ी मेलोडियस वॉइस आपको देखने को मिलेगी, एक चौरस टाइप सिंगिंग कम डांस है। ये ड्रम को बीट किया जाता है जिसको आप नगाड़ा कहते हैं और सुरनाई को बजाया जाता है। ये ओनली परफॉर्म बाय मैन, ये आपको याद रखना है। और दुम्बेली डांस किसके साथ रिजेंबल करता है, यानी सेम है भांगड़ा डांस जो पंजाब का है, सेम उस प्रकार का ये डांस आपको देखने को मिलेगा। हफीज़ नगमा आपको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है, जो शादी के अवसर पे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, और ये कश्मीरी ट्रेडिशनल डांस भी है जो सूफियाना म्यूज़िक के साथ लगभग क्या करता है, मैच करता है। अगर बात करें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इसकी डांस के ऊपर बजाई जाती है जिसको आप संतूर कहते हैं, ये बात आप याद रखना कि हफीज़ जो नगमा डांस है इसके ऊपर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है जिसको संतूर कहते हैं। ये कम से कम इसके अंदर 100 स्ट्रिंग्स को यूज़ किया जाता है और स्टिक्स के साथ इसको बजाया जाता है। बात करें हफीज़ डांस की बात करें तो यहाँ पे जो सूफियाना है कलम फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है उसके थ्रू भी इसको परफॉर्म किया जाता है। अगर बात करें इस डांस की बात करें कश्मीर में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो ये याद रखना मुगल्स के द्वारा हफीज़ नगमा डांस को यहाँ पे कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सूफियाना म्यूज़िक की बात करें कश्मीर में कहाँ से आया था, तो ये सूफियाना म्यूज़िक ईरान से कश्मीर के अंदर आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बात मिल जाता है यहाँ पे, और काफ़ी डिफरेंट ईयर से काफ़ी सदियों से यहाँ पे कश्मीर के अंदर एज द क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म ऑफ कश्मीर ये प्ले करता है। इसके अंदर आपको मैंने कहा संतूर, सितार, कश्मीरी साज, वसूर और तबला जिसको कहते हैं वो परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद लड़ी शाह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कश्मीरी म्यूज़िक ट्रेडिशन है। लड़ी शाह की बात करिए एक स्पेशल सॉन्ग है जो क्या करता है, जो लोगों की प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस करी उसको ये दिखाता है और कुछ सोशल इवेंट्स को ये शो करता है। इसके अंदर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है जिसको आप क्या कहते हैं, धेरा, धेरा इज़ यूज्ड इन दिस लड़ी शाह। उसके बाद बैंड पाथर की बात करें, इसको बांध जश्न के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी सूथिंग डांस है, ये ज़्यादातर लाइट म्यूजिक के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, और 10 to 15 डांसर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं इस डांस को परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर कोई भी फीमेल एक्ट्रेस इसके अंदर पार्ट नहीं करती, तो आपको ये बात याद रखना है, और ज़्यादातर ये बॉयज़ के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। वेगू नचिन किसकी बात करें, तो ये एक रिचुअल डांस है जो वेडिंग्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, जब ब्राइड क्या करती है अपने पेरेंटल होम को क्या करती है, लीव करती है, उस टाइम पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ज़्यादातर ये कश्मीरी पंडित के अंदर जो फीमेल्स हैं उस डांस को काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से, यानी ब्राइडल रंगोली और डांसेस को परफॉर्म करती है। उसके बाद यहाँ पे हिकत डांस की बात करें, तो ये फॉल्क डांस है, ये दो गर्ल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस डांस की परफॉर्मेंस दी जाती है, और उसके बाद क्विक मूविंग की जाती है। उसके बाद है वेनवॉन, जिसको वेडिंग सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है, ये कश्मीर के अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस इसकी दी जाती है, और इसके बिना लगता है कि कश्मीर की जितनी भी मैरिजेस होती हैं इनकम्प्लीट मानी जाती है। ये सॉन्ग चौरस के अंदर गाया जाता है, टू ग्रुप्स ऑफ वुमेन जो होती हैं वो ब्राइड की तारीफ करती हैं, ग्रूम की तारीफ करती है, और उनको काफ़ी अच्छी शुभकामनाएं देती हैं उनकी फ्यूचर फैमिली और या फ्यूचर लाइफ के लिए। अब फॉल डांसेस ऑफ लद्दाख की बात करें, मैं सिर्फ यहाँ पे नाम बताने वाला हूँ और आपको याद रखना है। जैबरो की बात करें, ये चंगथंग और रोंग एरियाज जो है लद्दाख के वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद एली येटे की बात करें, तो ये शेफर्ड जो जस्कर रीजन के अंदर, लद्दाख रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और इसके अंदर आपको काफ़ी होम विद फ्लॉक्स देखने को मिलेंगे, ये पेकुलर डांस है लद्दाख का। दुर्गप्पा रचिस की बात करें, तो दर्ज वैली जो है वो उस रीजन के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है, द्रास रीजन के अंदर, ये जो गोरखन एरिया है या गोरखन एरिया है लद्दाख का, उसके अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर दमन और सुरना ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। याक डांस की बात करें, तो यहाँ पे ये याक डांस दो मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है याक के ऊपर, और यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट भी दी जाती है। डेविल डांस की बात करें, तो डेविल डांस की बात करें अगर हम, तो ये लास्ट डांस है, ये रिलीजियस एक्टिविटी इन लद्दाख है। अगर बात करें लामा मैजिशियन जो होते हैं इसको परफॉर्म करते हैं, और हेड लामा इसकी परमिशन जो होता है गोंपा की वो उसको लीड करता है, और ये माना जाता है कि ये जो लोगों के ऊपर से जो डेमन और डिवल का असर होता है उसको थोड़ा सा रिलीव करता है, कम करता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम जंप करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के ऊपर, लास्ट टॉपिक हमारा, इसके साथ ही हमारा मैराथन खत्म होगा। और अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 आवर आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। थैंक यू वेरी मच। कल्चर हेरिटेज साइट इन जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे हम अभी,
तो इस वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे उन प्लेसेस के बारे में खासकर हम जानने की कोशिश करेंगे जो प्लेसेस काफ़ी एक कल्चरल इम्पोर्टेंस रखते हैं या फिर रिलीजियस एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो कल्चर और हेरिटेज साइट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उन सभी की हम यहाँ पे बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बात करेंगे और डेफिनेटली मैं उन डिस्ट्रिक्स की भी बात करूँगा कि डिस्ट्रिक्स के अंदर ये जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, जो हेरिटेज साइट जिनको डिक्लेयर करा गया है या जो हेरिटेज साइट हैं या जो फिर रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे अगर आप बात करें बहू फोर्ट आ गया, रघुनाथ टेम्पल आ गया, माता वैष्णो देवी केव आ गया, अमरनाथ केव आ गई, इस प्रकार के काफ़ी यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट लोकेशन साइट्स आपको देखने को मिलेंगी जो हेरिटेज साइट को एक क्या करती है, इनरिच करती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अगर आपको इस वाले फेमस कल्चर हेरिटेज साइट को अगर अच्छे से एक डीप वे में पढ़ना है तो आप यहाँ पे इसी YouTube की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लिखा है कल्चरल हेरिटेज साइट इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एक टॉपिक है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर मैंने ये हेरिटेज साइट को काफ़ी ब्रीफ और एक इंट्रोडक्टिव तरीके से वहाँ पे मैंने आपको ये पढ़ाया है। एंड आई होप इफ़ यू विल गो देयर देन डेफिनेटली यू विल फाइंड यूजफुल फॉर यू, फ्रूटफुल फॉर यू, एंड डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट आउट फ्रॉम इट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भद्रवाह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। अब देखो यहाँ पे इसीलिए मैं टूरिस्ट स्पॉट को भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं टूरिस्ट स्पॉट के आसपास यहाँ पे हेरिटेज साइट भी हैं जो क्या करती हैं, इन्हें टूरिस्ट स्पॉट को बनाती हैं। बात करें अगर भद्रवाह की बात करें, शॉर्ट में पढ़ाऊँगा, इसको कहते हैं नागों की भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है, लैंड ऑफ स्नेक्स के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने जब आपको फेस्टिवल्स की बात करी थी वहाँ पे मैंने आपको एक फेस्टिवल पढ़ाया था जो खासकर किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रवाह रीजन में ही ज़्यादातर सेलिब्रेट करा जाता है, और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना अभी कि कौन सा वो फेस्टिवल था। बात करें भद्रवाह को, जो टाउन है इसको भद्रवाह नगर के नाम से भी जाना जाता है, अगर इसकी अगर आप एंशिएंट की बात करें या हिस्ट्री की बात करें इसको हिटारी नगर के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ का जो डोंगा नगर और उधो नगर, दो नगर जो थे, दो टाउन्स, उनको मिला के यहाँ पे हिटारी नगर इसको रखा गया था, और उससे पहले ये दो नगर हुआ करते थे। अब यहाँ पर आपको बताना कि उस टाइम पर बात करें ये जो ईस्ट, अगर यहाँ पे भद्रवाह की बात करें तो मैंने कहा था कि ये टूरिस्ट स्पॉट तभी बनते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे कल्चरल इंपॉर्टेंस रहती है। अगर बात करें यहाँ पे एक फोर्ट है जिसका नाम भद्रवाह फोर्ट है। अब ये किस राजा ने बनवाया था तो इसको जल्दी से हम जान लेते हैं। अगर बात करें भद्रवाह फोर्ट की बात करें तो ये 1733 ईस्वी में महाराजा पहाड़ सिंह जो थे उन्होंने इसको बनाया था। अगर आपको सीधा पूछा जाएगा भद्रवाह फोर्ट कहाँ पे है तो आपने ये बताना भद्रवाह, और भद्रवाह किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और बाद में इसको यहाँ पे ये जो फोर्ट था जो अंग्रेज़ों के टाइम थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए ये जेल बनाया गया था। अगर बात करें 1919 की बात करें, ये 1919 के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी, जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, और भी काफ़ी चीज़ें हुई थी। जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और लर्न करेंगे। चिंता वैली की बात करें तो ये भी यहाँ पे आपको भद्रवाह के आसपास ही मिलेगी। ये किसके लिए ज़्यादा मशहूर है, पैराग्लाइडिंग के लिए। देखो चिंता वैली आपको याद रखना है, भद्रवाह के अंदर ये आपको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पे सियोज मीडो एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो 10 किलोमीटर दूर है सिर्फ भद्रवाह से। बात करें यहाँ पे इसकी मान्यता ये है कि ये मीडो इस कैलाश कुंड के साथ में ये मीडो लगता है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक लेक आपको मिलेगी जहाँ पे माना ये जाता है कि यहाँ पे क्या है, ये जो कैलाश कुंड है एक लेक है जहाँ पे माना ये जाता है कि ये क्या है, निवास स्थान है भगवान शिव का। उसके बाद ज्यारत बंगला नाला, ये भी भद्रवाह के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। ज्यारत बंगला नाला ये आपको भद्रवाह के जो चिरला रेंज है, किस रेंज के अंदर, चिरला रेंज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। अब यहाँ पे मुगल मैदान अगर बात करें तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर चला गए हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी हैं, जैसे डोडा के अंदर अभी पदरी वगैरह था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन हम उनकी बात ना करते हुए उन्हीं इंपॉर्टेंट साइट की बात करते हैं इस मैराथन के अंदर जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुगल मैदान की बात करें तो इतना याद रखना है ये आपको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये मुगल्स के द्वारा यहाँ पे ये क्या करा गया था, बनवाया गया था। और बात करें मचेल वैली की बात करें तो आप सभी को पता है यहाँ पे एक चंडी माता का एक श्राइन है जिसको आप मचेल माता के नाम से भी जानते हैं। अभी अभी रिसेंटली यहाँ पे यात्रा चल रही थी और अभी अभी शायद ख़त्म हो गई है अभी तक। बात करें अगर चिंता वैली के साथ साथ जिस तरीके से मैंने भद्रवाह के अंदर देखा उसी तरीके से किश्तवाड़ के अंदर ये इंपॉर्टेंट वैली है जिसको मचेल वैली के नाम से या पाडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे दो प्रकार के आपको दो जो लोग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, एक बुद्धिस्ट और दूसरे ठाकुरस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो टेंपल है जो माँ की यहाँ पे क्या इडल्स है, पिंडी है, वो माना ये जाता है कि वो कि अपनी आँखों को झपझप करती है, मीन्स
फ्लिकरिंग करते हैं और उनकी जो ज्वेलरी है वहाँ पे वो क्या करती है, बजते हुए उसकी आवाज़ आती है। तो ये यहाँ पे दुर्गा श्राइन है, गॉडेस दुर्गा के श्राइन है। तो आपको याद रखना ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किला किश्तवाड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किला किश्तवाड़ यहाँ पे क्यों है, ये किसने बनवाया था, राजा कहान पॉल जो थे उन्होंने यहाँ पे ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ किश्तवाड़ टाउन के में ये बनवाया था। बात करें ये ओनली ए थ्रोन ऑफ स्टोन नाउ स्टैंड्स, यानी ये किसका जो थ्रोन है, जो राजगद्दी है किसकी बनी है, स्टोन की बनी है। और यहाँ पे आपको इसके पास आपको एक तोफ भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से पूरा किश्तवाड़ पूरा अच्छे तरीके से एक ब्यूटीफुल व्यू में दिखता है। उसके बाद दरगाह शाह असरारुद्दीन की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दरगाह है, ज़ियारत यहाँ पे एक दरगाह मानी जाती है, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इतना सा याद रखना है कि दरगाह शाह असरारुद्दीन ये कहाँ पे है, तो किश्तवाड़ के अंदर है। और इसको, इस श्राइन को लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे दरबारे असरारिया और अस्तानी एपियाँ। तो यहाँ पे इसको आप देख लें कि इसको किस नाम से, दूसरे नाम से जाना जाता है। उसके बाद दरगाह शाह फरुद्दीन बगदादी की बात करें तो ये भी आपको यहाँ पे कहाँ पे किश्तवाड़ के अंदर देखने को मिलेगा। और ये 17th सेंचुरी के अंदर ये बनाया गया था। और बात करें दरगाह शाह फरुद्दीन बगदादी की बात करें तो ये एक सूफी संत थे। माना ये जाता है कि जो इस्लाम है चिनाब वैली के अंदर किसने प्रोपोगेट करा था, तो दरगाह शाह फरुद्दीन बगदादी, जो फरुद्दीन बगदादी थे, उन्होंने चिनाब वैली के अंदर पहली बार इस्लाम को इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ पे दूसरे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलते हैं, जैसे नूनकुन आ गया, ब्रह्मा पीक आ गया, तो ये आपको उतना फोकस नहीं करना। उसके बाद तत्तापानी की बात करें तो ये, अब हम रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सल्फर स्प्रिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। माना ये जाता है कि इस पानी के अंदर काफ़ी हीलिंग पावर है, अगर आपको कोई डिजीज़ है या कोई आपको वॉन्ड है तो इसके अंदर काफ़ी हीलिंग पावर है जो क्यूरेट कर देती है। और ये आपको लगभग रामबन टाउन से 40 किलोमीटर दूर, अगर आप गूल शंगदानी वाली साइड बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये शंखपाल टेम्पल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रामबन में के सनासर एरिया के अंदर। अगर आप सनासर गए वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। तो माना ये जाता लगभग 400 साल पहले ये बनाया गया था। हाइस्ट पॉइंट ऑफ शंखपाल रिज की बात करें तो ये यहाँ से लगभग 3 आर, कितना, इट इज़ एट 5 आर डिस्टेंस फ्रॉम सनासर, यानी लगभग ये पहाड़ी पे है, लगभग 5 घंटे लगते हैं सनासर से भी यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ पे इसके अंदर एक खासियत ये है कि इसके अंदर कोई भी मोर्टार, यानी कोई भी ब्रिक मशीनरी का तो यूज़ किया गया या स्टोन मशीनरी का तो यूज़ किया गया, लेकिन कोई भी मोर्टार इन एडिसिव प्रॉपर्टी इसके अंदर कोई भी यूज़ नहीं किया। ये खाली का खाली किससे बना है, स्टोन से बना है। पोगल परिस्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे परिस्तान लगा तो इसका मतलब ये हेरिटेज साइट नहीं बनती, लेकिन हम इसके बारे में जानना है, इसको इतना जानना है कि इसको लैंड ऑफ फेरारीज कहा जाता है। ये आपको याद रखना कि परियों का देश अगर है तो वो पोगल परिस्तान है। इसमें आपको याद रखना ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। यहाँ पे ये जो पोगल परिस्तान जो है, ये दो वैलीज हैं जो यहाँ पे हैं। अगर बात करें परिस्तान, ये मुस्लिम फोल्कलोर से नाम निकला है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ परीज। और आप बात करें यहाँ पे पोगल इस दो वर्ड से निकला है, एक पोहो जिसका मतलब होता है मीन्स पोहो ए मंथ इन देसी, एक देसी महीना है। उसके बाद अगर कैलेंडर की गुल का मतलब फ्लावर की बात करें, इस तरीके से आपको याद रखना इतना पोगल परिस्तान का। दूसरा नाम क्या, लैंड ऑफ फरारीज के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है ये भी। अगर भीमगढ़ फोर्ट की बात करें तो ये किसने बनवाया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इसकी बात करें, ये राजा भीमदेव ने 8th सेंचुरी के अंदर बनवाया था। जो भीमगढ़ फोर्ट था, राजा भीमदेव ने 8th सेंचुरी के अंदर बनवाया था। अगर आप रियासी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो डेफिनेटली यू नो अबाउट दिस फोर्ट इन वेरी ब्रीफ डिटेल। बात करें यहाँ पे, ये रियासी के डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, जो अगर आप बात करें बस स्टैंड है जो रियासी को, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। लगभग अगर जम्मू से बात करें 64 किलोमीटर आपको नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये क्ले से कंस्ट्रक्ट करवाया गया, लगभग इसकी जो हाइट है 150 मीटर ये ऊंचा है, थोड़ा सा ऊपर आपको मीडो के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद पहले जब राजा भीमदेव ने इसकी 8th सेंचुरी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट करी थी, उसके बाद महाराजा रिशपाल राणा जो थे, उन्होंने जो फाउंडर ऑफ रियासी भी माने जाते, इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करा था और उसके अंदर क्या लगाए थे, स्टोन्स को लगाया था। उसके बाद इसकी रेनोवेशन महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा 1817 यानी लगभग 19th सेंचुरी के अंदर इसकी कही गई थी। और यहाँ पे नया एक गेट बनाया गया था, जो गेट बलूका स्टोन से बनवाया गया था, जो राजस्थानी कार्विंग जिसके ऊपर थी उस स्टोन से ये गेट को बनवाया गया था। बात करें इस फोर्ट के अंदर, यहाँ पे आपको महाकाली का टेम्पल और हनुमान की एक मूर्ति, एक स्टैचू आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बाबा अगर जीतो की बात करें तो पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि बाबा अगर जीतो जो थे वो एक स्पिरिचुअल डिवोटी थे, जिन्होंने एक लैंड टैक्स का काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर इम्प्रेशन यानी इम्पैक्ट पड़ा था और उन्होंने सुसाइड कर दिया था। और उनकी एक क्या थी, एक बेटी थी जिन्होंने उनके साथ ही क्या कर दिया था, अपने आप को भी अग्नि में जला दिया था।
बात करें ये यहाँ पे एक स्पिरिचुअल डिवोटी थे किसके, माता वैष्णो देवी के, एक फार्मर थे जिन्होंने सेक्रीफाइस करा था क्योंकि उनके जो एग्रीकल्चरल राइट थे उनकी हानि हो रही थी, उनका हनन करा जा रहा था, और किसके द्वारा, जो जागीरदार वीर सिंह थे उनके द्वारा, और लास्ट में जाके उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने एक सुसाइड कर दिया था, और इसीलिए उसके बाद इसको एक सेक्रीफाइड प्लेस माना जाता, जिसके लिए जो माना ये जाता जिन्होंने फार्मर्स के लिए मीन्स किसी के आगे घुटने ना टेके और अपनी जान को निछावर कर दिया। यहाँ पे बाबा जीतू की एक स्टेचू बनी है, ये लगभग रोड साइड में ही बनी है, आपको जब आप रियासी से कटरा की ओर ट्रैवल करते तो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे सियार बाबा वाटरफॉल, ये भी आपको रियासी के अंदर देखने को मिलता है, और ये सिचुएटेड ऑन द चिनाब रिवर, इस रिवर पे सियार बाबा वाटरफॉल है। तो ये कोटला विलेज जो रियासी डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बात करें लगभग ये 52.8 किलोमीटर ये रियासी कस्बे से दूर है और सोच साइड में है। अगर बात करें यहाँ पे लगभग जो वाटर का फॉल बनता है लगभग 30.48 मीटर्स का, यानी 100 फीट का ये वाटरफॉल बनता है। उसके बाद शिव खोड़ी काफ़ी फेमस रिलीजियस प्लेस है, शिवखोड़ी अगर बात करें हिंदू कम्युनिटी के लिए, ये क्या एक फेमस श्राइन है, केव श्राइन है हिंदूज के लिए, जो किसको डेडिकेट है, यानी डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है, और यासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है। अब बात करें जिस विलेज के अंदर शिवखोड़ी पड़ता है, उस विलेज का नाम है संगर विलेज, ये बात आप याद रखें। संगर विलेज कहाँ पर, यासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ पर 4 फीट का एक क्या है, शिवलिंग है, ये आपको याद रखना। और इसकी अगर शेप बात करें, ये ढमरू जो भगवान शिव का जो ढमरू है उसकी शेप का आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन की बात करें, जो एक शक्तिपीठ है, 108 जो शक्तिपीठ उनमें से एक शक्तिपीठ आज आपको देखने को मिलते हैं, जो माता वैष्णो देवी को मिस क्या है यहाँ पे देखने को मिलेगा, हम डेडिकेट करते हैं। ये ओल्डेस्ट श्राइन माना जाता है, ये क्या है, ओल्डेस्ट श्राइन माना जाता है। तो उसके अंदर से ये एक पीठ है जो 108 शक्तिपीठाज हैं, उसके अंदर से माता वैष्णो देवी श्राइन जो है आपको देखने को मिलेगी। ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये आपको यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और त्रिकुटा हिल्स जो एक शिवालिक रेंज है वहाँ पे आपको देखने को मीलेगा। लगभग जो अबोर्ड है माता का मीन्स यहाँ पे एक केव है जो 100 फीट लॉन्ग केव आपको देखने को मिली, और छोटी सी ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 3 पिंडीज है, माता सरस्वती की, माता लक्ष्मी की और माता काली की, आपको यहाँ पे क्या है एक 3 पिंडीज आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें माता सरस्वती की, ये क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें माता लक्ष्मी की बात करें, ये प्रिजर्वेटिव है। और अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो जो सुपर पावर है वो काली माता को यहाँ पे कंसीडर करा जाता है। अब दुर्गा को ये शक्ति पीठास क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं, और उनमें से एक वैष्णो देवी भी हैं। तो ये आपको ये याद रखना, सिंपल से ये बात आपको ये याद रखना है। बात करें नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे वैष्णो देवी जो टेम्पल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसको काफ़ी डेकोरेट करा जाता है, और इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो विजिटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स यहाँ पे आते हैं, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया जाता है, और इट इज़ नोन एज द वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया के हिसाब से भी इसको जाना जाता है। अगर एक ऑथर थे जिनका नाम माइकल बर्निट थे और जेंसी ग्रॉसटीन थे, उन्होंने कहा था कि माता वैष्णो देवी जो श्राइन है जम्मू के अंदर, वो एनुअल रिसिप्ट ऑफ अबाउट $16 मिलियन यहाँ पे इनकी एनुअल जो यहाँ पे भेंट चढ़ती है वो बन जाती है, जो ऑफरिंग जो डिवोटीज के द्वारा दी जाती है। यहाँ पे आपको गुरु गोविंद सिंह और विवेकानंद थे, उन्होंने भी इस टेंपल के अंदर विजिट करा था। अगर आपको पूछा जाए जम्मू कश्मीर के किस टेंपल के अंदर गुरु गोविंद सिंह और विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने विजिट करा था, तो वो कौन थे, माता वैष्णो देवी जो टेंपल है उसके अंदर। उसके बाद बाबा धनसर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बाबा धनसर जो कारो झील है, एक पौंड है जो कटरा के कौरा विलेज कोरा है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लगभग 17 किलोमीटर दूर है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट से। बात करें यहाँ पे माना ये जाता है कि जो जब अमरनाथ केव के लिए भगवान शिव जी जा रहे थे, उन्होंने पार्वती को यहाँ पे एक अमर कहानी सुनाई थी, और ही लेफ्ट हिज सर्पेंट किंग, और उन्होंने अपना जो नाग था वो वहाँ पे छोड़ दिया था, शीशनाग और सर्पेंट किंग, शीशनाग एट अनंतनाग पे छोड़ दिया था, और शीशनाग केम इन द ह्यूमन फॉर्म एज वासुदेव। उसके बाद जो शीशनाग थे वो ह्यूमन फॉर्म में आए थे, जो वासुदेव के नाम से जाने जाए थे, और वन ऑफ द सन ऑफ वासुदेव वाज धनसर, और उन्हीं वासुदेव का जो एक सन था उनका नाम धनसर है, जो एक सेंटली पर्सन थे, जो बाबा धनसर के नाम से बाद में जाना जाते हैं। माना ये जाता है कि एंशियंट टाइम यहाँ पे डैमन रहा करता था इस झील के पास, जिसने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, और बाबा धनसर ने यहाँ पे डैमन को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। इतना सा आपको ये याद रखना है, और ये स्केर्ड प्लेस भी माना जाता है। उसके बाद किरमिची टेम्पल्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। किरमिची टेम्पल की बात करें तो ओल्डेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्सेस अगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके अंदर आपको 4 लार्ज एंड 3 स्मॉल टेम्पल्स जो डेडिकेट लॉर्ड शिवा को करते वो आपको देखने को मिलेंगे।
इसका जो आर्किटेक्ट है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है वो इंडो ग्रीक आर्किटेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग 11th और 12th सेंचुरी के अंदर बनवाया गया था। और लोकली लोग जो है उसको पांडव टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये माना यह जाता है कि जो राजा किचक थे, आपने देखा होगा महाभारत, उसके अंदर राजा किचक की भी स्टोरी दिखाई गई है, जो राजा किचक थे महाभारत के, उन्होंने इस स्टोन जो किर्मी स्टोन था उसको बनवाया था और उसके अपना किंगडम भी घोषित करा था। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की बात करें तो ये आपको चनैनी नाशी टनल, आप अगर आप ट्रेवल करा अभी आपने, अगर आप डोडा रामबन या श्रीनगर आप ट्रेवल करें उधमपुर से जम्मू से, तो आपने डेफिनेटली इस टनल को क्रॉस करा होगा। अभी तक का ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है, बाद में अभी यहाँ पे जो दूसरा टनल बना है जुजिला पास जो बना है, वो जुजिला जो टनल है वो उसको क्या कहते हैं अटल टनल, और जुजिला टनल जो अभी बनने जा रहा है जुजिला टनल, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट रोड टनल। अगर अभी तक की बात करें इसकी लेंथ की 9.28 है और इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से दिया गया है। लगभग ये धूमपुर टू रामबन को कनेक्ट करता है, और किस डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, धूमपुर को रामबन को ये कनेक्ट करता है, और लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये क्या करता है, ये किस हाईवे पे है, तो NH44 पे, ये आपको याद रखना है। पिंगला देवी श्राइन की बात करें तो ये स्मॉल केव है जो जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बोलते हैं शक्ति रखी गई है जो पिंडी रूप में है। बात करें ये मोर देन 500 पीपल ए टाइम एक साथ यहाँ पे इसके दर्शन कर सकते हैं, ये भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बाबोर टेम्पल की बात करें तो ये 6 टेम्पल्स हैं विच 3 आर विजिबल्स एंड विजिटेड बाई डिवोटीज, इसमें से 3 दिखते हैं और उसमें से लोग वहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं वो जाते हैं, और ये लॉर्ड शिवा और पार्वती को डेडिकेट करता है। बाबोर टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। बिलो की पौड़ी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चनैनी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये माना यह जाता था कि ये 400 स्टेप मीन्स एक सीढ़ी की टाइप बनाया गया था रॉक के अंदर, ताकि चनैनी से जो शॉर्टकट बनाया जाए बटोत को कनेक्ट करने के लिए। सुध महादेव इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और काफ़ी इसकी मान्यता भी है, जो बात करें हिस्ट्री के अंदर भी इसकी काफ़ी मान्यता है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बात करें ये चनैनी तहसील आप डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर मीन्स यहाँ पे है, बात करें 2800 ईयर्स ओल्ड टेम्पल ये है, माना यह जाता है। सुध महादेव यहाँ पे अगर बात करें 50 किलोमीटर उधमपुर से दूर है। बात करें यहाँ पे शिव टेम्पल है जो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, और यहाँ पे श्राइन डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और लगभग इसकी जो हाइट है मिनसी लेवल से 1225 मीटर आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये मैंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर काफ़ी कवर करा, एक बार स्क्रीनशॉट लें, टाइम है तो आपको इसको पढ़ लें। मानतलाई टेम्पल की बात करें तो वह आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, लगभग इसकी जो हाइट एलिवेशन है 1450 मीटर आपको देखने को मिलेगी, और जो देवदार ट्री से काफ़ी ढका हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे माता पार्वती ने वज बर्न, माता पार्वती बर्न हुए थे और मैरिड, और यहीं पे उन्होंने क्या करा था, भगवान शिव से शादी भी की थी। द प्लेस वेयर माता पार्वती वज बर्न एंड मैरिड लॉर्ड शिवा, तो ये आपको याद रखना है रिलेटेड टू वेडिंग। और यहाँ पे काफ़ी जो रॉक्स हैं उनके अंदर ये डिपिक्शन भी करी गई है। और एक बार अगर बात करें 1994 की बात करें, उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थे मीन्स योगिक मेंटर थे जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के, तो उनका नाम जो था मीन्स धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो थे, उनका एयर क्रैश के अंदर यहाँ पे निधन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बात करें श्री रघुनाथ टेम्पल की बात करें तो रघुनाथ टेम्पल जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसको हार्ट ऑफ जम्मू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स है जिसके अंदर 7 श्राइन्स आपको देखने को मिलेगी नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्दर्न इंडिया की 7 श्राइन्स हैं उनमें ये एक टेम्पल है। ये डेडिकेट किसको करता है, लॉर्ड रामा को करता है, विष्णु अवतार जो थे उनको डेडिकेट करता है। बात करें रघुनाथ टेम्पल को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो फर्स्ट डोगरा रूलर जो थे महाराजा गुलाब सिंह ने रघुनाथ टेम्पल को बनवाया था, और कब बनाया था, 1835 के अंदर यानी 19th सेंचुरी के अंदर इसको बनवाया था। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के जो बेटे हुए महाराजा रणवीर सिंह, उन्होंने इसको कंप्लीट करा था 1860 के अंदर, जो एक डोगरा रूलर थे। इसका अगर आप डोम शेप करें तो स्पाइरल शेप टावर आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर आपको गोल्ड प्लेटेड स्पायर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, और यहाँ पे रामायण महाभारत भगवत गीता जैसे आपको यहाँ पे रिसाइटेशंस आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, स्कूल है, जिसके अंदर आपको लगभग 600 मैनुस्क्रिप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर जो लिखे गए हैं। और यहाँ पे आपको शारदा स्क्रिप्ट जो संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स है वो भी इसकी नोटेबल कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। रणबीरेश्वर टेम्पल की अगर बात करें तो ये आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, और जो शालामार रोड है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर आपने अभी जम्मू रिसेंटली विजिट करा होगा, जो वहाँ पे आप शालामार हॉस्पिटल जाते हैं उसके ही थोड़ा सा अगर आप नॉर्दर्न साइड की ओर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर रोड पे रोड ही रोड जाएंगे, तो आपको वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा।
ये रणबीरेश्वर टेम्पल किसको डेडिकेट करता है, तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता है। और ये महाराजा रणबीर सिंह ने 1883 के अंदर इसको बनवाया था। बात करें यहाँ पे, आपको 8 फीट टॉल शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा जो ब्लैक मार्बल से बना हुआ है। और यहाँ पे आपको ये सेंट्रल स्कैंटियम जो गर्भ ग्रह होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें रणबीरेश्वर टेम्पल की बात करें, तो यहाँ पे 12 शिवलिंग्स आपको देखने को मिलते हैं जो क्रिस्टल्स के भी बने हुए हैं, और लगभग इनकी जो हाइट है 15 से लेकर 38 सेंटीमीटर इनकी आपको हाइट देखने को मिलती है। अगर बात करें इसकी गैलरी की बात करें, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे 1.25 लाख बौना लिंगम्स ये शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे जो नर्मदा रिवर से लाए गए हैं। और यहाँ पे गणेश और कार्तिकेय की भी यहाँ पे आपको मूर्ति आपको देखने को मिलती है, और नंदी जो बुल था, जो बेल था, वहाँ पे उसको देखने को मिलता है। इसके साथ यहाँ पे आपको यशोकर्ण पार्क आपको इसके अंदर प्रीमिसेस के अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद है पंचवक्तार टेम्पल की बात करें, तो ये राजा गूड सिंह जो थे जम्मू के, उन्होंने बनवाया था। और ये कब बना था, 1687 और 1703 के बीच में जो राजा गूड सिंह थे जम्मू के, उन्होंने पंचवक्तार टेम्पल को बनाया था। और ये ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है मीन्स जम्मू का। अगर आप फोर्ट की बात करें तो ओल्डेस्ट फोर्ट बहू फोर्ट है। अगर टेम्पल की बात करें तो पंचवक्तार टेम्पल को मान्यता मिली है कि ये ओल्डेस्ट टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर का। लगभग ये बात मानी जाती है कि इस टेम्पल को जो शुक्राचार्य थे, यानी शंकराचार्य जिनको आप कहते हैं, उनके द्वारा 9th सेंचुरी के अंदर इसको विजिट करा गया था, पंचवक्तार टेम्पल को। और यहाँ पे उसके बाद काफ़ी देर बाद इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया गया है। और यहाँ पे आपको सेल्फ ओरिजिनेट शिवलिंग आपको देखने को मिलता है, जिसको स्वयंभुआ शिवलिंग कहते हैं, मीन्स खुद ही प्रकट हुए शिवलिंग कहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट शिव श्राइन है जो आपको सिटी के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको वर्शिप की बात करें तो स्वच्छदानंद फ्रॉम हैविंग 5 फेसेस, क्योंकि इसको स्वच्छदानंद नंदा के हिसाब से भी देखा जाता है। और इसके 5 मुख आपको देखने को मिलते हैं जो टोटली शिव, लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनकी जो दूसरी रूप है, जो उनके दूसरे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, उनको यहाँ पे ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए इस टेम्पल को पंचवक्ता टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे रुपया वाला मंदिर भी इसको ही कहा जाता है, ये बात याद रखनी है। ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर JKSSB ने पूछा है, विच टेम्पल इज नोन एज रुपये वाला मंदिर, तो पंचवक्ता टेम्पल आपको याद रखना है, एज कॉइन्स बीन एम्बेडेड इन द फ्लोर स्लैब्स। और यहाँ पे आपको कॉइन्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो एम्बेड मिक्स करे गए हैं, जो फ्लोर है इसका, उसके स्लैब्स के अंदर। उसके बाद पीर खो की बात करें, तो राजा बीराम देव ने जम्मू के जो राजा थे 1454 से लेकर 95 तक, उन्होंने यहाँ पे पीर खो टेम्पल को बनाया है। ये जोगी गुरु गरीबनाथ जो थे, जो गुरु गोरखनाथ के मीन्स ऑर्डर केम टू जम्मू, उनके ऑर्डर से यहाँ पे जम्मू में जो आए थे, जो गुरु गोरखनाथ के आदेश के अनुसार यहाँ पे जो जोगी गुरु गरीबनाथ थे वो जम्मू आए थे, और वो पीर खो पे क्या कहते थे रहते थे। उनका निवास स्थान जो था वो पीर खो में था। खो मीन्स होता है केव, जो लोकल डायलैक्ट है। अगर बात करें पीरे खो के नाम से इसको जाना जाता है, और इसी से इसका नाम भी पड़ गया। अगर बात करें टेम्पल की कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इसके टेम्पल के जो कंस्ट्रक्शन राजा अजय देव ने करी थी, और राजा भीमराव देव के टाइम पे इस पीरखो की स्थापना हुई थी। बात करें इसको जावंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है, और जावंत आपको पता है एक बियर हीरो था, रामायण के अंदर आपको काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। और उन्होंने यहाँ पे इस गुफा के अंदर माना यह जाता है कि उन्होंने क्या किया था, मेडिटेशन करी थी, तपस्या करी थी। और यहाँ पे आपको इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग आपको देखने को मिलता है। और पूर्णमासी और अमावस्या को या एकादशी के दिन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मीन्स क्या रहती है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ भी जाती है, और यहाँ पे लोग आते रहते हैं। और ज़्यादातर शिवरात्रि के दिन यहाँ पे एक मेला भी ऑर्गेनाइज होता है। लगभग ये सर्कुलर रोड है, ये 2 किलोमीटर जो रघुनाथ बाजार है वहाँ से आपको दूर देखने को मिलता है। उसके बाद बहू फोर्ट की बात करें, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो यही टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और इसी के साथ साथ आपको इनकी हेरिटेज का भी पता लग जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तभी बनता है जब इसके अंदर कुछ मान्यता, कोई खासियत है। तो बहू फोर्ट की बात करें, तो राजा बहुलोचन ने यहाँ पे ये बैंक ऑफ रवि तवी के किनारे पे बनवाया था, और इसको रेनोवेट महाराजा गुलाब सिंह ने करा था, और उनके जो हीयर्स थे, वारिस थे, उन्होंने इसको दोबारा से रेनोवेट करा है। अब बावे वाली माता के नाम से भी इनको जाना जाता, जो काली माता का मंदिर है इस फोर्ट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट शक्ति श्राइन है जम्मू रीजन का। और बात करें तो यहाँ पे जो टेम्पल इस बहू फोर्ट के इनसाइड आपको देखने को मिलता है, जो महाराजा गुलाब सिंह ने 1822 ईस्वी में बनवाया था। माता काली का टेम्पल है, महाकाली टेम्पल है, और यहाँ पे जो सिटी ऑफ जम्मू के अंदर है। बात करें इस श्राइन को, सेकंड श्राइन मीन सेकंड ओनली टू, जब अगर बात करें पहले तो माता वैष्णो देवी के बाद दूसरी
सबसे इंपॉर्टेंट श्राइन इसको कंसिडर करा जाता है। और यहाँ पे 9 डे नवरात्रा फेयर भी नवरात्रि के टाइम पे कंडक्ट होता है। और यहाँ पे एक पार्क भी है, गार्डन भी है, जिसको बागे बहु पार्क के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम इन इंडिया जो है वो इसी पार्क के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद महामाया टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी जम्मू के अंदर ही है, इतना सा आपको याद रखना है। यहाँ पे माता की पिंडी के फॉर्म में यहाँ पे माता विराजमान है ऐसा माना जाता है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इतने से याद रखना कि महाराजा रणवीर सिंह ने करवाए थे कब, अराउंड 1400 ईयर्स अगो की बात करें तो तब इसकी मीन्स यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई थी महाराजा रणवीर सिंह जी के द्वारा हुई थी। लगभग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1400 साल पहले जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिनका नाम महामाया था, वो डोगरा डायनेस्टी से ताल्लुकात रखते थे। उन्होंने अपनी लाइफ को मीन्स वो एक लेडीज़ थे और उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करा था जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनसे लड़ाई करते हुए, तब से यहाँ पे इसका नाम महामाया टेंपल ही रखा गया। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। पीर मिठा ज़ियारत की बात करें, इसको स्वीट पीर दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ये पीर मिठा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो टॉम्ब है पीर मिठा का, इंटीरियर ऑफ द ओल्ड जो जम्मू सिटी है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसको 15th century AD के अंदर जो सईद कुतुल आलम थे जो जम्मू आए हुए थे फ्राम स्वाजवार, ये हिंदू मुस्लिम एक एरिया स्वाजवार आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ये कहाँ का है, तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग यहाँ पे इनके फॉलोअर्स हैं और यहाँ पे आते रहते थे। बात मानी ये जाती है कि उस टाइम के जो राजा देव थे उन्होंने 1423 से लेकर जो 1454 ईस्वी तक राज करा था उस टाइम पर ये चीज़ हुई थी। उसके बाद यहाँ पर शुगर जो स्वीट्स उनकी फेवरेट हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ पर इनको लोग गिफ्ट भी किया करते थे और आज भी यहाँ पे चढ़ाया जाता है। उनको स्वीट स्पोक पर्सन के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए इनको पीर मिठा के नाम से भी जाना जाता है। पीर बुधान अली शाह की बात करें तो ये पीर बुधान अली शाह, ये सतवारी जो जम्मू एयरपोर्ट के लिए आपको रोड देखने को मिलेगा सतवारी के आसपास, ये पीर बुधान अली शाह आपको देखने को मिलेगा और इसको पीर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें पीर बाबा की बात करें तो ये क्लोज़ फ्रेंड थे किसके, गुरु नानक देव जी के, ये पीर बुधान अली शाह थे वो एक क्लोज़ फ्रेंड थे। बात करें ये ही वॉज बर्न तलवंडी गांव में इनकी पैदा हुए थे जो 15th century AD के अंदर इनकी मीन्स बर्थ डेट है। अगर बात करें ये बैचलर और वेजिटेरियन थे और इनके काफ़ी दूसरे भी भक्त जन थे। बात करें ज़्यादातर ये मिल्क के ही ऊपर ज़्यादातर उसको पी के रहते थे। अगर बात करें इनके श्राइन की बात करें तो दूसरी श्राइन इनकी अनंतपुर साहिब पंजाब के अंदर आपको पीर बुधान अली शाह की श्राइन आपको देखने को मिलेगी। तो हर थर्सडे को यहाँ पे क्या लगता है डिवोटीज आते हैं और ये मान्यता भी एक थर्सडे को अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस भीड़ रहती है इस श्राइन के अंदर। उसके बाद पीर रोशन शाह वली की बात करें, ये एक मुस्लिम श्राइन है, आपको ये याद रखना है। पीर रोशन वली ये गुमत जो हार्ट ऑफ जम्मू सिटी है रघुनाथ टेम्पल के पास, यहाँ पे पीर रोशन शाह वली आपको देखने को मिलेगा। ये एक मकबरा जिसको हम मसोलियम कहते हैं जो शाह वली जी का वहाँ पे बनवाया गया है। माना यह जाता है कि जो पीर रोशन शाह वली थे वो अरब से आए थे, इन अरबिया से आए थे और कहाँ कब जो 1648 समावत है कैलेंडर है उस टाइम पर ये आए थे और यहाँ पर जंगल हुआ करता था और उस जंगल में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। उसके बाद उनके डेथ के बाद यहाँ पे इसको एक मकबरे की शेप दिया गया, मसोलियम की शेप दिया गया और रेजिडेंस ऑफ पीर्स और यहाँ पे दूसरे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं पायस मैन है वो भी रहने लगे। ओरिजिनल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टोन से बना हुआ था लेकिन दोबारा इसको महाराजा रणवीर सिंह जी के द्वारा इसको बिल्ड करा गया था। तो पीर रोशन शाह वली जो उनका मकबरा है मसोलियम है वो किसने बनवाया है, तो महाराजा रणवीर सिंह ने बनवाया था। अगर पीर रोशन शाह की बात करें काफ़ी टॉल पर्सन थे इसीलिए उनको पीर नाव गजिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी 9 फिट टॉल पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो हु इज़ नोन एज द 9 फुट टॉल पीर, तो वो आपको याद रखना पीर रोशन शाह वली, इनको पीर नो गजिया के नाम से भी जाना जाता था। अमर महल पैलेस की बात करें तो ये राजा अमर सिंह जी ने बनवाया था, ये फ्रेंच आर्किटेक्चर यहाँ पर इसके अंदर यूज़ हुआ है। बात करें इसको अभी म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट करा गया है, ये गोल्ड क्राउन है इसके आपको देखने को मिलेगी, लगभग 120 kg आपको यहाँ पर इसका वेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पहाड़ी पेंटिंग्स देखने को मिलती है, कांगड़ा मिनिएचर आपको देखने को मिलते हैं, लगभग इसके अंदर 25,000 बुक्स की कलेक्शन आपको देखने को मिलेगी। अम्बरान की बात करें तो ये एंशियंट बुद्धिस्ट मोनेस्टिक साइट है जो आप अखनूर के अंदर आपको देखने को मिलेगी और लोकली जो लोग हैं इसको पम्बरान के नाम से जानते हैं, जो राइट बैंक ऑफ रिवर चिनाब पे आपको देखने को मिलती है। अमर महल पैलेस जम्मू के अंदर आपको देखने को मिलता है। अम्बरान की बात करें तो ये अखनूर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो राइट बैंक ऑफ रिवर चिनाब है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये एक बुद्धिस्ट साइट है, ये आपको याद रखना है, ये एक्सक्वेट करी गई है, बुद्धिस्ट साइट है।
उसके बाद कलहूरी देवी टेम्पल की बात करें, कलहूरी देवी टेम्पल की बात करें, ये लगभग 1889 से लेके 90 एडी के अंदर बनवाया गया था। जो रानी शुभा देवी थी, जो कलूर स्टेट के थे, जो वाइफ थे किसके, महाराजा रणबीर सिंह जी की जो वाइफ थे, उन्होंने यहाँ पे कलहूरी देवी टेम्पल की स्थापना करी थी, तब इसका नाम कलहूरी भी पड़ा है। उन्होंने यहाँ पे इसलिए इसका नाम कलहूरी पड़ा है। इस टेम्पल के अंदर यहाँ पे भगवान राम की आपको मूर्ति देखने को मिलती है, सीता की आपको देखने को, दूसरी साइड की बात करें शिव पार्वती की जो मूर्तियाँ वो आपको देखने को मिलती हैं। बात करें ये सर्कल रोड से लगभग आधा किलोमीटर दूर है, जो पीरखो टेम्पल के साथ में आपको ये देखने को मिलेगा, और जो जम्मू में रहते हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से इसके पता होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और कल्चर हेरिटेज साइट की बात करें तो रामतलाई टेम्पल आपको देखने को मिलता है, राधा कृष्ण रुक्मणी टेम्पल आपको देखने को मिलता है, पंचतीर्थी टेम्पल आपको देखने को मिलता है, सरदारन टेम्पल आपको देखने को मिलता है, राधा श्याम टेम्पल, आप बिलो मंदिर जिसको कहते हैं वो आपको देखने को मिलता है, सत्यनारायण टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, बनवारी दास टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, शिवनभ टेम्पल, गदाधर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, और दुधाधारी टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे जम्मू के अंदर हैं। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो अगर आप बात करें गुरुद्वारा सुंदर सिंह आपको देखने को मिलेगा, गुरुद्वारा छत्ती पातशाही तालीश साहिब आपको देखने को मिलेगा, और कलगीधर ये गुरुद्वारा रिहाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जम्मू का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपको ये इसको माना जाता है। अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, कठुआ की बात करें, तो अब मैंने आपको कहा कि आप एक बार उसको भी देख लें। यहाँ पे बात करें बनी, यहाँ पे आप एक जगह का नाम देखने को मिलेगा कठुआ के अंदर, जिसको लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रखना, लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से किस जगह को जाना जाता है, बनी, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे लगभग ये 4200 फीट ऊंची है, अगर बात करें लॉफ्टी माउंटेंस के ऊपर ये लोकेट है। अब यहाँ पे रिवर जो टॉन बनी है, ये रिवर एक सेवा है, वहाँ पे आपको इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा। इसको मनी कश्मीर ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे बंजल, चंडेल, भूंद दूसरे फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं आपको कठुआ के अंदर, इस बनी विलेज के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पुरथू बीच है, इसने काफ़ी टूरिस्ट जो पॉपुलरिटी है वो गेन करी है कुछ ही टाइम के अंदर। ये इसलिए है क्योंकि यह यहाँ पे काफ़ी, जिस तरीके का आपको गोवा के बीचेस दिखते हैं, सेम उसी तरीके से आपको ये बीचेस भी आपको देखने को मिलते हैं। ये एक आर्टिफिशियल बीच बनाया गया था, जो राइट बैंक ऑफ रवि, रिवर रवि के ऊपर बसोली के अंदर इसको बनाया गया। तो ये आपको याद रखना, पुरथू बीच यहाँ पे आपको रवि रिवर के साथ राइट बैंक पे देखने को मिलता है, जो बसोली के अंदर है। ये ब्यूटीफुल जो बीच था, इसके अंदर यहाँ पे रंजीत सागर डैम है, जो उसका वाटर बैक वाटर है, जो पानी वहाँ पे रुकता है उससे यह बनवाया गया, और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टूरिस्ट स्पॉट और यहाँ पे एक प्लेस बन गया है। सुकराला माता मंदिर की बात करें तो ये भी फेमस एक यहाँ पे श्राइन है, जो सुकराला देवी श्राइन को डेडिकेट करता है। लगभग ये बिलावर के आसपास है, आपको ये कठुआ से लगभग 75 किलोमीटर आपको दूर देखने को मिलता है, और लगभग 3500 फीट यहाँ पे मीन सी लेवल से इसकी हाइट है। ये सुकराला माता की बात करें तो इसको एल्डर सिस्टर ऑफ माता वैष्णो देवी जी भी कहा जाता है, यानी इनको बड़ी बहन माता वैष्णो देवी की कहा जाता है। और यहाँ पे मल देवी का भी आपको यहाँ पे अबोर्ड देखने को मिलता है, जो शारदा देवी का क्या था, इनकारनेशन था, यानी रूप था, यानी अवतार था, शारदा माता जो शारदा देवी थी उनका रूप था। और यहाँ पे आपको शेप ऑफ शिला की शेप में, यानी पत्थर की शेप में यहाँ पे माता विराजमान है, मान्यता ये मानी जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो वो पत्थर की शेप में जो ब्रास लॉइन है उनके ऊपर यहाँ पे आपको सवार देखने को आपको माता मिलती है। और उसके बाद ये यहाँ पे एक महिषासुर जो मर्दिनी थे वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो डेमन एक किंग थे। उसके बाद अटल सेतु की बात करें, ये केबल स्टेट ब्रिज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये आपको रवि रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। ये बसोली को पठानकोट से कनेक्ट करता है, आई रिपीट, अटल सेतु बसोली से पठानकोट को कनेक्ट करता है, और ये कनेक्टिविटी तीन स्टेट्स की बढ़ाता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की। लगभग इसकी बात करें तो ये 592 मीटर लंबा है, केबल स्टेट ब्रिज है, जो रवि रिवर के ऊपर बनवाया गया। इसकी जो कमीशन है नेशन को 24 दिसंबर 2015 के अंदर डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम के जो थे मनोहर पारिकर, उन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना करी थी। अगर बात करें इस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन नॉर्थ इंडिया, अगर बात करें केबल स्टेट की ब्रिज की बात करें, जिस प्रकार का नॉर्दर्न इंडिया का पहला ये ब्रिज है, और पूरे नेशन के अंदर ये आपको फोर्थ आपको देखने को मिले। तीन, अगर दूसरों तीन की बात करें, एक मुंबई के अंदर है जिसको बांद्रा वरोली सीलिंग के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद के अंदर नैनी के नाम से, और कोलकाता के अंदर हुगली केबल स्टेट ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, और फोर्थ अटल सेतु ब्रिज जो आपको कठुआ के अंदर देखने को मिलता है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे आपको कठुआ के अंदर है, ये ज़्यादातर किसके लिए मशहूर है, बम्बो प्लांटेशन के लिए आपको मशहूर देखने को मिलेगी। ये जम्मू रीजन के अंदर आता है, और किस रिवर के किनारे पे आता है, रिवर उज रिवर यहाँ पे जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्या करता है, फ्लो करता है।
उसके बाद एरवन टेम्पल की बात करें, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, इतना सा याद रखना है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये कठुआ के अंदर है और यहाँ पे एरवन विलेज है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लगभग इस टेम्पल की स्थापना 4th सेंचुरी के अंदर बनवाया गया था, जो किंग ऑफ उज्जैन थे विक्रमादित्य, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी और इसको कंस्ट्रक्ट भी करा था टेम्पल को। और रवि रिवर से यहाँ पे एरवन का नाम निकला है। अगर लोग हरिद्वार नहीं पहुँच पाते क्योंकि गंगा की मान्यता हिंदुज़म के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अस्थियों को बहा देते हैं जो, और इसको गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो इसको क्या माना जाता है, गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। रणजीत सागर डैम की बात करें, ये बसोली के अंदर है, कठुआ के अंदर, इसको थियान डैम के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ, ये जो अगर बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पंजाब इरीगेशन जो डिपार्टमेंट, उनके द्वारा रवि रिवर के ऊपर ये बनवाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के और पंजाब की बाउंड्रीज़ को, एरियाज़ को शेयर करता है। 60% ऑफ वाटर इज इन जम्मू एंड कश्मीर, और इसका 60% जो पानी है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का जो वाटर है इरीगेशन पर्पज़ और पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लगभग यहाँ से 600 मेगावाट कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ये हाईएस्ट अर्थ फिल डैम है इंडिया का, और यहाँ पे डायमीटर अगर इसकी पेनस्टॉक की बात करें पाइप की, तो इसकी लार्जेस्ट डायमीटर पेनस्टॉक है, यानी इसकी लार्जेस्ट डायमीटर पेनस्टॉक आपको इस कंट्री के अंदर इस डैम के ही अंदर ही आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की बात करें, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है स्टेट ऑफ पंजाब का, और यहाँ पर अगर इसकी टाउनशिप की बात करें, इसको शाहपुर कंडी टाउनशिप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, कठुआ के अंदर डगन वैली गुरुद्वारा, सिंह साहिब, श्री आनंद आश्रम, नरसिंह जी टेम्पल, जोधिया दी माता, माता बाला सुंदरी, ये आपको देखने को मिलते हैं। सांबा की बात करें तो ये आपको 2006 में इस डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन करी गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे श्री नरसिंह देव जी टेम्पल की बात करें, ये काफ़ी सदियों पुराना मंदिर है, ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करता है, इतना सा याद रखना है। और ये लगभग जो घाघवाल है वहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, और नवरात्रि के अंदर काफ़ी इसके अंदर अट्रैक्शन रहती है। बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन की बात करें, बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन की बात करें, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, और किस विलेज के अंदर, स्वर्णखा विलेज है जहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये आपको इतना सा याद रखना है। और यहाँ पे खोली सरोवर भी है जिसके अंदर इसको माइस्टिक पावर्स का माना जाता है, इसके अंदर काफ़ी क्यूरेटिव पावर्स हैं। चिची माता यहाँ पे नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर की दूरी पे सांबा टाउन में है, और यहाँ पे ये टूरिस्ट स्पॉट भी और एक पिलग्रिमेज साइट भी मानी जाती है। इसको गेटवे ऑफ माता वैष्णो देवी कंसिडर करा जाता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चिची माता को गेटवे ऑफ माता वैष्णो देवी या पहला दर्शन भी इसको कहा जाता है, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ पिलग्रिमेज है। यानी अगर आप माता वैष्णो देवी जाते हैं तो डेफिनेटली चिची माता भी एक आपका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है उस यात्रा का। उसके बाद महोड़गढ़ फोर्ट, काफ़ी बार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर दें इसके ऊपर, काफ़ी बार इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखना महोड़गढ़ फोर्ट आपको यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये पांडवास के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी जब वो वनवास में थे सांबा के अंदर, जब वो आए थे तो यहाँ पे एक पांडवास करके एक पौंड भी है जो पांडवास के द्वारा ही बनवाया गया था, एक पौंड है जो पांडवास के द्वारा बनवाया गया था। मोहरगढ़ की बात करें तो इसको मोरगढ़ के नाम से भी लोकल पीपल के द्वारा जाना जाता है। अब टूरिस्ट पुंछ की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, तो यहाँ पे एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इस्टेब्लिश है, और यहाँ पे आपको बाउंड्रीज देखने को मिलेगी, जैसे अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट और साउथ साइड में इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे नूरी चाम की बात करें तो एक वाटरफॉल है जो आपको यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा नूरी चाम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको याद रखना, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये इसका नाम जो है, मुगल जो क्वीन थी नूरजहाँ, उन्होंने इसका नाम रखा था नूरी चम। ये हिल विलेज ऑफ भरमंगला जो पीर पंजाल के पास है, पीर की गली के पास ही है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। ये बुफलेस से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, तो ये आपको याद रखना है। चम की बात करें लोकल लैंग्वेज में इसको वाटरफॉल कहते हैं, और यहाँ पे जब कश्मीर ऑन द वे टू कश्मीर, जब वो नूरजहाँ और शाहजहाँ जब जा रहे थे उस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे इस वाटरफॉल में नहाया भी था। नूरी चाम की बात करें टालेस्ट प्लंज वाटरफॉल है, और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का। बुड्ढा मना टेम्पल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ये लोरन वैली यहाँ पे है, लोरन वैली भी आपको याद रखना कहाँ पे है, पुंछ के अंदर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्यूटी है, यहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी माना जाता है। और यहाँ पे इसके साथ साथ में एक रिवर है जिसका नाम है पुलस्ती रिवर, आपको ये याद रखना है। अगर आप बाबा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट मानी जाती है अगर आपने बाबा बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा ना की हो। पीर की गली काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है, लगभग 1140 फीट मीन सी लेवल से ऊपर है, हाइट पे है। ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को, रजौरी और पुंछ से कनेक्ट करता है, और यहाँ पे किसके थ्रू, मुगल रोड भी आपको इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है।
और यहाँ पे जो पीर बाबा शेख करीम थे उन्होंने इसको पीर की गली को एक स्केर्ड प्लेस माना गया, तभी इनका नाम से ही इसको पीर की गली का नाम पड़ा है। ये आपको शोपियान और पुंछ को कनेक्ट करता है। एग्जैक्टली बाउंड्रीज जो इसकी आपको देखने को मिलेगी, श्रीनगर का शोपियान और जम्मू डिवीज़न का पुंछ डिस्ट्रिक्ट ये कनेक्ट करते हैं। इसको क्रॉन ऑफ पीर पंजाल रेंज भी कहा जाता है। पीर पंजाल रेंज पास करते हैं तो पीर की गली आपको पास करनी पड़ती है, तो यह बात आप याद रखें। सैन मीरा साहिब की बात करें, श्राइन ऑफ लोकेट नियर लाइन ऑफ कंट्रोल हज़रत सीएन बाबा मीरन बख्श की बात करें तो यहाँ पे ये माइग्रेट हुए थे 1954 में। उसके बाद गुरुद्वारा नंगली साहिब की बात करें, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ओल्डेस्ट श्राइन ऑफ सिख माना जाता है। ये ठाकुर भाई मेला सिंह ने इसकी स्थापना करी थी 1803 में और रणजीत सिंह ने यहाँ पे विजिट करा था 1844 में, यहाँ पे यूज़ किया था और उन्होंने इनकम भी यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के लिए दी थी। आलियाबाद सराई की बात करें तो ये नॉट इन विलेज टाउन, ये कोई विलेज टाउन नहीं है, ये एक मीडो है, इंटरनल जो स्ट्रेच ऑफ पीर पंजाल के अंदर आता है। ये हिस्टोरिकल जो मुगल हाईवे है वो पुंछ और राजौरी को जो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली, उसके आसपास आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे कोई भी परमानेंट सेटलर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इतना सा आपको ये याद रखना है। और ये जो सराय है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, जो बेक्ड ब्रिक थे उनके द्वारा, ये रबल स्टोन और बेक्ड ब्रिक से द्वारा जो मुगल एम्परर अकबर थे उन्होंने बनवाई थी, अपने ट्रेवलर्स के लिए बनवाई थी। और शाहजहाँ ने इसको रिस्टोर करा था सराय को और इसको नाम बदल के आलियाबाद के नाम से रखा गया था, क्योंकि उसके बाद अली मदारना खान उस टाइम के उनके जो गवर्नर थे। उसके बाद पुंछ फोर्ट की बात करें तो यहाँ पे पुंछ किला के नाम से भी इनको जाना जाता है, इस फोर्ट को जाना जाता है। ये लगभग 16वीं सेंचुरी के अंदर बनवाया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन जो 1713 के अंदर जो किंग ऑफ पुंछ थे, पुंछ उस टाइम के राजा रुस्तम खान, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो ये आपको याद रखना है, इसके अंदर आर्किटेक्चर स्टाइल मुगल स्टाइल्स आपको देखने को मिलती है। राजौरी की टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, शादरा शरीफ आपको देखने को मिलता है, ज़ियारत शादरा शरीफ जो बाबा गुलाम शाह बादशाह के द्वारा मीन्स एक दरगाह है। तो यहाँ पे आपको इसके मिड में आपको देखने को मिलेगी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जो पीर पंजाल रेंज के आसपास ही है। ये माना यह जाता है कि गुलाब सिंह जो थे उन्होंने वंश आर्मी और उनकी जो महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी जो थी पंजाब की, इस श्राइन के अंदर उन्होंने इसको कंस्ट्रक्शन करवाई थी। ये बहुत पवित्र जगह मानी जाती है और यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस भी है। शादरा शरीफ याद रखना, बाबा गुलाम शाह बादशाह ने यहाँ पे इसको डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर ये उनको डेडिकेट है जो पीर पंजाल रेंज के साथ ही आती है। गुलाब सिंह और जो महाराजा रणजीत सिंह थे पंजाब के, उनकी आर्मी ने इसकी कंस्ट्रक्शन करी थी। और उन्होंने पीर बदेसर टेंपल की बात करें, 142 AD में बनाया गया वीर बदेश्वर विलेज जो है राजौरी का, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। जो कनिष्का किंग कनिष्का ने यहाँ पे जो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने बाद में बुद्धिस्ट को चेंज कर दिया था, उन्होंने मेमोरी ऑफ वीर बदेश्वर जो सन थे किसके, लॉर्ड शिवा के, उनकी मीन्स यहाँ पे याद में पीर बदेश्वर टेंपल को बनवाया था। मंगला माता यहाँ पे आपको नौशेरा के अंदर देखने को मिलेगा, ये गॉडेस मंगला के है, उनको 1946 में इस टेंपल को स्थापना करी गई थी और डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर ये आता है। इतना सा आपको याद रखना। चिंगस फोर्ट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिंगस फोर्ट आपको, ये चिंगस फोर्ट और सराय के नाम से भी जाना जाता है, इसको 16वीं सेंचुरी के अंदर बनवाया गया था। चिंगस विलेज जो राजौरी का है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चिंगस एक पर्शियन नेम है जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पे जो मुगल एम्परर जहांगीर थे उनकी जो वार के टाइम पे उन्होंने क्या करा था, अपने अवॉइड वॉर सक्सेशन को करा था। उसके बाद मनमा माता की बात करें तो माता रानी, ये कलाकोट तहसील जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट केव भी आपको है जो एक लश ग्रीन टेरेसेस और हिमालयन माउंटेन्स के अंदर है और ये कवर रहती है स्नो से। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो पांडवास थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी और वर्शिप करी थी भगवान शिव जी और मनमा माता की। दनीधर फोर्ट की बात करें, म्यान हाथू जो गवर्नर ऑफ राजौरी अपॉइंटेड बाय महाराजा गुलाब सिंह थे उस टाइम के, उनके द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 1855 में करी गई थी। तो इसका इंटेंशन था कि डोगरा फोर्सेज को क्या करे, एक अच्छी जगह पर एक सेफ प्लेस पैलेस में रखा जाए और यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था फार्मर से वो यहाँ पर डंप करा जाता, उसके बाद ये बेचा जाता था। इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें, देरा की गली, लाभ बलई, थाना मंडी, धराल, मलकान, कोटरंका, बुधाल की बात करें तो ये भी आपको इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को। ये सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हेरिटेज साइट की बात करी हमने, अब यहाँ से हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं या हेरिटेज साइट हैं कश्मीर डिवीज़न की, उनकी हम बात करेंगे। और आप सभी को पता, अगर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस देखा जाए कश्मीर के अंदर तो अनंतनाग, बडगाम, बांडीपोरा, बारामूला, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, शोपियान, ये हर एक जगह जो कश्मीर की है वो काफ़ी फेमस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कल्चर हेरिटेज साइट है या टूरिस्ट प्लेस है उनकी बात करेंगे।
सबसे इम्पॉर्टेंट ये बार बार पूछा जाता है कि मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है मार्तंड सन टेम्पल। इसको मैं हिस्ट्री के अंदर भी कवर करूँगा। बात करें मार्तंड टेम्पल की, बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट है, कंट्री की भी है, और इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसकी इम्पॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। अब बात करें ये पास्ट को दर्शाता है और पास्ट के अंदर किस तरीके से क्या हुआ था इस टेम्पल के रिलेटेड उसको बताता है। और अगर आपको याद रखना, अगर मार्तंड की बात करें, संस्कृत वर्ड में, ये संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सन। मार्तंड का मतलब क्या होता है? सन। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये डेडिकेट किसको करता है ये टेम्पल, तो ये जो गॉड सूर्य है या भगवान सूरज, जो सूर्य भगवान है, उनको यहाँ पे क्या करता है, डेडिकेट करता है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये टेम्पल किसने बनवाया था, तो ये ललित आदित्य जो मुक्तापादिया थे, जो करकोटा डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने यहाँ पे मार्तंड सन टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था, बनवाया था। उसके बाद ऐशी मुकाम श्राइन है, ये 15th century के अंदर बनाई गई है। ऐशी मुकाम श्राइन है, ये 15th century के अंदर बनाई गई है, और ये किसने बनाई थी, हज़रत शेख जैनुद्दीन ने इसकी क्या करी थी, नींव रखी थी, ये कंस्ट्रक्ट करा था। उसके बाद आप स्प्रिंग की बात करें तो वेरिनाग स्प्रिंग को आप कैसे भूल सकते हो, और अगर आप वेरिनाग को बात करें, वेरिनाग की बात करें, तो इसको यहाँ पे गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। यानी जब आप कश्मीर के अंदर इंट्रेंस करते हैं तो आपको वेरिनाग से होते हुए जाना पड़ता है, इसीलिए इसको गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना गया है। बात करें ये मेन सोर्स है किस रिवर का, जो वेथ रिवर है। अच्छा, किस रिवर को वेथ रिवर के नाम से जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, और इसको मैं स्टार मार्क कर दूं या कुछ भी मार्क कर दूं, तो ये आपको याद ही रखना कि वेथ रिवर यहाँ पे झेलम रिवर को कहा गया है, और वेरिनाग एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है रिवर झेलम का। बात करें यहाँ पे एम्परर जो जहांगीर थे, हिस्ट्री के अंदर भी इसको मैंने अच्छे से कवर करा है, यहाँ पे उन्होंने एक गार्डन को बिल्ड करा था, और एक उसके साथ साथ एक प्लेजर हाउस, यहाँ पे वो क्या करते थे, रेस्ट करते थे, वो हाउस यहाँ पे एम्परर जहांगीर ने बनवाया था। अगर आप वेरिनाग स्प्रिंग की बात करें तो अनंतनाग से लगभग ये 26 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये यहाँ पे बनिहाल जो माउंटेन रेंजेस की जो फुटहिल्स है वहाँ पे आपको ये लोकेट देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। बात करें यहाँ पे इस अगर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग के चारों ओर यहाँ पे पाइन ट्रीज और एवरग्रीन प्लांट से पूरा ढका हुआ है, और यहाँ पे आपको ऑक्टागनल स्टोन बेसिन भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आपको मैंने अभी बताया कि जो मुगल एम्परर जहांगीर थे, उन्होंने 1620 के अंदर वेरिनाग स्प्रिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई थी। उसके बाद यहाँ पे एक ब्यूटीफुल गार्डन यहाँ पे इसके पास में ही है, जिसकी शेप रेक्टेंगुलर शेप है, जो यहाँ पे अगर बात करें एम्परर जहांगीर के जो बेटे थे शाहजहां ने बनवाया था, ये रेक्टेंगुलर शेप का था। उसके बाद यहाँ पे आपको दो स्टोन की स्लैब्स आपको देखने को मिलेंगी, वेस्टर्न और साउथर्न, जो सदर्न पार्ट है इस वेरिनाग स्प्रिंग का, वहाँ पे उन वॉल्स पे आपको ये देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको कुछ प्रोज देखने को मिलेंगे जो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे इस स्प्रिंग के बारे में लिखे गए हैं। बात करें इस स्प्रिंग को मेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो पुरानी बुक्स हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं उसके अंदर भी किया गया, जैसे आप एन अकबरी की बात करें, तुजुके जहांगीर की बात करें, या फिर आप राज तरंगनी की बात करें, तो उनके अंदर भी यहाँ पे इसका मेंशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें कोकरनाग की बात करें, तो ये बैरिंग कोकरनाग के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम किसने दिया है, तो शेख उल आलम ने दिया, जो एक पॉइट थे, एक और विद्वान भी थे, उन्होंने कहा था कि कोकरनाग ब्रिंगचू सुनसंद प्रेंग, इसका मतलब है कि गोल्डन क्रॉन ऑफ कश्मीर यहाँ पे कोकरनाग को कहा जाता है। लगभग ये 2000 मीटर की मीन सी लेवल की हाइट पे है, ये हार्ट ऑफ बेरिंग वैली के अंदर सिचुएट करता है, लोकेट करता है, जिसको गोल्डन क्रॉन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। विच प्लेस इज नोन एज द गोल्डन क्रॉन ऑफ कश्मीर, तो आपको याद रखना है कोकरनाग को गोल्डन क्रॉन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अगर बात करें इसका रियल नेम बिंदो जलनगम है, जो रेवेन्यूर गॉड्स पे इसका जो मेंशन है, और इसका कोई भी हिस्टोरिकल प्रूफ आपको नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद शेषनाग आपको मेनक देखने को मिलता है, शेष का मतलब है मिरर और नाग का मतलब होता है लेक, ये क्रिस्टल क्लियर वाटर की एक झील आपको देखने को मिलती है। ये ऑल्गोट्रॉपिक लेक है जो माउंटेन्स के बीच में होती है, उसको ऑल्गोट्रॉपिक कहते हैं, और यहाँ पे आप जब अमरनाथ की ओर यात्रा करते हैं तो वहाँ पे आपको ये शेषनाग लेक आपको देखने को मिलती है। लगभग इसकी मीन सी लेवल से 3590 मीटर ऊपर हाइट पे है। उसके बाद अच्छावल की बात करें तो इसको यहाँ पे अच्छावल के नाम से भी कहा जाता है, ये 8 किलोमीटर लगभग दूर है अगर बात करें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से।
और यहाँ पे आपको काफ़ी टेरेस्ट गार्डन भी इसके आसपास आपको देखने को मिलते हैं। अचबल ये स्प्रिंग एक है, एक झरना है, और यहाँ पे गार्डन्स आपको देखने को मिलेंगे जो गार्डन मुगल्स के द्वारा बनवाए गए हैं। इसका जो अपर पोर्शन है इसको बागे बेगम आबाद के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके द्वारा डेवलप्ड करा गया था, तो मलिका नूर जहाँ बेगम थे जो 1620 के अंदर इसकी डेवलपमेंट करवाई गई थी, और उसको रेनोवेट किसके द्वारा करा गया था, रिन्यूड बाई साहिब आबाद वजह हमाम जो थे। हमाम का मतलब क्या होता है, जो पानी के ट्रेजरर होते, ट्रेजर ऑफ वाटर जिसको कहते हैं। और यहाँ पे आपको लॉजिकल लैंप जो सॉन्ग है वो आपको देखने को मिलेगी, और यहीं पे एक मॉस्को भी कंस्ट्रक्ट करी गई है सारा शिको, यानी सारा शिको नहीं दारा शिको के द्वारा यहाँ पे एक मॉस्को को भी कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, तो ये आप याद रखें। उसके बाद यहाँ पे पहलगाम की बात करें तो इसको वैली ऑफ शेफर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। विच प्लेस इज़ नोन एज द वैली ऑफ शेफर्ड्स, तो आपको बोलना है पहलगाम और याद भी रखना पहलगाम। बात करें ये पहलगाम लगभग 45 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे रिवर एक है जिस रिवर के किनारे पे ये सिचुएट करता है, वो रिवर लीदर है जो किसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, झेलम की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इसी लीदर के साथ आपको लीदर वैली भी आपको देखने को मिलती है जो एक सेंट्रल पोजिशन है पहलगाम की। बात करें ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है क्योंकि यहाँ पर आपको पाइन क्लैड वैली आपको ये देखने को मिलती है, ये कैंपिंग साइट के लिए काफ़ी फेमस है। जब आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो वहाँ पे आपको ये ट्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपको शेषनाग जो लेक अभी मैंने पढ़ाया, तरसर मरसर, लिदरवाट, कोलहाई ग्लेशियर जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। उसके बाद बाईसरण की बात करें तो बाईसरण ये एक ब्यूटीफुल प्लेस है, ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये आप ग्रीन ग्रास मेडो आपको देखने को मिलेगा, ये पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है कहाँ के लिए, पहलगाम के लिए। उसके बाद बेताब वैली की बात करें तो ये पॉपुलर डेस्टिनेशन है। अब ये बात करें ये लगभग 15 किलोमीटर दूर है पहलगाम से और 11 किलोमीटर आरू से यहाँ पे दूर है। अब बात करें सनी देओल की बात करें और अमृता सिंह की जो मूवी थी बेताब, इसकी शूटिंग यहाँ पर इस वैली के अंदर हुई थी। आरू वैली की बात करें तो ये टूरिस्ट स्पॉट है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, लगभग 12 किलोमीटर पहलगाम से दूर है, और ये लिदर रिवर के ही किनारे पे ये भी सिचुएट करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल मीडो है और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑल्गोट्रॉपिक माउंटेन्स के अंदर आपको लेक्स देखने को मिलती हैं, ट्रैकिंग होती है, यहाँ पे कोलहोई ग्लेशियर है और जो तरसर लेक है वहाँ इसी वैली के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इसके आसपास आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में लेफ्ट बैंक के साथ आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे विलेजेस देखने को मिलते हैं जो वहाँ पे एक आरू रिवर जिस रिवर से इसका नाम पड़ा है वो आपको एक लिदर वैली की ट्रिब्यूटरी है ये फ्लो होते हुए आपको इस आरू वैली में देखने को मिलेगी। उसके बाद है डक्सम की बात करें, ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है और ये अनंतनाग सिंथन टॉप जो किश्तवाड़ रोड है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। इट इज़ फॉरेस्ट ट्रीटेड ग्रिडल बाई माउंटेन्स, पूरे चारों तरफ से ये माउंटेन से ढका हुआ है और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिच फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें अमरनाथ जी केव की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट श्राइन है जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और यहाँ पे इसकी यात्रा अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है। ये हिंदू श्राइन मानी जाती है, ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और मैंने यहाँ पे शुरू के मैराथन में ये पूछा था कि आप बताएं मेरे को अमरनाथ जो केव है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। ये माउंट अमरनाथ के ऊपर सिचुएट करता है, लगभग इसकी मीन सी लेवल साइट की बात करें तो 3888 मीटर आपको ये देखने को मिलेगा, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे श्रीनगर से ये दूर देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर बात करें जो अमरनाथ केव है, ये 51 जो शक्ति पीठास हैं जो साउथ एशिया के अंदर यहाँ पे कॉमेमोरेट करते हैं उनमें से एक यहाँ पे माना ये जाता है कि जो बॉडी का पार्ट था जो सती का वो यहाँ पे इस जगह पे भी पड़ा था, और यहाँ पे दो कबूतर भी रहते जो अमर हैं, इसी से यहाँ का नाम अमरनाथ पड़ गया है। यहाँ पे बहुत बड़ा आपको शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा जो ज़्यादातर स्नो उसका बना हुआ होता है, और यहाँ पे उसकी जो हाइट और जो डिक्रीमेंट होती है वो मून के फेज पे डिपेंड रहती है, जितना मून बढ़ता है उतनी शिवलिंग की हाइट बढ़ती है और जितना घटता है उतनी शिवलिंग की हाइट भी घटती है, ये माना जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है जो अगस्त के महीने पे यहाँ पे आपको यात्रा कंडक्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप ये पढ़ लें, अगर आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी तो इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें और बाद में आप पढ़ सकते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस की बात करें अगर आप यहाँ पे अनंतनाग के अंदर, तो शिवा भगवती टेम्पल आपको एकिन गाम में देखने को मिलेगा, सिंथन टॉप और बीज बहरा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बडगाम की बात करें, ये 1979 के अंदर क्रिएट करा गया था ये डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको
दूध पत्थरी आपको देखने को मिलेगा जो वैली ऑफ मिल्क के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक जहरी विलेज है जो आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट के नाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, उसको अब मिल्क विलेज ऑफ इंडिया के नाम का टैग भी दिया गया है। तो यहाँ पे वैली ऑफ मिल्क किसको कहा जाता है, दूध पत्थरी जो एक है ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब ये बात करें टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लगभग ये 2730 मीटर मीन सी लेवल से ऊपर है और ये पीर पंजाल रेंज के अंदर ये आता है। बाहर माना यह जाता है कि जो शेख उल आलम थे, शेख नूरुद्दीन नूरानी थे, उन्होंने यहाँ पे प्रेयर करी थी और वहाँ पे जब वो सर्च ऑफ वाटर यानी पानी की खोज में गए थे इस मीडोज में, तो वहाँ पे उन्होंने पूजा की थी, प्रेयर्स करी थी और उसके बाद ग्राउंड से यहाँ पे अपनी स्टिक के साथ उन्होंने क्या करा था, वाटर निकाला था, यानी वाटर के लिए उन्होंने स्टिक मारी थी ज़मीन पे, लेकिन वहाँ से दूध निकला था उसके, इसी के बाद इसका नाम दूध पत्थरी नाम पड़ गया। उसके बाद बात करें यूस मार्क की, बात करें उसको मीडो ऑफ जीसस के नाम से भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट जो पहली लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, मीडो ऑफ जीसस, ये आप इंपॉर्टेंट लिख लें, याद कर लें, रट लें, ये एक ने क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और कई बार पूछा भी गया है। ये आपको श्रीनगर साउथ ऑफ श्रीनगर कैपिटल जो सिटी है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मीन्स यहाँ पर बडगाम के अंदर ही देखने को मिलेगा। बात करें जो रिवर दूध गंगा है उसके यहाँ पे बैंक पे किनारे पे आपको ये यस मार्ग आपको देखने को मिलेगा। अब रिवर दूध गंगा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखना आपको ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये पीर पंजाल रेंज के अंदर लोकेट करता है। उसके बाद यूस मीन्स का मतलब होता है यूसा और यूजा कश्मीरी नेम जीसस के लिए, और मार्ग मीन होता है मीडो। यूस मार्ग की बात करें तो यहाँ पे अल्पाइन वैली आपको देखने को मिलेगी, चारों तरफ से बर्फ से ये ढके हुए पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे और ये फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर रिक्रिएशन रिजॉर्ट है कश्मीर का, जैसे श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग के बाद यहाँ पे यूस मार्ग आता है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक मिलेगा पीर पंजाल रेंज का, जिसको आप सनसेट पीक के नाम से जानते हैं, और ताताकोटी पीक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीलनाग यहाँ पे ब्लू स्प्रिंग यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा, ये ओवल ब्लू वाटर लेक है जो आपको गोगी पत्थर के अंदर, आप हिल अप गोगी पत्थर पे आपको देखने को मिलेगी। ये 4 किलोमीटर यूस मार्ग से दूर है, यहाँ पे आपको काफ़ी घना जंगल और पिकनिक स्पॉट भी यहाँ पे माना जाता है। इस झील का पानी काफ़ी गर्म होता है और हिंदू यहाँ पे इसको क्या करते हैं, काफ़ी पवित्र पानी मानते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इसको काफ़ी पवित्र मानते हैं। संगे सफ़ेद यहाँ पे वाइट स्टोन्स आपको देखने को मिलते हैं, नीलनाग ब्लू स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सुखनाग की बात करें, कश्मीर के अंदर आपको काफ़ी नाग देखने को मिलेंगे, सरपेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्प्रिंग ऑफ सोलेस किसको कहा जाता है, सुखनाग को कहा जाता है, ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये रिवर झेलम के इम्पॉर्टेंट किनारे पे ट्रिब्यूटरी भी बन जाती है। बात करें यहाँ पे ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जो तोसा मैदान है जो पीर पंजाल रेंज के अंदर आता है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। चरारे शरीफ श्राइन की बात करें तो ये सूफी मुस्लिम श्राइन है, ये मॉस्क्यू है, ये यहाँ पे आपको चरारे शरीफ बडगाम के अंदर देखने को मिलेगी। ओल्डेस्ट है, काफ़ी सेक्रोसेंट श्राइन मानी जाती कश्मीर वैली की। तो ये किस संत को डेडिकेट है, तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, जो कश्मीरी सूफी संत नंद ऋषि थे उनको यहाँ पे ये डेडिकेट करी जाती है। अब बात करें यहाँ पे ये 1460 ईस्वी में बनाई गई थी, जो नंद ऋषि को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी, इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। अब इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था, जो सुल्तान जैन उलुबद्दीन थे उनको, उनके द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और उसके बाद इसको याकूब शाह चक ने इसको क्या करवाई थी, रिपेयरिंग करवाई थी। अफगान गवर्नर की बात करें अता मोहम्मद जो खान थे, उन्होंने इसकी इस श्राइन की दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन करवाई थी। हु हैड रिकन्स्ट्रक्टेड, यहाँ पे आपको बताना है कि जो किस चरारे शरीफ जिसको बात करते हैं, किसकी रिकन्स्ट्रक्शन किसने करवाई थी, तो आपको याद रखना है अता मोहम्मद खान थे। उसके बाद यहाँ पे आप बांडीपोरा की बात करते हैं, बांडीपोरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2007 के अंदर जब रामबन और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी, इसी टाइम इसकी फॉर्मेशन हुई है। बात करें यहाँ पे तहसील, इसके अंदर 7 आपको देखने को मिलेगी, तो इसी के अंदर आपको वलूर लेक भी देखने को मिलता है। बात करें बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको वलूर लेक आपको देखने को मिलेगी, जिसको महापद्मासर के नाम से भी एंशंट नेम है इसका, इन एंशंट हिस्ट्री के अंदर इसको माना गया है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की और सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, ये बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएट करती है श्रीनगर के अंदर। इसको पोर्ट ऑफ वलूर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ आपको 16 किलोमीटर देखने को मिलेगी और 10 किलोमीटर किसकी आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी। ये किसको मेनली फीड करता है, तो झेलम रिवर को ये फीड करता है, जो बारामूला साइड पे आपको आने देखने को मिलेगा वो इसको क्या करता है, फीड करता है। ये फीड बाय झेलम रिवर ऑन बारामूला साइड।
और यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये लेक क्या हुई है, फॉर्म हुई है। ज़ाना लैंग की बात करें, ये आर्टिफिशियल आइलैंड है ज़ाना लैंग, इट इज़ इन द मिडल ऑफ लेक। ये जो वलूर लेक की मिडल में आपको देखने को मिलेगा, ये जैन उल अबुद्दीन के ने यहाँ पे क्या करा है, इसको बनवाया है, बिल्ड करा है, जो 8 सुल्तान थे कहाँ के, कश्मीर के। बात करें गुरेज वैली भी, यहाँ पे आपको बांडीपोरा के अंदर देखने को मिलता है, लगभग 2400 मीटर ये सी लेवल से ऊपर आपको देखने को मिलेगा इसको। यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बियर और स्नो लेपर्ड्स आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। गुरेज वैली इज़ नॉन एज मीन्स नॉन फॉर हिमालयन ब्राउन बियर एंड स्नो लेपर्ड, ये आप याद रखें। यहाँ पे एक रिवर देखने को मिलता है, किशनगंगा रिवर आपको देखने को मिलेगा इस वैली के अंदर फ्लो होते हुए। उसके बाद निशात पार्क की बात करें, ये फेमस निशात पार्क है जो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये 1954 के अंदर कंस्ट्रक्ट करी गई थी, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, बख्शी गुलाम अहमद, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। निशात गार्डन श्रीनगर की बात करें, ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर का। अगर आप निशात पार्क की बात करें तो ये बांडीपोरा के अंदर है, और निशात गार्डन, निशात पार्क बांडीपोरा के अंदर, और निशात गार्डन आपको यहाँ पे श्रीनगर के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप कंफ्यूज ना हो, निशात पार्क बांडीपोरा के अंदर, निशात गार्डन श्रीनगर के अंदर आपको देखने को मिलता है। छोटा अमरनाथ की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, धनेश्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मैंने आपको जब यहाँ पे रियासी के अंदर इसकी बात करवाई, तो इसके अंदर यहाँ पे इनके बेटे की बात करी थी, और यहाँ पे इसके छोटा अमरनाथ, तो उसको छोटा अमरनाथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, एरिन का फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग 60 मीटर तक ये यहाँ पे जो पिलग्रिमेज होते हैं वो क्रॉलिंग करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इनग्रेव्ड फीचर्स हैं। यहाँ पे लॉर्ड शिवा के ये डेडिकेट है, और यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ पे जो विजिटर्स होते हैं विजिट करते हैं। अब यहाँ पे बारामूला की बात करें, तो बारामूला के अंदर आपको 16 तहसील्स आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है वाइल्ड बोर के नाम से इसको यहाँ पे नाम मिला है। यहाँ पे बारामूला के अंदर गुलमर्ग आपको देखने को मिलता है, काफ़ी विंटर स्पोर्ट के लिए ये मशहूर है। इसको मीडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीडो ऑफ फ्लावर्स किसको माना जाता है या कहा जाता है, गुलमर्ग को कहा जाता है। यहाँ पे इसको गौरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो माता गौरी थे उनका यहाँ पे रास्ता भी इसको माना जाता है। इसका रीनेम गुलमर्ग हुआ था मिडो फ्लावर्स किसके द्वारा, जो सुल्तान यूसुफ शाह चक डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने इसका नाम यहाँ पे गुलमर्ग रखा था। तो ये बात याद रखें, यहाँ पे फ्रिक्वेंटेड द प्लेस विद हिज क्वीन हब्बा खातून, जो उनकी क्वीन थी। 16वीं सेंचुरी के अंदर इसका नाम रीनेम करा गया था। यहाँ पे आपको काफ़ी वाइल्ड फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, लगभग 21 प्रकार के आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, जो मुगल एम्परर जहांगीर थे उन्होंने इस गार्डन के अंदर यहाँ पे वो रकमिस फूल की यहाँ पे क्या करा था, उनको प्लांटेशन करी थी। अब बात करें यहाँ पे गोल्फ कोर्सेज के लिए काफ़ी फेमस है, ये गुलमर्ग के अंदर इस्टेब्लिश है, खासकर ये वुमेंस के लिए इस्टेब्लिश बनाया गया है। अगर आप बात करें यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल्फ कोर्स है, जो लगभग 2650 मीटर मीन सी लेवल के हाइट पे है, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है, ये बात आपको याद रखना है। वर्ल्ड हाईएस्ट गोल्फ कोर्स यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये पीर पंजाल रेंज के अंदर आता है, तो लगभग ये 50 से 60 किलोमीटर दूर है यहाँ पे आपको श्रीनगर से आपको देखने को मिलेगा। ये एक पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन है, नोटिफाइड एरिया कमेटी है यहाँ पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के, जिसके अंदर ये आता है। अब गुलमर्ग को हार्ट लैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और एशिया की 7th बेस्ट स्काई डेस्टिनेशन है ये। उसके बाद गुलमर्ग गोंडोला की बात करें, तो ये बिल्ट बाय फ्रेंच कंपनी के द्वारा इसको गोंडोला जो है वो बनाया गया है। उसका नाम कंपनी का क्या था, पोमा गल्स्की। अगर आप बात करें गुलमर्ग गोंडोला की बात करें, तो ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बात करें, लगभग इसकी मीन सी लेवल से हाइट जो है लगभग 4000 मीटर आपको देखने को मिलेगी। ये अपर अवध पीक को क्या करता है, कनेक्ट करता है रोपवे से। अब अपर अवध पीक की बात करें, तो ये एक समिट है जो यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर सिचुएट है। ये पीर पंजाल रेंज के अंदर ही आता है। यहाँ का जो गोंडोला है अपर अवध पीक, जो एशिया का लार्जेस्ट और हाईएस्ट केबल कार रिंग्ड है, जो पाइन फॉरेस्ट के बीच में आपको देखने को मिलेगा और स्नो कैप्ड माउंटेंस के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्नो बोर्डर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। अलपत्थर लेक की बात करें, तो यहाँ पे इसको फ्रोजन लेक के नाम से भी जाना जाता है, और ये लगभग नवंबर के अंदर फ्रोज हो जाती है और जून तक ये यहाँ पे जमी हुई रहती है। लगभग ये गुलमर्ग से 13 किलोमीटर की दूरी पे है, जो खिलन मार्ग है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और यहाँ का जो टूरिस्ट जब जाते हैं तो वो इसके व्यू को, ब्यूटीफुल व्यू को काफ़ी इंजॉय करते हैं, और यहाँ से इनको नंगा पर्वत के दर्शन भी होते हैं। और नूनकुंड जो किश्तवाड़ और यहाँ पे बारामूला के अंदर आता है, वहाँ के इसके दर्शन होते हैं। इसकी शेप ट्रायंगुलर है, और यहाँ पे ये अपर अवध पीक के फुट में आपको देखने को मिलती है।
महारानी टेम्पल की बात करें तो ये शिव टेम्पल के नाम से जाना जाता है, गुलमर्ग में है ये। ये महाराजा हरि सिंह के द्वारा बनवाया गया था, जो महारानी मोहिनी बाई सिसोदिया थी जिन्होंने यहाँ पे रूल करा था 1915 में। तो यहाँ पे हरि सिंह ने अपनी वाइफ महारानी मोहिनी बाई सिसोदिया के नाम पे इसको बनाया था, इसीलिए इसका महारानी टेम्पल नाम है। ये लॉर्ड शिवा और पार्वती को डेडिकेट करता है। सेंट मॉरिस चर्च की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, तो ये जो चर्च है 1902 में बनवाई गई थी, उस टाइम ब्रिटिश रूल था और ये ब्रिटिश स्टाइल के अंदर बनवाई गई है। ये यहाँ पे चर्च किसको बिलोंग करती है, तो ये डायोसिस ऑफ अमृतसर जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से भी मशहूर है। जियारत बाबा ऋषि की बात करें, ये गुलमर्ग के अंदर है। ये किसको बिलोंग करती है, जो पीर बाबा पयम दीन थे उनको ये डेडिकेट होती है। अगर बाबा पयम दीन की बात करें, अगर इनकी बात करें, ये एक बहुत ही फेमस मुस्लिम सेंट थे जो कॉरेटियर था किंग कश्मीर, जो जैन उलुबद्दीन के टाइम पे क्या थे, यहाँ पे कॉरेटियर थे उनके दरबार में। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी शीट ऑफ क्लोथ डेकोरेटेड देखने को मिलती हैं। उसके बाद द्रंग की बात करें, यह गुलमर्ग से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे है और तंगमार से 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगा, और यह अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। तंगमार की बात करें, ये टाउन है और एक तहसील भी है, किस डिस्ट्रिक्ट की, बारामूला डिस्ट्रिक्ट की। ये आपको लगभग 1939 किलोमीटर यहाँ पे श्रीनगर से दूर देखने को मिलेगा, और यहाँ तक आपको 2-लेन रोड देखने को मिलता है। टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे बद्रकूट, जंदापल, गोलदारा, नीलगी नुला नाला और बाबा ऋषि आपको देखने को मिलेंगे। और बाबा ऋषि जो लोकली नेम गिवन है, ये सूफी सेंट थे कश्मीर के, बाबा पयामुद्दीन ऋषि, उनके नाम पे श्राइन का नाम रखा गया है। और तंगमार को दूसरी भी ये एक नाम से जाना जाता, गेट वे ऑफ कश्मीर, गेट ऑफ गुलमर्ग, आपको यहाँ पे इसको याद रखना है, वेरिनाग को गेट वे ऑफ कश्मीर और गेट ऑफ गुलमर्ग इसको कहा जाता है, तंगमार को कहा जाता है। तंगमार की बात करें तो यहाँ पे इसको शैन कोल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ब्रूक ऑफ स्नो, और यहाँ पे ट्रॉट फिश के लिए ये काफ़ी मशहूर है। अब यहाँ पे गांदरबल की बात करें, तो ये आपको 2007 के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। गांदरबल के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको सोनामर्ग के नाम से जानते हैं, जिसको आप मीडो ऑफ गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये लगभग सिंध वैली के अंदर लोकेट करता है, और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी देखने को मिलती है। ये लगभग 2500 मीटर सी लेवल से ऊपर है, और यहाँ पे इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ राफ्टिंग जो हुई थी सिंध रिवर के ऊपर, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखें। आप यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट लेक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, वैशनन सर, कृष्णा सर, गडा सर एंड गंगाबल स्टॉक। यहाँ पे स्नो ट्रॉट आपको देखने को मिलती है, या ब्राउन ट्रॉट जो फिश है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी है। ये गेटवे ऑन एंशंट सिल्क रूट जो था, जो चाइना से कनेक्ट हुए, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता था, विद गिलगित कनेक्टिंग कश्मीर विद तिब्बत को कनेक्ट करता था, इसी रूट से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कोल्हाई ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा, मैकहॉय ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा, सिरबल पीक, कोल्हाई पीक, अमरनाथ पीक आपको यहाँ पे इसके आसपास देखने को मिलेंगे। थाजीवास की बात करें, ब्यूटीफुल साइड वैली है, लगभग सोनामर्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगी ये ग्लेशियर स्ट्रीम, यहाँ से आपको देखते हुए मिलेगा, और कैंपेनिंग साइट भी यहाँ पे है। बालटल की बात करें तो मिनी वैली, चार्मिंग मिनी वैली है, 15 किलोमीटर दूर है सोनामर्ग से, ये सिंध रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, और जो जुजीला पास है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब जुजीला पास के अंदर एक टनल बनाया जा रहा है जो श्रीनगर को किससे कनेक्ट करता है, आप ये बताएं। ये बालटल कश्मीरी मीन्स का मतलब होता है अंडर द माउंटेन, इसका मतलब ये है। उसके बाद गंगाबल लेक की बात करें तो गंगाबल लेक यहाँ पे गंगबल के लेक के नाम से भी जानी जाती है, जो माउंट हरिमुख पर्वत है उसके आपको फुटहिल पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ऑल्गोट्रॉपिक लेक है, और यहाँ पे दूसरी मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस की यहाँ पे क्या है, एक मीन्स यहाँ पे आपको होम माना जाता है इसको, खासकर ब्राउन फिश जो ब्राउन ट्रॉट होती है। कृष्णा सर लेक की बात करें, हाई एल्टीट्यूड लेक है ये लेक ऑफ कृष्णा के नाम से इसको जाना जाता है, और यहाँ से एक रिवर राइज होता है जिसको नीलम रिवर के नाम से जाना जाता है, तो ये बात आप याद रखना। मानसबल लेक की बात करें, ये झेलम वैली के ऊपर आपको नॉर्थ श्रीनगर सिटी के अंदर देखने को मिलेगी। मानसबल की बात करें तो ये लेक मानसरोवर से इसका नाम निकाला गया, ये फ्रेश वाटर लेक है, और यहाँ पे आपको लोटस प्लांट्स इसके बीच में आपको देखने को मिलेंगे फ्लावर। अब ये डीपेस्ट लेक भी मानी जाती है, बात करें कश्मीर वैली की, डीपेस्ट लेक भी यहाँ पे इसको माना गया है। अब मुगल गार्डन की बात करें, जोरोखा जो जीरोगा बाल जिसका मतलब होता विंडो, ये नूरजहाँ के द्वारा ये बिल्ड करा गया था, और यहाँ पे आपको ये लोकेटेड देखने को मिलता है, ये मानसबल लेक के अंदर आपको देखने को मिलता है। अदर इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें यहाँ पे, तो
फ्रंग विलेज, खीर भवानी विलेज, तुमुल, नारंग टेंपल, मोहन मार्ग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हरिमुख माउंटेन की बात करें तो यहाँ पे किसने चढ़ा था तो इसके बारे में आपको बताया, आप इसको पढ़ लें। अब यहाँ पे कुपवाड़ा की बात करते हैं। कुपवाड़ा यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको 16 तहसील्स आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जैसे किशन गंगा रिवर है, यहाँ से ही निकलता है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वैली है जिसको आप लोलाब वैली के नाम से जानते हैं। ये ओवल शेप वैली है। ये कैसी वैली है? ओवल शेप वैली है। ये महाराजा लोलो ने इसका नाम दिया था। इसको वादी लोलाब के नाम से भी जाना जाता है और ये फ्रूट के बागों के लिए काफ़ी मशहूर है, स्प्रिंग्स के लिए और राइस फील्ड्स के लिए काफ़ी मशहूर है। इसको यहाँ पे लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी के नाम से कई कवियों ने इसको ये टाइटल भी दिया है। सिमप वैली की बात करें, ये टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है कुपवाड़ा का। ये आपको लोला वैली के एंट्रेंस पे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कन्फ्यूरियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इस वैली को बॉर्ड या बिग बंगस के नाम से भी जाना जाता है। बंगस वैली भी इसको कहा जाता है, ये याद रखें। यहाँ पे काफ़ी प्लेन एरिया के लिए ये वैली मशहूर है। अब कुलगाम की बात करें तो कुलगाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे अहारबल फॉल्स आपको देखने को मिलेगा। ये हिल स्टेशन है जो कश्मीर के अंदर है। अगर बात करें इसको नाइजेरिया वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। नाइजेरिया वाटरफॉल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? अहारबल वाटरफॉल को कहा जाता है। ये वाटरफॉल्स के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे एक रिवर है जो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वैष्णव रिवर। यहाँ पे आपको इस फॉल से देखने को मिलता है। उसके बाद है कोसरनाग लेक की बात करें, पीर पंजाल रेंज के अंदर है। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। ये ऑल्गोट्रॉपिक लेक है। अगर आपको पूछा जाए कोसरनाग लेक किस प्रकार की लेक है तो ऑल्गोट्रॉपिक लेक है। ये चीप सोर्स है किसका? वैष्णव रिवर का, जो किसकी? झेलम रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। बात करें यहाँ पे लॉफ्टी पीक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसकी लेंथ अगर आपको 3 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी और लगभग हाफ माइल ये आपकी इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी साफ पानी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद चिरनबल पंचम पथरी डीके मार्ग यहाँ पे आप यहाँ पे कुलगाम के अंदर देखने को मिलेगा। पुलवामा की बात करें, इसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको जाना जाता है? पुलवामा को। यहाँ पे एक टेंपल है, काफ़ी फेमस टेंपल है, अवंतीवेश्वर टेंपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स भी माना जाता है और रिलीजियस साइट है यहाँ पे किस कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो राजा अवंती वर्मन ने बनवाया था, जो फर्स्ट उत्पला किंग थे। उत्पला डायनेस्टी के पहले किंग कौन थे? राजा अवंती वर्मन थे, जिन्होंने यहाँ पे अवंतीवेश्वर टेम्पल बनवाया था। ये डेडिकेट किसको करता है? लॉर्ड शिव और लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करता है। पेयर टेम्पल की बात करें, पेयच टेम्पल भी कहा जाता है इसको लोकल लोगों के द्वारा। ये 10th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था, याद रखना कि 10th सेंचुरी के अंदर इसको बनाया गया था और यहाँ पे सिंगल स्टोन के अंदर इसको कार्व करा गया है। असर शरीफ की बात करें, असर शरीफ पिंजोरा की बात करें, ये मोस्ट स्केर्ड एंड पॉपुलर रिलीजियस सेंटर है कश्मीर के अंदर, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये। यहाँ पे इस्लामिक गुरु जो प्रॉफिट मोहम्मद थे एंड स्पेशल ओकेजन्स यहाँ पे पब्लिकली यहाँ पे शोन करे जाते हैं और टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जाते हैं, विजिट करते हैं। शोपियान की बात करें, शोपियान इसको कश्मीरी के अंदर कहा जाता है। ये पीर पंजाल रेंज के अंदर आता है। ये 2007 के अंदर इसकी पार्टीशन हुई थी। यहाँ पे आपको एप्पल ग्रोविंग ज़्यादातर मिली थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एप्पल बनते हैं। ये एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। मुगल रोड की बात करें तो ये रोड बिटवीन जो बुलफेज टाउन जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का और शोपियां डिस्ट्रिक्ट को ये मुगल रोड क्या करता है? कनेक्ट करता है। इसको इंपीरियल रोड बाय अकबर के नाम से इसको कहा जाता था पहले, अब इसको मुगल रोड के नाम से जाना जाता है। ये लाहौर और पीर पंजाल रेंज को क्या करता था? कनेक्ट करता था। ये जम्मू श्रीनगर एक हाईवे है, अगर ऑफ हो जाए तो उस टाइम पे ये क्या करता है? एक अल्टरनेटिव रूट को प्रोवाइड करता है। एक हिस्टोरिकल रूट है, 84 किलोमीटर का ये है। ये पीर पंजाल रेंज को पास करके जाता है और यहाँ पे बनिहाल पास को भी पास करके जाता है। हेरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्ज़ाम के अंदर भी इसको पूछा गया है, शायद UPSC के अंदर, तो ये ऑप्शंस में आया हुआ था। तो ये आपको याद रखना, इस साल 2022 के UPSC एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा गया है। इसके लगभग आपको यहाँ पे लेक गुमसर की बात करें, हिरापोरा विलेज के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट बाय रूपरी सरना सर और वेस्ट उसके आपको पीर पंजाल रेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कॉन्फ्यूरियस और डिसीडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। कपाल मोचन मंदिर की बात करें, ये शोपियन के ओट्सक्रिट में आपको देखने को मिलेगा। लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता है। यहाँ पे शिवलिंग और रुद्राक्ष शेप नॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। नंदन सर लेक की बात करें तो पूंछ शोपियन बॉर्डर पे ये आपको पीर पंजाल रेंज के अंदर ये लेक आपको देखने को मिलती है। लगभग 3500 मीटर मीन सी लेवल से ऊपर है
और यहाँ पे बिगेस्ट, ये बिगेस्ट लेक है पूंछ डिस्ट्रिक्ट की, जिसकी 1 किलोमीटर लेंथ है और ये डीप ब्लू कलर की लेक है। उसके बाद अब श्रीनगर की बात करते हैं, मेन श्रीनगर की बात करें तो ये एक लार्जेस्ट सिटी है, समर कैपिटल है हम इंडिया, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की। ये किस रिवर के किनारे पे एस्टेब्लिश है, झेलम रिवर के किनारे पे, जो इंदुस की ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ पे दल और अंचर लेक भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 तहसील्स आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डल लेक के बारे में बात करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट लेक आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, डल लेक यहाँ पे हार्ट ऑफ श्रीनगर के अंदर लोकेट करती है। अगर बात करें ये फुट ऑफ जबरवान जो माउंटेन है वहाँ पे आपको, जिसको आप शंकराचार्य हिल के साथ ही आपको ये लेक देखने को मिलती है, और यहाँ पे हरी पर्वत भी इसके साथ में आपको वेस्ट में आपको देखने को मिलता है। इसके सदर्न एंड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डल गेट देखने को मिलता है जो लेक के वाटर को कनेक्ट करता है रिवर झेलम के साथ, और जिस मीडियम के थ्रू करता है उस मीडियम का नाम है सौंत कुल के थ्रू यहाँ पे करता है। आप बात करें डल लेक कश्मीर के अंदर, इसको जेवल द क्रॉन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, श्रीनगर क्रॉन के नाम से जाना जाता है, लेक पर एक्सीलेंस के नाम से WR Lawrence ने इसका नाम दिया था। अगर डल लेक की लेंथ की बात करें लगभग 7.44 किलोमीटर है, चौड़ाई की बात करें 3.5 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पे काफ़ी फेमस मुगल गार्डन्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे शालीमार गार्डन, निशात और चश्मा शाही, इसके आसपास आपको लेक के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। ये लेक 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करी गई है, गागरी बल, लोकुत दल और बोध दल के नाम से इसको जाना जाता है। लोकुत दल की बात करें, स्मॉल डल, बोध डल लेक्स की बात करें, यहाँ पे एक आइलैंड है इनके सेंटर में जिनको रूप लंग के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब होता है सिल्वर आइलैंड, और चार चिनारी यहाँ पे आप किसके डल लेक के अंदर देखने को मिलेंगे, और सोना लेंक आपको गोल्डन आइलैंड भी इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे डल लेक के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नगीन लेक की बात करें, ये श्रीनगर के अंदर है और ये डल लेक का ही एक पार्ट है, और ये एक नैरो स्ट्रेट के थ्रू यहाँ पे डल लेक से कनेक्ट है। यहाँ पे एक प्राइमरी आउटलेट आपको देखने को मिलेगा जो अमीर खान नाला है, वहाँ से इसका एक प्राइमरी आउटलेट आपको देखने को मिलता है। हरी पर्वत के साथ में ही ये नगीन लेक आपको देखने को मिलती है। ये बादमवारी जो एक साइड आपको देखने को मिलेगा, और हजरबल जो हिल है वो आपको दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगा। डीपर है, लेस क्राउडेड है अगर कंपेयर करें हम डल लेक से। निशात बाग की बात करें तो ये मुगल गार्डन है, ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक आपको देखने को मिलेगा, और सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर का। इसको गार्डन ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, और गार्डन ऑफ ग्लैडनेस के नाम से या डिलाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये डिज़ाइन और बिल्ड किसके द्वारा किया था, आसिफ खान के द्वारा किया था, जो नूर जहाँ के क्या थे, एल्डर ब्रदर थे, और 1633 ईस्वी में इसकी कंस्ट्रक्शन करी गई थी। शालीमार बाग की बात करें, इसको शालीमार गार्डन के नाम से भी, फरा बख्श और फेज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये बाग मुगल एम्परर जो जहांगीर थे उन्होंने 1669 में बनाया था अपनी वाइफ नूर जहाँ के लिए, इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। इसके अंदर आपको हाई पॉइंट ऑफ मुगल हॉर्टिकल्चर आपको देखने को मिलते हैं। ये पब्लिक पार्क है, इसको क्रॉन ऑफ श्रीनगर के नाम से भी जाना जाता है। 1630 के अंदर शाहजहां ने यहाँ पे इसके एक्सटेंशन के लिए फेज बख्श को क्या दिया था, ऑर्डर दिया था। उसके बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन की बात करें, लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जो एशिया का है वो वहाँ पे आपको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ये जबरवान रेंज के फुटहिल्स में आपको देखने को मिलेगा, जो डल लेक का एक ओवरव्यू देता है, वहाँ से पूरी डल लेक दिखती है। ये 2007 के अंदर ये गार्डन ओपन करा गया था, और यहाँ पे इसने फ्लोरी कल्चर को बहुत बूस्ट कराया और टूरिज्म को कश्मीर वैली के अंदर। ये इसको पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था। टुलिप गार्डन की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपको 65 वेराइटीज़ ऑफ टुलिप्स फॉरेस्ट यानी फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन की बात करें, 1969 के अंदर इसको सेटअप करा गया है, किसकी मेमोरी में, प्राइम मिनिस्टर की जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी याद में इसको यहाँ पे सेटअप करा गया है। लगभग 15,000 ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, और ओक वेराइटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ इसके अंदर 4 मेन डिवीजन्स आपको देखने को मिलती हैं, एक प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर आपको देखने को मिलेगा, रिसर्च सेंटर सेक्शन और रिक्रिएशन गार्डन और बॉटनिकल गार्डन आपको देखने को मिलता है। परी महल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी को, परी महल की बात करें, इसको पीर महल के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले से आप फेरारीज के नाम से भी, ये 7 ट्रेस्ड गार्डन है जो जबरवान माउंटेन के टॉप पे लोकेट करता है। ये शाहजहां के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ये किसके द्वारा फाउंड करा गया था, दारा शिको के द्वारा, लगभग 1600 के मिड में इसको फाउंड करा गया था। अब दारा शिको की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा भी है, लगभग 1640 1645 और 1654 थे इस साल में इन्होंने, दारा शिको ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करा है, और ये
यूज्ड एज एन, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी और या एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ किया जाता है। हरि पर्वत की बात करें, कोही मरण के नाम से इसको जाना जाता है, ये वेस्ट ऑफ डल लेक है। बात करें ये 1590 में एम्परर अकबर के द्वारा इसके कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ये एक आउटर वॉल थी जो फोर्ट के आउटर वॉल पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे न्यू कैपिटल नागौर थी वो यहाँ पे शिफ्ट करी गई थी। अब प्रेजेंट फोर्ट की बात करें तो ये जो 1808 के अंदर इसको बनवाया गया है, और यहाँ पे उस टाइम के जो गवर्नर थे अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना करी थी। कोही मरन ये इसको नाम जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी लॉन्ग वॉल कंस्ट्रक्ट करी गई थी, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा लॉन्ग वॉल कंस्ट्रक्ट करी गई थी फोर्ट के चारों ओर। बाद में ये 1808 में जो अता मोहम्मद खान थे उन्होंने इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी थी। चश्मा शाही की बात करें, इसको रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, चश्मा शाही के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगल गार्डन है, 1632 ईस्वी में इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। ये अली मर्दान खान जो थे उन्होंने इसकी स्प्रिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, जो मुगल गवर्नर थे उस टाइम के, जो एम्परर थे शाहजहां के। और यहाँ पे ये उसके बाद ये एम्परर जहांगीर के, शाहजहां के एम्परर बड़े बेटे एल्डर सन को ये एक गिफ्ट दिया गया था। बात करें ये लोकेट कहाँ पे, जबरवान रेंज के अंदर लोकेट है, राजभवन जो गवर्नर हाउस है श्रीनगर के अंदर, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से डल लेक पूरी दिखती है। ये पर्शियन गार्डन आर्किटेक्चर, इसके अंदर आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। स्मॉलेस्ट गार्डन है मुगल गार्डन्स का जो श्रीनगर के अंदर है, और शालीमार, इसका शालीमार सबसे बड़ा गार्डन और निषाद गार्डन सेकेंड लार्जेस्ट गार्डन आपको कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। ये तीनों के तीनों गार्डन आपको राइट बैंक ऑफ डल लेक आपको देखने को मिलते हैं। जामिया मस्जिद श्रीनगर की बात करें तो ये सिचुएटेड है नौहट्टा, जो मिडल ऑफ ओल्ड सिटी श्रीनगर के अंदर आती है। ये मॉस्क्यू है जो सुल्तान सिकंदर ने 1394 ईस्वी में इसकी इस्टेब्लिशमेंट करवाई थी, और 1402 में इसको कंप्लीट करवाया गया था मीर मोहम्मद हमदानी के द्वारा, जो सईद अली हमदानी के क्या थे, बेटे थे। तो उन्होंने ये इस इंपॉर्टेंट मॉस्क्यू की फाउंडेशन रखी थी। दरगाह शरीफ की बात, यहाँ पे दरगाह शरीफ के नाम से भी इसको, जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद के आपको रिलिक्स देखने को मिलेंगे जो कश्मीर में लाए गए हैं, औरंगजेब ने यहाँ पे लाए थे। इट इज़ द ओनली मॉस्क्यू इन कश्मीर जिसको आपको डोम शेप आपको देखने को मिलेगी, ये बात भी आपको याद रखना है। इसका अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर की बात करें, इशरत जहान ने बनाया था, प्लेस ऑफ प्लेजर इशरत जहान के नाम से जाना जाता है इसको, जो शाहजहान, जो शाहजहान ने बनवाया था, और 1639 में इसको प्रेयर हॉल के अंदर कन्वर्ट करा गया था। उसके बाद दस्तगीर साहिब की बात करें, 200 साल पुराने ये श्राइन है, ये सिचुएटेड खानियार एक नाम है, शेख शहीद अब्दुल कादिर जिलानी यहाँ पे कभी नहीं रुके थे, ये बात याद रखना। ये कंस्ट्रक्ट 1806 ईस्वी में करवाई गई थी, और 1877 ईस्वी में इसको एक्सपांड करा गया था, ख्वाजा सनोला शॉल जो थे उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन करवाई थी। ये ओल्ड कुरान रिटर्न यहाँ पे जिस बात करें, इट हैज़ द ओल्ड कुरान रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अली इबन अबाबी तलीब एएस के द्वारा ये लिखा गया था। यहाँ पे आपको मोआ पार्क भी आपको इसको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे है स्ट्रैंड अब्दुल कादिर जिलानी के भी आपको देखने को मिलते हैं। बुरजोम की बात करें तो ये एक आर्कोलॉजिकल साइट आपको देखने को मिलेगी, ये कश्मीर वैली के अंदर लोकेट करती है, और यहाँ पे इसके अंदर बात करें, यहाँ पे आपको कल्चरल सिग्निफिकेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। ये लगभग 3000 BC से लेके 1000 BC का जितना भी कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको नियोलिथिक एरा की कुछ मीन्स पीरियड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पीरियड थर्ड की बात करें, जिसको आप मेगालिथिक एरा के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे मैसिव जो स्टोन्स थे यानी व्हील जो थे, जैसे रेड पॉटरी की बात करें, वो ज़्यादातर मीन्स क्या आई थी, लाइम लाइट में आई थी। तो उसके बाद अगर आप पीरियड फोर्थ की बात करें, जो हिस्टोरिकल, जो अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड से रिलेट करता है, जिसको आप पोस्ट मेगालिथिक पीरियड भी कहते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट साइट है। ये बुरजोम जो है वो श्रीनगर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मखदून साहब आपको यहाँ पे कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, इसका हमज़ा मखदूम कश्मीरी के नाम से भी इनको जाना जाता है, और ये एक स्कॉलर थे, पॉइट थे, और स्पिरिचुअल प्रीचर भी थे। इनको यहाँ पे महबूब उल आलम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मतलब ये होता कि हर किसी के द्वारा इनको प्यार किया जाता था, एंड सुल्तान उल आफरीन के नाम से भी इनको जाना जाता है, यानी किंग ऑफ दोस हु नो गॉड, यानी उनके वो राजा थे जो भगवान को जानते थे, गॉड को जानते थे। इसी तरीके से यहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हेरिटेज साइट की बात करी, तो अभी लगभग ये 3 2 1/2 एंड 3 आवर्स का ये मैराथन हो गया है।
अभी यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट आगे जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर जैसे आप हिस्ट्री की बात करेंगे, ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेट सभी की बात करेंगे, और उसके बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन आप जम्मू कश्मीर है उनकी भी बात करेंगे। तो दो मैराथन के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर को हम फिनिश करते हैं ताकि आपको भी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को भी इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए। सो आप एक बार इसको एक रिवीजन के तौर पे लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैराथन रहा है। और आपने अभी तक अगर VLW की बात करें तो जो आपके बॉटम के जो जम्मू कश्मीर के तीन टॉपिक हैं जिसके अंदर जेंट के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाता है, हेरिटेज साइट एंड कल्चरल एंड हेरिटेज साइट की बात आ जाती है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात आती है, वो सभी कवर है। उसके साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट करंट डिटेल्स है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बारे में वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो लद्दाख के बारे में आपने बात करी थी, और लद्दाख के ही कुछ दूसरी भी आप जैसे नुब्रा वैली की बात करें तो ये आप यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर जाएं, वहाँ पे इसके बारे में सब कुछ दिया है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले मैराथन में जो आपको विद इन 3-4 डेज में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।